तो कहानी की शुरुआत में हम एक मैजिकल दुनिया को देखते हैं, जहां पर कोई भी काम मैजिक के बिना नहीं होता। यहां तक कि लोगों का सोशल स्टेटस भी उनकी मैजिकल एबिलिटी से डिसाइड होता है, और ऐसा माना जाता है कि ये ईश्वर का दिया हुआ एक तोहफा है। इस दुनिया में आपको उड़ते हुए ड्रैगन्स मिल जाएंगे, झाड़ू पर उड़ते हुए लोग मिल जाएंगे, और हर एक बंदा यहां पर मैजिक यूज कर सकता है, सिवाय एक लड़के के। दूर कहीं जंगल के बीच हम एक लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम मैश है, जो कि भारी भरकम वेट्स से वर्कआउट कर रहा होता है, और उसे देखकर जंगल के जानवर हैरान रह जाते हैं। ये बंदा इस तरह से वर्कआउट कर रहा होता है जैसे इसके लिए कुछ होता ही नहीं भाई ये वेट। और अब रोज की तरह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग करने के बाद घर जाने से पहले ये बंदा अपने फेवरेट क्रीम पफ्स खाता है। और इसके बाद जंगल के बीचों बीच हम एक घर को देखते हैं, जहां पर रिग्रो नाम का एक ओल्ड मैन मैजिक का यूज करके अपने लिए कॉफी तैयार कर रहा होता है। और जैसे ही रिग्रो अपनी कॉफी पीने लगता है, तो वो देखता है कि मैश वहां पर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर देना। मैश के फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बेवकूफ, तुम्हें अभी तक इतना नहीं पता चला कितने सालों से रह रहे हो मेरे साथ, तुम्हें दरवाजा खोलना नहीं आता, क्या बोलूं। मैश उनसे कहता है, आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और अब दरवाजे को फिक्स करने के चक्कर में मैश उसे जोर जोर से गलत एंगल पर मारने लगता है, और उसके फादर उससे चिल्लाकर कहते हैं, नहीं ये क्या कर रहे हो बेवकूफ, अरे नहीं रुको रुको इसको टेढ़ा करो। लेकिन मैश उनकी कोई बात नहीं सुनता और उस दरवाजे को पूरी तरह से तोड़ देता है। और वो फिर से कहता है, माफ कीजिएगा डैड, मैं इसे ठीक कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। और अब उसके डैड उसे बोलते हैं, क्या करूं भाई मैं तुम्हारा, छोड़ो कोई फायदा नहीं तुम्हें बोल के। और इसके बाद वो उसको कॉफी सर्व करते हैं और मैश से पूछते हैं, तो मैश अपनी ट्रेनिंग खत्म कर ली तुमने आज की? और मैश उनसे पूछता है, जी डैड, पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था, मुझे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग की क्यों करनी पड़ती है? और ये सुनकर उसके फादर चुप हो जाते हैं, क्योंकि मैश दूसरों की तरह मैजिक यूज नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर एक बंदा मैजिक यूज कर सकता है सिवाय मैश के, और इसीलिए उसको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ेगा। और उसे ये कहकर टाल देता कि हाँ हाँ मैं तुम्हें कभी और बताऊंगा, सुनो मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, और मुझसे वादा करो मैं जब तक वापस नहीं आता तुम यहाँ से नहीं जाओगे, समझ गए ना तुम, अकेले शहर में मत चले जाना तुम। मैश कहता है, नहीं नहीं डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन मैश का ये प्रॉमिस ज्यादा देर तक नहीं टिकता, और वो एक बेकरी का एडवर्टीजमेंट देखता है क्रीम पफ्स का, और उसकी क्रीम पफ्स बहुत ही सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं शहर में। और अब इसे रुका नहीं जाता और भागते हुए शहर की तरफ जाने लगता है, और अपनी हुडी को पहनकर शहर में चला जाता है। और वो शहर में जाकर देखता है कि लोग अपने हर एक काम के लिए मैजिक का यूज कर रहे होते हैं, लेकिन मैश इससे बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और बोलता है, ये क्या, इन्हें तो हर चीज में मैजिक यूज करना है, तो हाथ किस लिए दिए हैं तुम्हें। अब बेकरी वाली शॉप पर पहुंचकर मैश अपने फेवरेट क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है, लेकिन जब वो उस शॉपकीपर को कॉइंस देता है तो उन कॉइंस का शेप बिगड़ा होता है। मैश उससे माफी मांगता है, मुझे माफ करना, शायद मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया, लगता है ये कॉइंस मेरी मुट्ठी के अंदर दबकर टूट गए। शॉपकीपर ये सोचकर हैरान रह जाता है, भाई साहब ये कैसे हो सकता है भाई, इसने अपनी मुट्ठी से ही मोड़ दिए ने। और मैश सॉरी बोलते हुए उनका शेप वापस से ठीक कर देता है, जिसे देखकर वो शॉपकीपर इतना ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो जोर से चिल्लाने लग जाता है। और अब जैसे ही मैश वहां से जाने लगता है, तभी तेज हवा के झोंके से उसका लाल दुपट्टा उसके सिर से हट जाता है, जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं आसपास के, क्योंकि मैश के चेहरे पर मैजिक मार्क नहीं होता। दरअसल इस दुनिया में जो भी इंसान मैजिक यूज कर सकता है उसके चेहरे पर एक मार्क होता है, लेकिन मैश के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। और दूसरी तरफ हम ब्रैड को देखते हैं, जो कि एक मैजिक पुलिस ऑफिसर है, और वो एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ता है कि इस साल का डिवाइन विजनरी मैजिक एकेडमी का एक सेकंड ईयर स्टूडेंट रीन होता है। अब डिवाइन विजनरी का जो टाइटल होता है ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो कि मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, और इस टाइटल को पाकर उन्हें काफी ज्यादा नेम और फेम मिलता है, और साथ में बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। और ब्रैड अपनी स्टडी सी लाइफ को एक स्टूडेंट के साथ कंपेयर करने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि एक प्रिजनर एक लॉकअप के अंदर बंद होता है और ब्रैड से सॉरी मांग रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर वो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ छोटी सी चोरी की थी। और ये सुनकर ब्रैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि इस कैदी के चक्कर में उसका काम और ज्यादा बढ़ गया, और उसे पनिश करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है और उसे एक कॉल आता है, और उसे पता चलता है कि एक लड़का शहर में बिना किसी मैजिक मार्क के घूम रहा है। और इस तरफ हम मैश को देखते हैं, भाई क्या ये कितना फनी लग रहा है, क्रीम पफ खाता हुआ, और क्रीम पफ खाते हुए घर की तरफ जाने लगता है, और रास्ते में सभी लोग उसे देखकर शॉक्ड रह जाते हैं। और तभी मैश एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है चलते चलते, इस ऑफिसर ने दारू पी होती है और उसे कहता है, अरे लड़के तुझे दिखता नहीं, ये देख तूने क्या किया, अब मुझे इसे धोकर वापस कर। और तभी मैश उस ऑफिसर की शर्ट को फाड़ देता है और कहता है, ठीक है ऑफिसर मैं इसे आपको धोकर वापस कर दूंगा। और वो ऑफिसर मैश पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी वहां पर पुलिस ऑफिसर ब्रैड आ जाता है और उसे पूछता है, अभी क्या चल रहा है यहां पे, और वो ऑफिसर मैश को देखता है और वो समझ जाता है कि यही है वो लड़का बिना मार्क वाला। लेकिन इससे पहले कि वो उससे कुछ पूछताछ कर पाता, तभी मैश के फादर वहां पर गोली की रफ्तार से आते हैं और उसे उठाकर ले जाते हैं, और रास्ते में भागते हुए उस ऑफिसर से कहते हैं, इसे माफ कर देना ये थोड़ा नादान है, और उसे उठाकर भाग जाते हैं वहां से। और ये देखकर ब्रैड एक मैजिक बर्ड बनाता है मैजिक यूज करके और उनके पीछे लगा देता है उन्हें। और मैश और उसके फादर घर पहुंच जाते हैं, और उसके फादर उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं कि उसके मना करने के बावजूद भी वो अकेले
दिल्ली शहर में क्यों गया। मैश अपने फादर से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना डैड, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। अब ये देखकर कि इस मैश को अपनी गलती का पछतावा है, उसके फादर थोड़ा शांत होते हैं और उसे पनिशमेंट के तौर पर फिर से अपनी सुबह वाली ट्रेनिंग को दोबारा से रिपीट करने के लिए बोलते हैं। और जाने से पहले मैश उन्हें बाकी के क्रीम पफ्स दे देता है जो कि वो लाया था, और मैश ट्रेनिंग के लिए वहां से चला जाता है। और अब मैश के फादर सोचते हैं मन में, नहीं, मुझे मैश के साथ इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैश जिस एज का है उस एज में बच्चों का मन करता ही है कि वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करे। लेकिन मैं इसे कैसे समझाऊं, ये हमारी सेफ्टी के लिए ही है, हम उस शहर से इतनी दूर इस जंगल में रहते हैं। और तभी मैश के फादर की नजर खिड़की के बाहर जाती है और वहां पर वो एक मैजिक बर्ड को बैठा हुआ देखते हैं। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, कोई उनका घर तोड़कर अंदर आ जाता है और हम देखते हैं कि ये ब्रैड होता है और अपने साथ दो ऑफिसर्स को भी लाया होता है। और मैश के फादर से कहता है, हाँ तो कहाँ है वो बिना मार्क वाला लड़का, जरा बुलाओ तो उसे। और वहीं दूसरी तरफ मैश अपनी एक्सरसाइज कर रहा होता है। भाई कैसे कर रहा है ये, क्या बजा के भाई, मतलब फिजिक्स तो कुछ होती नहीं है, कुछ भी कर रहा है ये तो। और मैश अपना वर्कआउट 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेता पूरा। और अब एक्सरसाइज खत्म करने के बाद वो घर की तरफ जाने लगता है और गाना गाते गाते अपने घर की तरफ पहुंचता है। लग दी मैनू जी मैं अब रोंदी को है, ये क्या क्या करना था, क्या करना था, इसे धक्का देना था या खींचना था, अरे भूल गया मैं तो, शिट। और तभी उसे कमरे के अंदर से ऑफिसर ब्रैड की आवाज सुनाई देती है जो कि मैजिक यूज करते हुए उसके फादर को धमका रहा होता है। मैश दरवाजे में खड़ा हुआ सारी बातें सुनने लगता है। ब्रैड कहता है, जो लोग मैजिक यूज नहीं कर सकते वो इस मैजिकल दुनिया में नहीं रह सकते, और अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो उनको खत्म करने की जिम्मेदारी मेरी है, ताकि ऐसे ही बिना मैजिक वाले लोग फ्यूचर में और पैदा ना हो। जल्दी बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा। लेकिन मैश के फादर उससे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं और फ्रस्ट्रेटेड होकर ब्रैड उन्हें जोर से नीचे फेंकता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है उस मैश के लिए तुम्हें बहुत ही कड़ी सजा मिल सकती है। और तभी रेग्रो को एक फ्लैशबैक दिखाई देता है और हम रेग्रो के चाइल्डहुड को देखते हैं। रेग्रो को बचपन से ही एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था उसकी फैमिली के द्वारा, क्योंकि वो मैजिक करने में बहुत ज्यादा कमजोर था। और बड़े होते होते वो इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि वो एक दिन सुसाइड करने के बारे में सोचता है। लेकिन तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और उसे किसी ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके चेहरे पर कोई मैजिक मार्क नहीं था और उसे भी रेग्रो की तरह सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया होता है। और उस दिन रेग्रो को पहली बार ऐसा फील होता है कि किसी को उसकी जरूरत है, भले ही उसका इस बच्चे से कोई खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वो हमेशा इस बच्चे को एक पिता की तरह रखेगा और इस बच्चे का नाम मैश रखता है। और तभी वो पुलिस ऑफिसर रेग्रो के पास आता है और उसे कहता है, कहाँ है वो लड़का, जल्दी बताओ मुझे। लेकिन रेग्रो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, भाई अभी रात हो रही है तो मैं चिल्ला तो नहीं सकता, पर कोई नहीं ट्राई करता हूँ। मैश अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो यहाँ से भाग जाओ, अंदर मत आना। और ब्रैड गुस्से में उसे लाते मारने लगता है। मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और ब्रैड के एक साथी पुलिस ऑफिसर को एक जोरदार पंच मारता है और अब उस ऑफिसर के पास आता है और फिर से इसकी शर्ट फाड़ देता है और उसके मुंह पर चांटे मारने लगता है और इसे 100 से भी ज्यादा थप्पड़ मारता है और एक फाइनल थप्पड़ मारकर उसे साइड में कर देता है। रेग्रो मैश से कहता है, मैश मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ से भाग जाओ, तुम भागे क्यों नहीं। और मैश उन्हें बोलता है, डैड आप ही मेरा सब कुछ हो, तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मेरे डैड को परेशान मत करो वरना मैं तुम सभी को मार डालूंगा। और ब्रैड उसकी बातें सुनकर हंसने लगता है, तू मारेगा मुझे, मैजिक तो यूज कर नहीं सकता तू, बिना मैजिक के हराएगा मुझे, बच्चे बहुत मुश्किल है मुझे हराना, तू नहीं हरा सकता मुझे। और ब्रैड अपनी जादुई छड़ी घुमाकर मैश पर एक हमला करने लगता है, लेकिन मैश उसे अपने हाथों से ही रोक लेता है, जिसे देखकर ब्रैड बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि अभी जो उसने अटैक किया होता है उसने इसी सेम अटैक का यूज कर उसने एक बहुत बड़े ड्रैगन को मारा होता है पास्ट में, लेकिन उसके इस अटैक का मैश पर कोई भी असर नहीं होता। अब इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक से हमला करता है उस पर, लेकिन मैश उसे भी अपने हाथों से ही डॉज कर लेता है। और अब इसके बाद वो मैश पर लगातार हमले करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये मैश उसके अटैक से जगलिंग करने लगता है और फिर फुटबॉल की तरह उससे खेलने लगता है। और अब इसके बाद वो रेग्रो की जादुई छड़ी ब्रैड के ऊपर मारता है जो कि उसके फेस को कट करते हुए पीछे दीवार पर जाकर लगती है और ब्रैड ये देखकर बौखला जाता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो नीचे घुटनों पर बैठ जाता है और हार मान जाता है। और रेग्रो को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और मैश ब्रैड को धमकी देते हुए कहता है, अगर तुमने मेरे डैड को दोबारा से परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ये सुनकर ब्रैड फिर से हंसने लग जाता है और बोलता है, चलो ठीक है एक डील करते हैं, अगर तुम वैसा करोगे जैसा मैं अभी तुम्हें बोलने वाला हूँ तो मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड को एक शांति भरी जिंदगी जीने दूंगा। ब्रैड उसे बताता है हर साल एक स्टूडेंट को डिवाइन विजनरी बनाया जाता है, मैश को बस इतना करना है कि एक मैजिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेना है और डिवाइन विजनरी बनना है, क्योंकि डिवाइन विजनरी बनने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे रिस्पेक्ट के साथ साथ पैसा भी दिया जाता है और ब्रैड को मैश से पैसे ही चाहिए होते हैं। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो बेटे मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। अब मैश थोड़ा सा सोचता है और उसकी डील को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी इस डील को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बस अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। और अब ब्रैड की हेल्प से वो एक फेक मार्क बना लेता है अपने चेहरे पर और मैजिक अकेडमी का फॉर्म भी भर लेता है और मैजिक अकेडमी में चला जाता है जो कि बिना मैजिकल पावर से दुनिया का सबसे बेस्ट मैजिशियन बनने की ठानता है। अब इसके बाद हम ईस्टर्न मैजिक
एकेडमी को देखते हैं, जो कि सबसे पुराना और जाना माना मैजिकल स्कूल होता है। और इसी प्लेस से दुनिया के सबसे बेस्ट मैजिशियंस बनकर बाहर निकलते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक फील्ड के अंदर खड़े होते हैं बहुत बड़ी। और आज ही मैजिकल एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जो कि जेईई और नीट के एग्जाम से भी बहुत ज्यादा टफ होता है। और सिर्फ 3% बच्चे ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। इसीलिए जिसके पास सबसे ज्यादा खतरनाक मैजिक पावर्स होंगी उन्हें ही इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन मैश जिसके पास कोई भी मैजिकल पावर ही नहीं है, वो भी इस एग्जाम को देने के लिए रेडी होता है। और इस एग्जाम को कंडक्ट करने वाला एक एग्जामिनर खिड़की से बाहर देख रहा होता है। इस बंदे का नाम है लूची और उन सभी स्टूडेंट्स को देखता है। लेकिन तभी इसे जोर जोर से धम धम की आवाज सुनाई देती है और सोचता है अबे ये कैसी आवाज है। और जैसे ही वो बाहर देखता है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये मैश भारी भरकम वेट उठाकर वर्कआउट कर रहा होता है। और लूची सोच रहा होता है कि पागल वागल है, ये मैजिकल टेस्ट है भाई, ये क्या कर रहा है, ये फिजिकल वर्कआउट क्या कर रही है, ये क्या देख लिया भाई मैंने। वो दोबारा उसकी तरफ देखता है और मैश अपनी एक इनविजिबल चेयर बनाकर फिटनेस बुक पढ़ रहा होता है। ये तो पहले राउंड में फेल हो जाएगा। और तभी हम पीछे मैश के फादर और ब्रैड को भी देखते हैं, जो कि मैश पर छुप कर नजर रखे हुए थे। और भैया भाई बहुत बढ़िया, हाँ हाँ इससे क्या ही पता चलेगा, बिल्कुल पेड़ जैसे तो लग रहे हो तुम, बहुत बढ़िया। मैश के फादर को डाउट होता है और ब्रैड से पूछते हैं, ओ भाई सुने बिना मैजिकल पावर के कैसे जीतेगा ये। लेकिन ब्रैड को पूरा यकीन होता है, अरे 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 तुम चिंता मत करो, कर लेगा ये, कर लेगा, हमने इसके चेहरे पर एक मार्क तो बना दिया है, किसी को पता नहीं चलेगा, बस इसे किसी तरह से इस एग्जाम को पास करना है। और अब थोड़ी देर बाद लूची वहाँ पर आता है उन सभी स्टूडेंट के सामने और उसकी एंट्री को देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। लेकिन मैश उसकी एंट्री से बिल्कुल भी हैरान नहीं होता और लूची से कहता है, ये कैसी बकवास एंट्री है, इससे अच्छा तो मैं ही कर लेता। और उसकी बात सुनकर लूची को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और सोचता है इसे नहीं मैं पास करने वाला। और अब लूची एग्जाम के फर्स्ट राउंड को स्टार्ट कर देता है और जैसे ही एक जादुई छड़ी घुमाता है तो ग्राउंड के नीचे से बहुत सारे टेबल्स बाहर निकलते हैं और कुछ टेस्ट पेपर्स आसमान से नीचे गिरते हैं जमीन पर। और मैश लूची से पूछता है कि उसने पहले ही क्यों नहीं करा भाई सब कुछ तैयारी वगैरह। और उसकी बात सुनकर लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और लूची सोचता है कि सिर्फ 3% स्टूडेंट्स ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं, इस मैश का तो कोई चांस नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है इसको बोल के छोड़ो। और अब सभी लोग अपनी सीट पर बैठते हैं एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए और इसको पूरा करने के लिए सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया जाता है। और जैसे ही वो लोग क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो वो सारे के सारे जो इनके वर्ड्स होते हैं वो सबके सब उनकी आंखों के सामने घूमने लग जाते हैं स्टूडेंट्स के। लूची बोलता है कि उसने पेपर में मैजिक का यूज किया है और अगर उन्हें इस एग्जाम को पास करना है तो उन क्वेश्चंस को घूमने से रोकना होगा तुम्हें और उन्हें एक लाइन में सही से अरेंज कर दो। मैश उस क्वेश्चन पेपर पर घूमते हुए लेटर्स को रोकने के लिए बोलता है लेकिन वो लेटर्स उसकी कोई बात नहीं सुनते और फ्रस्ट्रेशन में अपना पेन तोड़ देता है। और उसके डर से सभी के सभी लेटर्स अपने आप ही सही जगह पर अलाइन हो जाते हैं और मैश उस पेपर को लूची को पकड़ा देता है। और लूची शॉक्ड रह जाता है कि इस एग्जाम को पास कर लिया है मैश ने, ये कैसे हो गया भाई, अबे मजाक है क्या। और इसके बाद मैश अपने हर एक टेस्ट को अपनी फिजिकल एबिलिटी का यूज करते हुए ही पास करने लगता है, वो भी बिना किसी मैजिकल पावर के। ये देखकर लूची चिढ़ जाता है, उसे लगता है कि इस मैश ने हमारे एंट्रेंस एग्जाम का मजाक बना के रख दिया है। और अब नेक्स्ट एग्जाम में लूची एक बहुत बड़ा सा भूल भुलैया बना देता है और स्टूडेंट्स को बोलता है कि उन्हें 30 मिनट के अंदर अंदर वहां से बाहर निकलना होगा। और लूची उन्हें वार्न भी करता है कि रास्ते में उन्हें बहुत सारे ट्रैप्स भी मिलेंगे जो उन्हें बाहर निकलने से रोकेंगे। और अब जैसे ही मैश उस भूल भुलैया के अंदर जाता है तभी एक लेमन नाम की लड़की उसके पास आती है और कहती है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हम यहां से जल्दी बाहर जा पाएंगे। लेकिन अपनी बेवकूफियों की वजह से वो बार बार किसी न किसी ट्रैप वगैरह में फंसती रहती है, जिसे देखकर मैश को भी अब उस पर डाउट होने लगता है कि भाई ऐसा तो नहीं होने वाला, इससे ये मेरे को भी नहीं निकलने देगी बाहर। तो ऐसे अब जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तभी लेमन अपने मैजिक से उसके दोनों हाथ पांव लॉक कर देती है और कहती है कि वो किसी पर्सनल रीजन की वजह से मैश को यहां से बाहर नहीं जाने दे सकती। लेकिन मैश उस लॉक को तोड़ते हुए ये कहकर वहां से भाग जाता है कि उसका भी कोई पर्सनल रीजन है, मुझे जल्दी बाहर निकलना है यहां से, चलो बाय बाय ओके टाटा। पर इससे पहले कि लेमन उसे किसी और तरीके से रोक पाती तभी एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है जिसने एक मास्क पहना होता है पिरामिड वाला। और वो मॉन्स्टर उससे एक रिडल के बारे में पूछने लगता है लेकिन वो उसका जवाब नहीं दे पाती और वो लेमन पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी मैश वहां पर आता है और उस मॉन्स्टर के फेस पर एक जोरदार पंच मार देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। लेमन उससे पूछती है तुमने मेरी हेल्प क्यों की और मैश कहते कि मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हुआ इसीलिए मैं वापस आ गया। और अब लेमन उसे कहती कि चलो ठीक है तुम वापस तो आ गए पर अब इतना टाइम नहीं बचा हमारे पास, हम समय खत्म होने से पहले यहां से नहीं निकल पाएंगे। और ये सुनकर मैश उन भूल भुलैया की दीवारों को पंच मारते हुए वहां से बाहर निकल आता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो दीवारें 1 मीटर मोटी और किसी भी तरह के मैजिक वगैरह से नहीं टूट सकती थी। और मैश टाइम खत्म होने से पहले ही अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए वहां से बाहर आ जाता है। लूची इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि मैश इस एग्जाम में पक्का फेल हो जाएगा। और तभी दूर से एकेडमी का हेडमास्टर ये सब देख रहा होता है और मैश को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स बोलते हैं कि इसने तो चीटिंग किया भाई और ये सभी लोग इस पर चिल्लाने लगते हैं और उसे कहते हैं ओ भाई घर जा तू चीटिंग कर रहा है हट 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 ये थोड़ी होता भाई। लेकिन लेमन आगे आकर उन्हें चुप होने को कहती है और कहती है कि ये सब उसकी ही गलती है। लूची उसे चुप करने के लिए कहता है और उसे धमकाता भी है लेकिन लेमन फिर भी सबको सच्चाई बता देती है कि लूची ने ही उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्कूल में एडमिशन देगा अगर वो मैश को रोक कर रखेगी इस भूल भुलैया का टाइम खत्म होने तक और उसे बाहर नहीं निकलने देगी। और वो उसकी बात इसलिए मानी क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब है और अगर वो इस मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेती है तो उनकी हालत थोड़ी सी सुधर जाएगी। और ये सुनकर लूची इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि
उसी ने लेमन को ये सब करने के लिए कहा था क्योंकि मैश उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन वो लोग उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि एग्जामिनर तो लूची ही होता है और वो जिसे चाहे उसे फेल कर सकता है। इसीलिए वो लेमन और मैश दोनों को ही फेल करने लगता है और जैसे ही वो अपनी मैजिकल छड़ी निकालता है तभी मैश उसकी तरफ आता है और उसकी छड़ी को ही तोड़ देता है और कहता है प्रोफेसर अब बहुत हुआ। और उसके बिहेवियर को देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक रह जाते हैं क्योंकि वो प्रोफेसर से बिल्कुल भी नहीं डरा। और इससे पहले कि लूची कुछ और कर पाता तभी एकेडमी का हेडमास्टर वहां पर आ जाता है और लूची को रोकते हुए बोलता है फाइनल एग्जाम अब मैं ही लूंगा और लूची तुम एग्जाम के बाद मुझे ऑफिस में मिलना, कुछ बात करनी है। और मैश को एक फाइनल इंटरव्यू के लिए लेकर जाया जाता है और मैश एक बड़े से हॉल के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाता है जहां का हेडमास्टर उससे इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है हां तो मैश तुम क्यों आए हो यहां पर, इस मैजिकल एकेडमी में क्यों एडमिशन लेना चाहते हो। और मैश उन्हें जवाब देता है कि वो अपने फादर के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता है इसलिए वो यहां पर एडमिशन लेने आया है। और फिर वो पूछता है कि वो लेमन की हेल्प करने के लिए क्यों रुका क्योंकि एग्जाम को खत्म होने के लिए बहुत ही कम टाइम बचा था तो फिर भी तुमने उसकी मदद क्यों की। तो मैश कहता है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करता तो बाद में उसे इस बात का बहुत पछतावा होता। और हेडमास्टर को उसका जवाब काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और कहता है कि मैश ऐसे लोगों में से है जो कुछ भी करने से पहले सोचते नहीं है। और बोलता है मैश ने उस मॉन्स्टर से लड़ने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है और अगर वो उस मॉन्स्टर को नहीं भी हरा पाता तब भी इसने कोशिश की। और हेडमास्टर उसे बोलता है लगता है तुम्हें पता नहीं है ये दुनिया कैसे चलती है बच्चे, दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। अगर तुम्हारा सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है तो तब तुम क्या करोगे। और तभी वो अपने मैजिक से एक स्पेल को क्रिएट करता है जिसमें एक धारदार ब्लेड होती है जो कि एक डॉल की दिशा में होती है। और ये देखकर मैश बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। हेडमास्टर बताता है कि ये एक एंशियंट स्पेल है जो कि किसी टारगेटेड इंसान की सबसे करीबी पर्सन की सोल को इस डॉल में ट्रांसफर कर देती है। और तभी मैश के फादर बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्मा उस डॉल के अंदर चली जाती है। हेडमास्टर बोलता है कि अगर ये ब्लेड इस डॉल को लग गई जिसमें ये सोल है तो उस इंसान की आत्मा कभी भी उसकी बॉडी में वापस नहीं जा पाएगी। मैश उस ब्लेड को पंच करता है ताकि वो रुक जाए लेकिन उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है लेकिन वो यहां पर नहीं रुकता और अपना हाथ उस ब्लेड के नीचे रख देता है ताकि उस डॉल के ऊपर वो ब्लेड ना लग पाए और इस तरह से वो उसे रोक लेता है। और वहां पर मौजूद सभी टीचर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि मैश कितना ज्यादा बहादुर है और वो हेडमास्टर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी इंप्रेस होता है और उसे लगता है कि मैश एक बहुत ही अच्छा इंसान है और हमेशा लोगों की हेल्प करता है और वो डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। इसके बाद वो हेडमास्टर उस स्पेल को डीएक्टिवेट कर देता है और मैश को बोलता है ये तुम्हारा सिर्फ एक टेस्ट था बच्चे। और हेडमास्टर पूरे रूम को कैंडल से रोशन कर देता है और कहता है मैं तुम्हें परखने के लिए ये सब कर रहा था। और मैश बोलता है हेडमास्टर जी अगर आप मेरे साथ कभी फाइट करोगे ना तो मैं आपको एक मुक्के में हरा दूंगा। और वहां पर मौजूद सभी टीचर्स हेडमास्टर से ऐसे बात करने के लिए उसे बहुत डांटते हैं लेकिन हेडमास्टर उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है और उसे कहता है ठीक है बच्चे तुम पास होते हो। इसके बाद वो मैश की डैड की आत्मा को भी उनकी बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैश की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और टीचर उन्हें मैजिक का यूज करके एक लॉक खोलना सिखाती है लेकिन मैश उस लॉक को अपने हाथों से ही तोड़ देता है जिसपे वो टीचर चिढ़ जाती है और उसे याद दिलाती है ओए ओ लड़के तू मैजिक की क्लास में है यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज नहीं चल रही है। और मैश बोलता है पर टीचर मैं तो मैजिक यूज करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। और उसकी टीचर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है ओए देखो मैजिक यूज करना था तू आया कैसे यहाँ पे। और तभी एक फिन नाम का लड़का जो ये सब कुछ देख रहा होता है सोचता है कि भाई क्या ये मैश मुझे तो इससे दूर ही रहना चाहिए भाई। और तभी कुछ सीनियर्स क्लासरूम के अंदर एक स्माइल देकर झांक रहे होते हैं। इसके बाद फिन अपने हॉस्टल रूम के अंदर जाने लगता है और सोचता है भाई ये मैश मेरा रूममेट ना हो बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे भगवान प्लीज हेल्प करो मेरी। और अपने रूम पे जाकर वो देखता है कि दरवाजा ही नहीं होता और पीछे मुड़कर देखता है कि मैश ने दरवाजे को पकड़ा होता है अपने हाथों में। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और कुछ देर बाद मैश अपना वर्किंग आउटफिट पहनकर अपने मसल्स को शो करने लगता है उसे जिसे देखकर फिन ये सोचता है कि ये तो मैजिक स्कूल है ना तो ये फिजिकल पावर का क्या यूज है पागल वागल है बंदा। इसके बाद मैश फिन से पूछता है क्या तुम्हें पता है हम डिवाइन विजनरी कैसे बन सकते हैं। और फिन उसे समझाता है हाँ 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 मैश उसके लिए तुम्हें गोल्ड कॉइन्स इकट्ठे करने होंगे और इसके लिए तुम्हें एकेडमीज और दूसरी स्कूल एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। सिल्वर और ब्रॉन्ज कॉइन्स अच्छे परफॉर्मेंस के लिए बनते हैं लेकिन अगर तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आते तो स्कूल से तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये सुनकर मैश निराश होकर अपना सर पकड़ लेता है लेकिन तभी वो फिन को एक क्रीम पफ देता है और मैश फिन से पूछता है कि वो नेक्स्ट क्लास के लिए क्या अपना झाड़ू दे सकता है क्योंकि वो एक पेड़ के तने को गलती से झाड़ू समझकर ले आया था। फिन ये देखकर हैरान रह जाता है भाई क्या बंदा ये पागल वागल है क्या, लेकिन फिर भी वो अपना झाड़ू देने के लिए मान जाता है। अगले दिन सभी स्टूडेंट्स ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं मैजिक राइडिंग लेसंस के लिए और टीचर उन सबको एक्सप्लेन करती है कि झाड़ू को उड़ाने के लिए पहले उन्हें अपनी मैजिक एनर्जी को झाड़ू के अंदर डालना होगा और फिर इसे उड़ाने की कमांड देनी पड़ेगी। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स अपने झाड़ू को उड़ने की कमांड देते हैं लेकिन जब मैश ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसका झाड़ू उड़ना तो दूर अपनी जगह से हिलता भी नहीं है क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक पावर्स नहीं होती है। और उसे वहां पर खड़ा हुआ देखकर एक स्टूडेंट वहां पर आता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है जैसे एक झाड़ू नहीं उड़ता है ऐसे बनेगा तू रोडीज। मैश अपने पांव को जोर से नीचे जमीन पर मार
मारता है और उस झाड़ू को उठा देता है, लेकिन उसे उड़ने की कमांड देने में लेट हो जाती है, जिसे देखकर वो स्टूडेंट हैरान रह जाता है और बोलता है, ओए ये तो चीटिंग है भाई, तुम्हारा झाड़ू कमांड देने से पहले कैसे उठ सकता है। लेकिन मैश ऐसे एक्ट करता है कि जैसे ये बंदा कोई पागल होता है और उसकी इसे कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, और वो स्टूडेंट आगे कुछ बोल पाता तभी टीचर ब्रूम राइडिंग कॉम्पिटिशन का ऐलान करती है, ये जानने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा तेज झाड़ू उड़ा सकता है। और वो स्टूडेंट सोचता है कि क्यों ना मैं मैश को चैलेंज करूं, ये काफी अच्छा मौका है इसे नीचा दिखाने का। और वो मैश से एक बैट लगाता है कि जो भी इस कॉम्पिटिशन में हारेगा उसे जीतने वाले की हर एक बात माननी पड़ेगी, तब तक जब तक वो इस अकेडमी से पास नहीं हो जाता। मैश उसकी बात को मान लेता है और वो दोनों ब्रूम राइडिंग कॉम्पिटिशन के लिए रेडी हो जाते हैं। वो स्टूडेंट सोचता है कि वो मैश को आसानी से हरा देगा क्योंकि वो मिडिल स्कूल से ही झाड़ू को अच्छे से उड़ाना जानता है। और तभी टीचर को मैश की शक्ल देखकर याद आता है, अरे ये तो वही है ना जिसने वो ताला तोड़ दिया था अपने हाथों का यूज करके, इसके पास कोई मैजिक भी नहीं है, हारेगा ये मुझे क्या बर। और अब जैसे ही टीचर रेस को स्टार्ट करती है, मैश तेजी से रेस को कुछ ही पल में खत्म कर देता है, जिसे देखकर बाकी के सभी स्टूडेंट्स शॉक्ड रह जाते हैं। और उसकी तेज स्पीड को देखकर टीचर खुशी से चिल्लाने लगती है, भाई साहब ये तो एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये कैसे हो गया। और सभी स्टूडेंट्स इस बात से हैरान होते हैं, ये क्या देख लिया भाई हमने सच में। लेकिन फिन को पता होता है कि मैश कैसे जीता। दरअसल जैसे ही रेस स्टार्ट हुई थी, मैश ने जोर से झाड़ू को आगे की तरफ फेंका और फिर एक तेज स्पीड से उस झाड़ू की तरफ भागता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है कि वो झाड़ू हवा में है। लेकिन वो ये सब कुछ इतनी तेजी से करता है कि फिन को भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लगती है। और तभी वो स्टूडेंट मैश की तरफ भागते हुए आता है, जिसने उसके साथ बैट लगाई थी, और उसे कहता है, ओ भाई तूने चीटिंग किया है। लेकिन मैश उसे बोलता है कि वो ये सब इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि तुम हार चुके हो और एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, चले जाओ यहां से। लेकिन मैश उस पर दया खकरों से बोलता है, ठीक है कोई बात नहीं। और वो आगे कुछ बोल पाता तभी केविल वहां पर आ जाता है और मैजिक का यूज करके उसका मुंह बंद कर देता है ताकि वो कुछ और ना बोल पाए। केविल मैश से सॉरी मांगता है उसके दोस्त के बिहेवियर के लिए, और बाकी के सभी स्टूडेंट्स चुप होकर ये सब देख रहे होते बस, और कहते हैं कि मैश केविल का नेक्स्ट टारगेट बन चुका है, अब ये नहीं बचने वाला भाई। और उन्हें मैश के लिए बहुत ही बुरा फील होता है और मैश खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन मैश उसका नाम सही से बोल नहीं पाता जो कि एक इंसल्ट से कम नहीं था, और पूरी की पूरी क्लास ये सुनकर चुप हो जाती है बिल्कुल। और केविल को मैश पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन फिर वो अपने गुस्से को छुपाने की कोशिश करता है, अरे कोई बात नहीं। और दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए उसे जादू से मजा चुकाने के बारे में सोचता है, लेकिन टीचर बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बोलती है, अबे ओ क्या कर रहे हो तुम, चलो क्लास में जाओ। और केविल मैश से कहता है, क्यों ना क्लास के बाद हम यहाँ पर आकर मिलें दोबारा से। और क्लास के बाद केविल उस स्टूडेंट को अपने साथ ले जाता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है कि वो मैश से कैसे हार गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, तूने मेरी नाक कटा दी है। और दूसरी तरफ क्लास के बाद मैश फिन से केविल के बारे में पूछता है, भाई कौन था ये आइटम, और फिन उसे बताता है कि केविल के डैड मैजिक ब्यूरो में काफी ज्यादा हाई पोस्ट पर हैं और इस एकेडमी के वाइस प्रिंसिपल उसके डैड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो जो कोई भी केविल के खिलाफ जाता है तो उसे एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाता है, इसलिए हर कोई उससे डरता है और उसकी हर बात मानता है। अब स्कूल के बाद मैश क्रीम पफ्स बनाने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो क्रीम पफ बना रहा होता है तभी उसे लगता है कि शायद वो कुछ भूल रहा है, और सच में वो भूल गया था कि उसे क्लास के बाद केविल और उसके दोस्तों से मिलना था जो कि उसका बाहर वेट कर रहे होते हैं फील्ड में। अब अगले दिन मैश नोटिस करता है कि उसकी बुक आधी फटी होती है, वो उसे देख ही रहा होता है कि तभी केविल वहां पर आ जाता है और उसे पूछता है, अरे तुम कल आए नहीं यार, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। और तभी मैश को याद आता है, अरे यार मैं सोच ही रहा था, कुछ तो भूल रहा हूं मैं, ये भूल रहा था शिट। और वो केविल को इसके लिए सॉरी मांगता है और कहता है, सॉरी यार मैं कल ना क्रीम पफ बना रहा था तो मैं भूल गया। और ये सुनकर केविल को गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, लेकिन वो जल्दी से बात को बदलते हुए बोलता है कि मैंने सुना है यार तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो। केविल यहां के वाइस प्रिंसिपल को अच्छे से जानता होता है और कहता है कि भाई मैं ना वाइस प्रिंसिपल से तेरी बात चलाता हूं, मैं उसको बहुत सारी तारीफ कर दूंगा तेरी और इससे तुझे डिवाइन विजनरी बनने में हेल्प मिलेगी बहुत ज्यादा, बस इसके बदले तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। और केविल की हरकतों से बेखबर मैश को उसका ये ऑफर अच्छा लगता है और पूछता है, हाँ ठीक है पर तुम मेरी हेल्प क्यों लेना चाहते हो। और केविल कहता है, भाई मुझे लगता है तुम एक अच्छे और फनी लड़के हो। और वो मैश को अपना सामान उठाने का काम देता है और उससे अपने जूते तक साफ करवाता है और उससे और भी काम करवाता है बहुत सारे। और इसके बाद मैश एक दूसरी क्लास अटेंड करने के लिए वहां से चला जाता है, लेकिन फिर से उसे अपनी बुक फटी हुई मिलती है और वो फिन से पूछता है, क्या तुम अपनी बुक शेयर कर सकते हो मेरे साथ। और जबरदस्ती फिन के साथ जाकर बैठ जाता है उसके मना करने के बावजूद भी। इसके बाद वो फिन को कुछ क्रीम पफ्स देता है और सोचता है कि कितना लगी है वो कि फिन जैसा इंसान उसका फ्रेंड है जिसकी हमेशा हेल्प करता है। और बाद में मैश केविल के लिए पानी लेकर आता है, लेकिन वो जबरदस्ती उसे जमीन पर गिरा देता है और मैश को साफ करने के लिए बोलता है और उसका ऑर्डर मानते हुए फ्लोर को बहुत ज्यादा चमका देता है, इतना कि उसमें रिफ्लेक्शंस दिखने लग जाती है। भाई क्यों कर रहा है मैश इसके लिए इतना ये सब। और इसके बाद हमें पता चलता है कि फिन ने ही केविल के कहने पर मैश की बुक को फाड़ा होता है और अब वो उसे मैश के कपड़े जलाने को बोलता है, लेकिन इस बार फिन उसे मना कर देता है उसके ऑर्डर्स मानने के लिए और केविल अपने जादू से उसे पनिश करते हुए नीचे जमीन पर गिरा देता है। और केविल की बात ना मानने के लिए उसे माफी मांगने के लिए कहता है, तभी मैश को याद आता है, अरे फिन कहाँ गया, और वो उसे ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो फिन से मिलता है तो उसे बहुत ही जख्मी हालत में मिलता है फिन। मैश उसके पास जाता है और उसे पूछता है, फिन क्या तुम ठीक हो, और तभी फिन रोने लग जाता है, सॉरी मैश मैंने ही केविल के कहने पर तुम्हारी बुक्स फाड़ी थी, मुझे माफ कर देना यार, लेकिन जब तुमने उस दिन मुझे अपना दोस्त कहा तो ये बात मेरे मन को छू गई, मुझे माफ कर देना। और जिसके बाद मैश केविल के पास जाता है और उसका सर जमीन पर पटक देता है और कहता है, मेरे दोस्त को तंग किया तुमने, उससे माफी मांगो अभी इसी वक्त। और तभी वाइस प्रिंसिपल फरमान वहां पर आ जाता है और कहता है, मैंने सब कुछ देख लिया जो भी यहां पर हुआ था। और मैश सोचता है, चलो ठीक है भाई अब इसको सजा मिल जाएगी इसकी हरकतों के लिए। लेकिन तभी फरमान
बोलता है, मैश इस समय तुम्हारी गलती है क्योंकि केवल की हाई स्टेटस की वजह से मैं उसका नाम खराब नहीं करना चाहता। और तभी मैश उसके मुंह पर भी लात मार देता है और उसे चुप करा देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन मैश समझाता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस वाइस प्रिंसिपल को सच्चाई से दिक्कत होती है, और मैश से बोलता है, तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। और अब जैसे ही फरमान उसे पनिश करने के लिए अपनी छड़ी बाहर निकालता है, तभी मैश उसके सिर पर मिट्टी मार के उसे रोक लेता है और एक फ्लोर में गड्ढा बनाने लगता है, और फरमान को उस गड्ढे के अंदर डाल देता है और उसे अंदर गाड़ देता है। बाद में मैश को प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया जाता है और हेडमास्टर से बोलता है, हाँ तो मैश, मुझे मैजिक ब्यूरो से ये ऑर्डर मिला है कि तुम्हें इस स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि केविल मैजिक ब्यूरो के एक अपर रैंक ऑफिसर का बेटा है और जो कुछ भी तुमने केविल के साथ किया उससे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन तभी हेडमास्टर उस नोटिस को जलाते हुए कहता है, पर नहीं, तुम जैसे बहुत ही कम लोग होते होंगे जो कि गलत के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे लोग ही डिवाइन विजनरी बने, क्योंकि मैजिकल वर्ल्ड को कंट्रोल करने की पावर एक डिवाइन विजनरी के अंदर ही होती है। और मैश उसे बताता है कि उसने पहले से ही डिवाइन विजनरी बनने का सोचा हुआ है, और हेडमास्टर उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है। लेकिन वो बताता है कि उसे स्कूल एक्टिविटीज में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाने होंगे डिवाइन विजनरी बनने के लिए, और सबसे ज्यादा कॉइन्स भी कलेक्ट करने होंगे। और फिर आगे मैश को बोलता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल और मैजिक ब्यूरो को संभालूंगा ताकि वो लोग मैश के लिए कोई मुसीबत खड़ी ना कर पाए, और तुम बस अपने कॉइन्स कलेक्ट करने में फोकस करो। और मैश वहां से बिना किसी पनिशमेंट के चला जाता है, और दूसरी तरफ पूरे स्कूल को पता चल जाता है कि मैश ने वाइस प्रिंसिपल और केविल की पिटाई की होती है। अगले दिन टॉम नाम का एक स्टूडेंट मैश के पास आता है और उनके साथ मिलकर एक मैच खेलने के लिए इनवाइट करता है, और मैश बोलता है, पर मुझे तो झाड़ू उड़ाना बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन टॉम उसकी बातों को अनसुना कर देता है, और मैच वाले दिन सभी स्टूडेंट्स उस मैच को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं और प्लेयर्स अपने झाड़ू पर उड़ते हुए गेम खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन मैश बेचारा नीचे खड़ा मैजिक के बिना झाड़ू भी नहीं उड़ा पाता और लोग उस पर अलग अलग तरह की चीजें फेंकने लगते हैं। अबे गेम स्टार्ट होगी, क्या कर रहा है ये तू, उड़ भाई, क्या हो गया तेरे को। और इसे देखकर मैश को लगता है, भाई क्या यार, कहां फंस गया मैं, इससे अच्छा मैं घर ही चला जाता हूं। और तभी टीम का कैप्टन टॉम मैश को देखकर नीचे आता है और उसे गेम खेलने को एनकरेज करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो इसलिए नहीं खेल रहा क्योंकि उसमें गेम को खेलने की एक्साइटमेंट कम है, उसे बस मोटिवेशन चाहिए। और वो मैश को याद दिलाता है, ओए तेरा तो सपना था ना नंबर वन बनने का, चल खेल जल्दी। लेकिन मैश बोलता है, ये कब हुआ भाई, मैंने तो कभी बोला ही नहीं मुझे नंबर वन बनना है। और टॉम मैश को एक बैम्बू का एग्जांपल देते हुए बोलता है, तुम्हें पता है एक बैम्बू हर तरह के क्लाइमेट में सर्वाइव कर जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, और तुम्हें भी ऐसे ही एक बैम्बू की तरह स्ट्रांग होना पड़ेगा, चलो अब खेलो मेरे साथ। और ये देखकर मैश को लगता है कि शायद ये पगला गया भाई, कैप्टन क्या कर रहा है हरकते। और तभी टॉम को याद आता है कि उसने मैश को गेम के रूल्स तो बताए नहीं, इसलिए शायद वो गेम को नहीं खेल पा रहा, और वो उसे समझाता है कि गेम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। दोनों टीम्स को झाड़ू पर सवार होकर बॉल को एक दूसरे से छीनना है और उनकी राइवल टीम्स के रिंग में डालकर स्कोर करना है। लेकिन इस गेम में झाड़ू उड़ाने के अलावा हम किसी और भी तरह के मैजिक का यूज नहीं कर सकते। अब ऑपोजिट टीम वालों ने 9 पॉइंट्स स्कोर कर लिए थे जबकि उनकी टीम के सिर्फ 4 ही थे, और ये देखकर टॉम उस गेम को खेलने के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वापस गेम में जाने के लिए अपने झाड़ू पर बैठ जाता है। और मैश इसे एक्सपेक्ट करता है कि वो जल्दी से इस गेम को खेलने के लिए उसे ज्वाइन करेगा, लेकिन तभी दूसरी टीम का कैप्टन वहां पर आता है और टॉम को बीच हवा में धक्का मारता है और नीचे गिरा देता है, और टॉम को सपोर्ट करने वाली लड़कियां पागल हो जाती है देखकर, और वो लड़का जिसने टॉम को नीचे गिराया था वो उसे सॉरी बोलता है और मैश के पास जाता है और उसे बोलता है, अभी ठीक है तुम्हारा कैप्टन है, लेकिन कैप्टन बोलता है कि उसके हाथ में चोट लग चुकी है और अब वो शायद इस गेम को नहीं जीत पाएगा। और तभी हमें पता चलता है कि सामने वाली टीम एक और पॉइंट स्कोर कर लेती है। टॉम उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है कि तुमने चीटिंग की है, ऐसे चीटिंग करके जीतोगे तुम, गलत बात है। और कैप्टन बोलता है गेम को जीतना ही तो है, जैसे मर्जी जीतो, ये सब कुछ बकवास है। और कैप्टन को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानी होती है और वो जानते हुए भी कि वो लोग बुरी तरह से हार रहे हैं, वो मैश को बोलता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, जीतना पड़ेगा हमें इसे। और ऑपोजिट टीम को लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा पॉइंट्स को स्कोर कर लिया है और वो इस गेम को आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन तभी मैश अपने हाथ में झाड़ू पकड़ता है और हवा में तेजी से छलांग मारता है। एक स्टूडेंट इशारा करते हुए बोलता है, ये देखो वो हवा में रुका हुआ है। लेकिन गौर से देखने में पता चलता है कि वो तो बस अपने झाड़ू पर बैठकर जोर से हवा में किक मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो हवा में फ्लोट कर पा रहा होता है। मैश फिर अपने टीममेट से बॉल पास करने के लिए बोलता है और तभी दूसरी टीम वाले उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अबे ये तो अपनी झाड़ू को जगह से हिला भी नहीं पाएगा, और उसे बॉल छीनने के लिए उसकी तरफ पड़ते हैं। लेकिन मैश दूर से ही सामने वाली टीम की रिंग के अंदर फेंकता है बॉल को और एक पॉइंट बना लेता है। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड रह जाते हैं और सामने वाली टीम के बंदे सोचते हैं, अरे भाई नहीं जीत पाएंगे ये लोग, क्योंकि अभी भी वो 49 पॉइंट से उनसे पीछे होते हैं और टाइम भी बहुत ही कम बचा होता है। लेकिन एक बार बॉल को रिंग से फेंकने के बाद वो फिर से मैश के पास आ जाती है बिल्कुल एक बूमरैंग की तरह। इसके बाद मैश अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए तेजी से बॉल को रिंग के अंदर डालता है और कुछ ही देर में बहुत सारे पॉइंट्स स्कोर कर लेता है। और ये देखकर लेमन तो मैश की दीवानी ही हो जाती है और दोनों टीम की कैप्टन्स भी उसकी इस परफॉर्मेंस को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मैश की टीम को इस गेम का विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके लिए उन्हें एक सिल्वर कॉइन मिलता है। अगले दिन मैश उस कॉइन को देखते हुए बोलता है, फिन इसकी शेप इतनी अजीब क्यों है। और तभी टॉम उनकी तरफ आता है और उसकी फैन गर्ल्स उसके लिए पागल हो रही होती है और टॉम की शक्ल को देखकर फिन को लगता है कि बहुत गुस्से में भाई आज तो गया मैश, पर वो आते ही मैश को गले से लगा देता है और उसे थैंक्स बोलता है कि उसने एन मौके पर आकर सही से खेल के उनकी टीम को बचा लिया, थैंक यू भाई, थैंक यू। और इसके बाद मैश की उस गेम को जीतने वाली खबर न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसे लैंस नाम का एक स्टूडेंट पढ़ रहा होता है और उसे याद आता है कि ये मैश तो वही है ना, एंट्रेंस एग्जाम वाला लड़का, और उसकी पिक्चर को फाड़ते हुए बोलता है, इस बेवकूफ लड़के ने एग्जाम में उस लड़की की हेल्प करके खुद को रिस्क में डाला था, अब यही है मेरा नेक्स्ट टारगेट। और दूसरी तरफ क्लास में टॉम मैश को गेम की प्रैक्टिस के लिए बुला रहा
होता है और लेमन उसके और भी करीब आने के लिए अपने साथ पढ़ाई करने के लिए बोलती है, लेकिन मैश किसी भी चीज में इंटरेस्टेड ही नहीं होता है, इसलिए वो फिन से कहता है अरे भाई बचा ले यार मुझे, क्या है भाई ने क्या तकलीफ है, लेकिन फिन को उनके बीच में ना पड़ना पड़े इसलिए वो सोने की एक्टिंग कर रहा होता है। तभी लेंस वहां पर आकर बोलता है गाइस क्या मैं भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकता हूं, और टॉम उसकी फेस पर दो मैजिक मास्क को देखते हुए सोचता है ये कौन है भाई, मैंने तो इसे कभी देखा नहीं पहले, और लेमन को याद आता है कि ये तो वही है ना जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था, और सोचती है अरे ये लेंस कितना ज्यादा क्यूट है। और तभी मैश लेंस को बोलता है यहाँ पर हम कोई मजे नहीं कर रहे, और लेंस बोलता है तो चलो भाई कुछ करते हैं ऐसा जिसमें मजा आएगा। मैश ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है और उसे पूछता है तो क्या हम हाइड एंड सीक खेलने वाले हैं। लेंस इस पर मना करते हुए अपने कोट में से एक बोतल निकालता है और कहता है इसके अंदर मैजिक है, और जैसे ही वो उस बोतल को खोलता है तो वो टॉम लेमन और फिन को उस बोतल के अंदर कैद कर लेता है, और मैश से कहता है अगर तुम्हें अपने दोस्त वापस चाहिए तो मुझे जंगल में आके मिलना, और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और गाइस इसके अगले पार्ट के लिए प्लीज 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और थोड़ी देर बाद वो लोग जंगल में मिलते हैं, और मैश उसे पूछता है कि वो क्या चाहता है भाई, क्या है तेरे को, और लेंस उसे बताता है कि वो भी मैश की तरह कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो उसे एक फाइट में चैलेंज करना चाहता है जिसमें वो अपने अपने कॉइन्स को दांव पर लगाएंगे और जो भी जीतेगा कॉइन्स उसी के हो जाएंगे। अब लेंस के हाथों में दो सिल्वर कॉइन देखकर टॉम शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि दो सिल्वर कॉइन्स होने का मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। और हमें ये भी पता चलता है कि फेस के ऊपर जितने ज्यादा मैजिक मार्क्स होते हैं वो इंसान उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। लेंस के फेस पर दो मार्क्स होते हैं जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। इसके बाद लेंस मैश को फाइट करने के लिए बोलता है उसके साथ। अब लेंस के पास मैश के फ्रेंड्स होते हैं तो मैश को उसका ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, और फिर वो मैश की बेवकूफी का मजाक उड़ाने लगता है कि उसने एंट्रेंस एग्जाम वाले दिन उस लड़की को बचाने के लिए अपना एग्जाम ही दांव पर लगा दिया था, ऐसे लोग डिवाइन विजनरी बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और टॉम और लेमन मैश को मना भी करते हैं उससे फाइट करने के लिए, लेकिन मैश उनकी नहीं सुनता और कहता है ठीक है मैं रेडी हूं तुमसे लड़ने के लिए। अब अपनी मैजिकल पावर्स को दिखाने के लिए लेंस अपनी छड़ी घुमाता है और ग्रेविटी स्पेल का यूज करके आसपास के जंगल को मैदान में बदल देता है। और दूसरी तरफ मैश के फादर और पुलिस ऑफिसर ब्रैड मैश पर नजर रखने के लिए जंगल में बैठे होते हैं, और रेगरो कहता है भाई मुझे मैश की चिंता हो रही है यार, और तभी वो जंगल को टूटता हुआ देखते हैं जो कि लेंस की मैजिकल पावर से हुआ था। अब लेंस ने आसपास के एरिया को साफ कर दिया होता है ताकि वो लोग फाइट को शुरू कर पाए। मैश बोलता है भाई ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं तुम्हें, और वो लेंस की तरफ दौड़ता है, लेकिन लेंस बोलता है कि मैजिक के बिना तो मुझे कभी नहीं हरा सकते बेटे। अब अपनी ग्रेविटी स्पेल का यूज करके मैश को जमीन पर गिरा देता है। मैश उठने की कोशिश करता है लेकिन लेंस का ग्रेविटी स्पेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है जिससे आज तक कोई भी इंसान नहीं बच पाया, लेकिन मैश भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो अपने हाथों को जमीन में घुसाते हुए वहां से कुछ पेड़ों की जड़ों को निकालता है और आसपास की जमीन को हिला देता है जिससे कि लेंस को भी वहां से हटना पड़ता है। मैश फिर वहां से लेंस की तरफ देखता है और उसे पूछता है हां तो तुम्हें भी जमीन की धूल चाटनी है, और तभी उसकी तरफ बढ़ता है। इस बार उसकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा तेज होती है इसलिए लेंस अपने मैजिक से उस पर अटैक करता, उससे पहले ही मैश उसकी तरफ बढ़कर एक पंच मारता है, लेकिन लेंस उसके अटैक से खुद को बचा लेता है, और जैसे ही उससे दूर भागता है उसका लॉकेट जमीन पर गिर जाता है और मैश के पास जाकर गिरता है। मैश उस लॉकेट को ओपन करता है और देखता है कि उसके अंदर एक छोटी सी लड़की की पिक्चर होती है और सोचता है ओए तू छोटे लड़कियों को किडनैप तो नहीं करता गंदे आदमी, हट लगता है पुलिस को बुलाना पड़ेगा अब। और लेंस उसे बताता है अबे ढक्कन ये मेरी बहन है, और मैश उसे उसका लॉकेट वापस कर देता है। और अब लेंस मैश से पूछता है तो तुम्हारे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज कौन सी है। मैश थोड़ा सोचता है और बोलता है क्रीम पफ, इंसानों की जिंदगी, प्यार और आजादी। लेंस उसका आंसर जानकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है भाई क्या है ये पागल वागल है तू। मैश बोलता है अच्छा तुम्हें बता दो फिर इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती क्या है, और लेंस उसे एक क्रेजी सा लुक देते हुए बोलता है सबसे ज्यादा कीमती चीज इस दुनिया में सिर्फ मेरी बहन है। और फिर वो खाई के पास जाता है और कहता है तो मैश मैं इस बॉटल को अब नीचे गिराने वाला हूँ, इसमें तुम्हारे दोस्त है और मैं जादू की हेल्प से इस बॉटल के गिरने की स्पीड को तेज कर दूंगा ताकि तुम इसे रोक भी ना पाओ, मैं ये सब कुछ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहां हम लेंस का बचपन देखते हैं। उसे काफी सारा चोटें आई थी क्योंकि उसने कुछ बुली से एक बच्चे को बचाया होता है, जिस पर उसकी बहन उसे बोलती है कि वो कितनी खुश नसीब है कि उसके पास एक ऐसा भाई है जो लोगों की हेल्प करता है हमेशा। और फिर दूसरे ही दिन लेंस को पता चलता है कि उसकी बहन को एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, और इससे उसके फेस का मैजिकल मार्क और उसकी मैजिकल पावर्स कुछ 5 सालों के बाद चली जाएंगी, और ऐसा होने पर उन्हें उसे मैजिक पुलिस को सौंपना पड़ेगा जो कि बिना मैजिक वाले यूजर्स का खात्मा कर देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जिसके पास मैजिक नहीं होता उन्हें रहने का कोई भी हक नहीं होता। और फिर लेंस उसी दिन ठान लेता है कि वो एक डिवाइन विजनरी बनेगा और मैजिक ब्यूरो में जगह लेकर इस सिस्टम को बदल देगा। अब लेंस उस बॉटल को नीचे फेंक देता है और अपने जादू से उसकी स्पीड को भी तेज कर देता है बहुत ज्यादा, लेकिन जब वो मैश की तरफ देखता है तो वो चौंक जाता है कि मैश तो अपने जिम के कपड़ों में है और भागने से पहले वार्म अप करके भागने की पोजीशन में आ जाता है। अब मैश के पास मैजिकल पावर्स तो नहीं होती इसलिए वो मैजिक यूज करने की बस एक्टिंग करता है, और बॉटल का पीछा करने से पहले लेंस को बोलता है अपने दोस्तों को ना बचाना और तुमसे हार जाना
मुझे कभी भी मंजूर नहीं है। और इतनी तेजी से भागता है कि वो कुछ सेकंड्स में ही उस बॉटल को वापस लेकर आ जाता है। लैंस को ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि भाई इतनी जल्दी कैसे कर दिया इसने, ये क्या मजाक है। और वो सोच में पड़ जाता है कि इसने पक्का मैजिक यूज किया है अपनी फिजिकल पावर्स को बढ़ाने के लिए। और तभी मैश लैंस को बोलता है, चलो भाई बहुत हो गया, अब हमें इस फाइट को यहीं पर रोक देना चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम एक बुरे इंसान हो, और जो बॉटल तुमने गिराई है वो तो खाली थी। और मैश उसकी तरफ भागता है और असली बोतल को उसके कोट में से निकालता है जिसमें उसके दोस्त होते हैं। और लैंस को देखकर मैश को अपनी बहन की याद आ जाती है जिसे अपना भाई इसीलिए पसंद होता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा काइंड और हमेशा लोगों की हेल्प किया करता था। और लैंस को फील होता है कि मैश भी बिल्कुल उसकी बहन की तरह है। और वो मैश को बोलता है, ठीक है हम इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं। और वहां से जाने से पहले वो मैश को सिल्वर कॉइंस देता है और मैश के फ्रेंड्स उसे बचाने के लिए उसे थैंक यू बोलते हैं। अरे भाई मैश भाई आपने बचा लिया हमें, थैंक यू। अब आगे हमें पता चलता है कि मैजिक एकेडमी में तीन टाइप के ग्रुप्स होते हैं, ऑर्का डॉम, एडलर डॉम और लैंग डॉम। और मैश एडलर डॉम के मेंबर्स होते हैं और रूम नंबर 302 जहां पर वो रहते हैं वहां पर बैठे हुए मैश फिन से बोलता है, तो अब मुझे गोल्ड कॉइन बनाने के लिए 5 सिल्वर कॉइंस की जरूरत पड़ेगी। और फिर वो कैलकुलेट करने लगता है कि अभी उसके पास 2 सिल्वर कॉइंस है, तो अगर 5-2 किया जाए तो 28 होता है। वाह भाई वाह, क्या कैलकुलेशन है तेरी, बहुत बढ़िया। जिसका मतलब है कि अब उसे 28 सिल्वर कॉइंस कलेक्ट करने हैं, इसे ऐसा लगता है। लेकिन फिन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, अबे ढक्कन 5-2 3 होता है ना कि 28, बचपन में सर के बल गिर गया था क्या। और मैश को रियलाइज होता है कि वो मैथ्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल मेरी तरह। और वो आगे बात कर ही रहते हैं कि तभी फिन को याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है और तभी डर के मारे चिल्लाकर बोलता है, ओ शिट यार मैं अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना तो भूल ही गया, अगर टाइम पे नहीं दिया ना तो मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन मैश को तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और वो फिन को कहता है, फिन क्रीम पफ खाओगे क्या। और तभी लैंस वहां पर आ जाता है और उसने उनकी सारी बातें सुन ली होती है बाहर से और उन्हें बोलता है, तुम दोनों सच में बहुत ज्यादा केयरलेस हो। और लैंस की बात सुनकर उन्हें लगता है कि उसने अपनी असाइनमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। और इससे पहले कि लैंस उन्हें और ज्यादा लेक्चर सुनाता, मैश उसके लॉकेट को खोलकर उसका मुंह बंद कर देता है जिसमें उसकी बहन की फोटो होती है। और लैंस अपनी बहन के प्यार में इतना ज्यादा पागल होता है कि उसकी पिक्चर देखते ही वो खुद ही दीवार में जाकर लगता है और जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। और कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो लैंस मैश और फिन को किचन में लेकर जाता है और उनका पोर्शन असाइनमेंट कंप्लीट करने में उनकी हेल्प करवाता है जिसमें उन्हें एक जादुई काढ़ा तैयार करना होता है। और उन्हें बताता है कि मूली इस काढ़े को बनाने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, अगर तुम इस रोती चिल्लाती हुई मूली को चुप करा दोगे तो इसकी हेल्प से एक बहुत ही अच्छा काढ़ा बना सकते हैं हम लोग। मैश बोलता है, अरे शिट यार इसके लिए तो मैजिक की जरूरत पड़ेगी, मेरे पास टाइनी मैजिक मैं क्या करूं। और तभी उसे याद दिलाता है कि वो मैजिक स्कूल में है भाई, मैजिक तो करना ही पड़ेगा। लैंस फिर उन्हें खुद से करके सिखाता है, उन्हें अपनी छड़ी घुमाता है जिसके बाद वो चिल्लाती हुई मूली अपने आप शांत होकर बैठ जाती है और सो जाती है। लेकिन जब फिन इसे ट्राई करता है तो उसका मैजिक काम नहीं करता। लेकिन जब मैश की बारी आती है तो वो मूली चुप होने के बजाय और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिन उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। लेकिन लैंस फिन को समझाता है, तुम अपने आप पर फोकस करो और अपना ध्यान लगाने की कोशिश करो, इसे मत देखो, ये तो पागल है साला, और मैजिक का यूज करो। फिन ऐसा ही करता है और उस मैजिक को यूज करके उस मूली को चुप करा देता है। और अब वो मैश की तरफ देखता है और देखता है कि सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। उसकी मूली इतनी ज्यादा पागल हो जाती है कि वो साइज में मैश से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए मैश पर हमला कर देती है। लेकिन मैश उसके अटैक से बचते हुए उस पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद वो लोग नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जिसमें उन्हें वो काढ़ा तैयार करना होता है। और लैंस उन्हें बोलता है, ध्यान से देखना आप मैं कैसे तैयार करता हूं इसे। और वो उस मूली को एक एक्सपर्ट की तरह काटने लगता है। इसके बाद वो गैस ऑन करता है और काढ़े को तैयार करता है जिसे देखकर फिन सोचता है, कैसे कर रहा है ये, मेरे से नहीं होने वाला, ये मैं नहीं कर सकता भाई। लेकिन मैश बोलता है, अरे ये तो बहुत आसान है, अब देखो मैं कैसे करता हूं इसे। अब लैंस के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वो काम में लग जाता है। लेकिन मैश काढ़े की बजाय एक क्रीम पफ बना देता है जिसे देखकर फिन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। और लैंस को लगता है, ये क्या है भाई, मजाक कर रहा है मेरे साथ तू, इसलिए वो काढ़ा बनाने वाले हर एक स्टेप में मैश की हेल्प करता है। लेकिन मैश फिर से काढ़े की जगह क्रीम पफ बना देता है जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है क्योंकि लैंस तो काढ़ा बनाते हुए मैश के साथ ही खड़ा था पूरा टाइम। अब वो बोलता है, भाई तेरे से नहीं होने वाला, रहने दे, मेरे को माफ कर, मैं जा रहा यहां से, तू फाइटिंग कर बस, तेरे बस की नहीं है कुछ भी। और दूसरी तरफ हम तीन स्टूडेंट्स को देखते हैं और तभी एक अनजान स्टूडेंट गलती से उनसे टकरा जाता है और उनसे बोलते हैं, ओए दिखता नहीं तुम्हें, ध्यान से चलो। और उस बंदे का दिमाग खराब हो जाता है और उन तीनों को पीट कर चिल्लाकर बोलता है, तुम जैसे लोगों को कोई हक नहीं है मुझे ऑर्डर देने का, समझे तुम। अब इसके बाद हम लैंडॉम के हेड को देखते हैं जिसके फेस पर 3 मैजिक मार्क्स होते हैं जिसका मतलब है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मैजिक यूज कर सकता है। और अपने चेलों को बोलता है, सुनो मेरी बात, डिवाइन विजनरी का टाइटल सिर्फ हमारे डॉम को मिलना चाहिए, समझे तुम। और उन्हें ऑर्डर देता है, जितने भी कॉइन्स दूसरे मेंबर्स के पास है उन सभी से छीन लो। अब दूसरे दिन सभी बच्चे जंगल के पास इकट्ठा होते हैं। फिन पूछता है, हम क्या करने आए यहाँ पे। मैश बोलता है, क्या पता हमें कैंपिंग करने के लिए यहाँ पर बुलाया हो सकता है। और तभी वोकल वाला अनजान स्टूडेंट वहाँ पर आ जाता है और उन्हें अपना नाम बताता है, मेरा नाम डॉट है और मैं इस दुनिया का मेन कैरेक्टर हूँ। वो उसकी अजीब सी बातें सुनकर उसे घूरने लग जाते हैं अजीब तरीके से, क्या ये एलियन सा, कहाँ से आई ये। और तभी डॉट को मैश की शक्ल देखकर याद आता है कि ये वही है जिसके बारे में सभी लोग आजकल बात कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे लिए तुम तो बस एक साइड कैरेक्टर की तरह हो। वो आगे कुछ बोलता है कि तभी मेलन वहां पर आ जाती है और मैश के पास आकर उससे फ्लर्ट करने लगती है। ये देखकर डॉट हैरान रह जाता है कि इस लप्पू से लड़के को इतनी क्यूट लड़की से टेंशन मिल रही है, ये कैसे हो सकता है। और वो उसके मुंह पर थूक देता है और कहता है, मुझे नफरत है तेरे जैसे लड़कों से जिसे लड़कियां इतनी टेंशन देती है, इसलिए मुझे एक डिवाइन विजनरी बनना है ताकि वो सभी के सभी हैंडसम लड़कों को इस दुनिया से मिटा दे। वो अपनी बड़बड़ कर रहा होता है कि तभी टीचर वहां पर आ जाता है और सभी स्टूडेंट्स को आज के टास्क के बारे में बताता है जिसे कंप्लीट करने पे स्टूडेंट्स को ब्रॉन्ज और सिल्वर कॉइंस मिलने वाले हैं। वो आगे बताता है कि स्टूडेंट्स को
जहरीले बिच्छुओं को जंगल में ढूंढकर मारना होगा और उनके सर पर लगे स्टोन्स को टीचर तक लाना है। अगर उनके सर पर स्क्वायर शेप की स्टोन्स होंगी तो उन्हें सिल्वर कॉइंस मिलेंगे, लेकिन सिर्फ अच्छे मैजिक वाले स्टूडेंट्स ही उन पत्थरों को पकड़ पाएंगे। और तभी मैच के पीछे से आते हुए उसकी इंसल्ट करने लगता है। उस मैच वाले दिन से ये डिसाइड नहीं हो जाता कि तुम एक महान इंसान हो, और वो मैच पर हमला करता है। लेकिन तभी टीचर बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है ये? और तभी आयरन इनोसेंट एक्ट करने लगता है और मैच को घूर कर देखने लगता है। लेकिन आयरन उसका और भी मजाक उड़ाकर वहां से चला जाता है। मैच उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन लैंस उसे रोक लेता है और कहता है, छोड़ भाई, रहने दे। आयरन अपनी बदतमीजी के लिए पूरे स्कूल में फेमस होता है और उसने बहुत सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स को परेशान किया होता है। लेकिन अभी तक स्कूल से उसे इसलिए नहीं निकाला जाता क्योंकि उसकी मैजिकल एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। लेकिन मैच अपने क्रीम पफ को देखने लगता है कि कहीं टूट तो नहीं गई मेरी क्रीम पफ उसके हमले से। अब इसके बाद वो दोनों जंगल की तरफ जाते हैं, लेकिन मैच लैंस से अलग हो जाता है और डॉट से जाकर मिलता है। डॉट उसे फाइट करने के बारे में सोचता है कि तभी उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी डॉट वहां पर पहुंचकर एक लड़की को सबक सिखाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये लड़का इस लड़की को परेशान कर रहा होता है। वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है और एक क्यूट सा फेस बना लेती है, प्यार करते हैं भाई, जिसे देखकर डॉट का दिल उस पर आ जाता है। इसके बाद वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और डॉट के तो होश उड़ जाते हैं भाई। और दूसरी तरफ एक धमाका होता है और यहाँ पर आयरन ने एक स्क्विड शिप वाले बिच्छू को हरा दिया था। और वापस से मैश को देखते हैं और डॉट उस लड़की के पास बैठा होता है और क्रीम पफ खा रहा होता है। और तभी वो लड़की फिर से उसे फ्लर्ट करने लगती है क्योंकि इसने इसकी जान बचाई होती है। लेकिन जैसे ही वो डॉट के करीब जाती है, डॉट का घुटना मैश से टकराता है और सोचता है, अरे ये तो इस लड़की का है। और उसे छूकर इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसे लगता है कि वो स्वर्ग में है और खुद को कंट्रोल करने के लिए अपने आप को जोरदार थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर उस लड़की को थोड़ा सा अजीब फील होता है, लेकिन फिर वो वापस से उससे प्यार से बात करने लगती है क्योंकि उसका प्लान कुछ और ही होता है। इसके बाद वो मैश को अपना नेक्स्ट टारगेट बना लेती है, लेकिन मैश पर उसके प्यार वाले जादू का कोई असर नहीं होता। भाई मैश तो सिग्मा निकला और वो लड़की सोचती है कि क्या चक्कर है ये, इस पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा मेरे मैजिक स्पेल का, जिसमें वो और भी ज्यादा मैजिकल पावर यूज करके मैश पर फिर से ट्राई करती है। लेकिन वो अभी भी काम नहीं करता और अब वो लड़की हार मानकर अपने प्लान के दूसरे हिस्से को कंप्लीट करने के बारे में सोचती है और एक सैड फेस बनाकर उन दोनों को बोलती है कि एक आयरन नाम का लड़का उसे डरा धमकाकर परेशान करता है बहुत ज्यादा। और वो जैसे ही रोना शुरू करती है तो डॉट बोलता है, तुम चिंता मत करो, मेरी बंदी को रुलाया उसने, अब नहीं बचता। और तभी आयरन वहां पर आकर सब कुछ सुन लेता है और उन पर अपना अटैक करता है, लेकिन सभी लोग उसके अटैक से बच जाते हैं और वो आयरन से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन आयरन उसका मजाक उड़ाने लगता है और डॉट अपना पावरफुल एक्सप्लोजिव अटैक यूज करता है उस पर और आयरन की तरफ आग के गोले फेंकता है। उसे लगता है कि उसने आयरन को हरा दिया और मैश ये सब कुछ देख रहा था अपने क्रीम पफ खाता हुआ मजे से आग लगे बस्ती में, तेरा भाई मस्ती में। और डॉट ये देखकर हैरान हो जाता है कि आयरन ने उसके अटैक को सरवाइव कर लिया। आयरन अब अपने अर्थ अटैक से डॉट पर हमला करता है जिसे डॉट को बहुत जोर की लगती और फिर वो मैश के क्रीम पफ को नीचे गिरा देता है और मैश खड़ा का खड़ा देखता रह जाता है उसे। इसके बाद वो मैश का मजाक उड़ाते हुए उसे चिढ़ाने लगता है, लेकिन मैश के फेस पर कोई भी रिएक्शन नहीं होता। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉट की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है, पर वो कैसे भी करके लॉरेन को आयरन से बचाना चाहता है। लेकिन अब आयरन सिल्वा डॉट के सामने एक शर्त रखता है और उसे कहता है कि अगर वो लॉरेन को बचाना चाहता है तो फिर उसे सिल्वा की तरफ से 5 अटैक्स सहन करने होंगे और साथ ही साथ मैशले को भी 5 अटैक्स सहन करने होंगे। और अगर डॉट वो शर्त जीत जाता है तो फिर सिल्वा उसे अपना एक सिल्वर कॉइन भी दे देगा। लेकिन डॉट सिल्वा को बताता है कि मैश का इससे कोई लेना देना नहीं है भाई। फिर भी सिल्वा उसकी बात नहीं मानता और उस अकेले को 10 अटैक्स सहन करने के लिए मजबूर करता है। अब डॉट मैशले और उस लड़की की जान बचाने के लिए सिल्वा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब सिल्वा अपना सबसे पहला अटैक करता है उस पर, जिसका नाम होता है आयरन फिस्ट। इस अटैक से डॉट की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लग जाता है। लेकिन डॉट फिर भी हार नहीं मानता और सिल्वा के और अटैक्स को झेलने के लिए तैयार हो जाता है। अब ऐसे करते करते सिल्वा उस पर 9 अटैक्स करता है, जिसके बाद भी डॉट को कुछ नहीं होता। लेकिन डॉट मन में खुद से कह रहा होता है, इस तरह से पिटता हुआ भले ही मैं बेवकूफ लग रहा हूं, लेकिन मैं किसी भी लड़की को रोता हुआ नहीं देख सकता और लॉरेन तुम्हारे लिए मेरे दिल में एक अलग जगह है, इसीलिए मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचा कर रहूंगा। और अब सिल्वा का 10th अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और डॉट को बहुत ज्यादा चोट लगती है, पर इसके बावजूद भी वो खड़ा होता है, जिसे देखकर सिल्वा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि डॉट ने आखिर उसके इतने पावरफुल अटैक्स को सहन कैसे कर लिया। अब डॉट सिल्वा को अपना प्रॉमिस रखने के लिए कहता है और उसे लॉरेंस और मैशले को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन सिल्वा जोर जोर से हंसने लगता है इसकी इस बात पर, क्योंकि वो तो सिर्फ धोखे से सबको फंसाना चाहता था। डॉट तुरंत मैशले को लॉरेन को लेकर वहां से जाने के लिए कहता है, पर तभी लॉरेन सिल्वा के साइड आकर खड़ी हो जाती है और डॉट के ऊपर हंसते हुए कहती है, मुझे तेरे जैसे चिपकू टाइप लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो कि खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। डॉट को समझ आ जाता है कि लॉरेन ने उसे धोखा दिया। क्या भाई, सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं क्या? और अब डॉट पूरी तरह से टूट चुका था। अब सिल्वा और लॉरेन दोनों मिलकर उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी मैशले अपना एक क्रीम पफ सिल्वा के मुंह पर फेंक कर मारता है, जिससे सिल्वा का मुंह बंद हो जाता है। मैशले अब सिल्वा को चैलेंज करते हुए कहता है, तुमने हद पार कर दी और अगर तुम्हें हिम्मत है तो मुझे 10 बार हिट करके दिखाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। दूसरी तरफ लैंस ने एक स्कॉर्पियन को हरा दिया होता है, लेकिन अभी भी वो इस बात की चिंता में था कि मैशले ठीक होगा या नहीं। लेकिन फिन और लेमन लैंस को बताते हैं, अरे चिंता मत करो तुम, कुछ नहीं होगा उसे, वो अपना गबरू जवान है, उसको कुछ नहीं होने वाला। लेकिन लैंस उन दोनों को बताता है कि मैशले आज तक सिर्फ नॉर्मल यूजर से लड़ा है और ये रेड मैजिक यूजर्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो कॉम्बैट्स में भी माहिर होते हैं, खासकर ये डबल लाइन वाले यूजर्स तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिसके सामने मैशले नहीं टिक पाएगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिल्वा को मैशले की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और डॉट से कहता है, मुझे तुम जैसे जादूगर बिल्कुल भी पसंद नहीं जो खुद को ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं पर असल में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं और वो मेरे सामने बिल्कुल नहीं टिक पाते। और ऐसा बोलकर सिल्वा डॉट को
को जमीन पर पटकने ही वाला होता है कि तभी मैश वहाँ पर आ जाता है और बड़ी तेजी से उस पर हमला करने के लिए बढ़ता है आगे। सिल्वा मैशले को नोटिस करता है और उसके बीच में एक आयरन वॉल क्रिएट कर देता है जिससे कि मैशले का अटैक ब्लॉक हो जाता है। अब सिल्वा डॉट को बहुत दूर फेंक देता है। सिल्वा हंसते हुए मैश को बताता है कि अरे तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते बेटे, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में था ना तभी मैंने 2 गोल्ड कॉइंस जीत लिए थे। अब वो मैश पर अपने आयरन फिस्ट अटैक से हमला करता है जिसकी वजह से मैश को बहुत ज्यादा चोट आती है, लेकिन अब की बार वो सिल्वा के अटैक को रोक लेता है और उसे अपने हाथों से ही क्रश कर देता है। ये देखकर सिल्वा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, अबे इसने मेरा इतना पावरफुल अटैक रोक दिया, ये क्या सीन है भाई। और अब गुस्सा होकर वो मैशले के ऊपर और ज्यादा हमले करने लगता है और मैश उसके हर एक हमले को तोड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और उसे जोर से एक पंच मारता है। मैश का पंच खाकर सिल्वा बहुत दूर जाकर गिरता है जिसे देखकर लॉरेन भी हैरान हो जाती है। अब सिल्वा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैश पर लगातार हमले करने लगता है, पर मैश पहले से ही पूरी तरह से तैयार होता है और सभी मसल्स को टाइट करके सिल्वा के सभी अटैक्स को तोड़ते हुए उसे पेट में एक घूंसा मारता है। और अब की बार सिल्वा जमीन पर अपने घुटने टेक देता है और वो हार मान जाता है। और तभी मैशले चुपचाप दूर जाकर बैठ जाता है और सिल्वा से कहता है, तुम्हारे पास और 8 मौके बचे हैं मुझ पर अटैक करने के लिए, टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी हमला करो मुझ पर, मुझे क्रीम पफ्स भी खाने हैं फिर। और मैशले का इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर सिल्वा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ आ जाता है कि अगर मैशले ने उसे एक और बार पंच कर दिया तो वो यहीं पर मर जाएगा भाई। और तभी मैशले के पीछे एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है जिसे सिल्वा देख लेता है और मनी मन कहता है, ये स्कॉर्पियन तो बहुत ज्यादा बड़ा है और पावरफुल भी है, इसके ऊपर तो एक स्टार भी लगा है, जब स्कॉर्पियन मैशले पर हमला करेगा तो मौके का फायदा उठाकर मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। लेकिन तभी मैशले उस स्कॉर्पियन को एक चांटा मारता है और उसे हवा में उड़ा देता है और कहता है, ओ स्त्री कल आना, अभी मैं बिजी हूँ। अब ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सिल्वा की तो सिट्टी पिट्टी गुल जाती है भाई, स्कॉर्पियन का स्टार भी वहीं पर गिर जाता है। लेकिन मैशले सिल्वा के पास आकर उसे कहता है, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा पीटी फील हो रहा है, क्योंकि वो मैशले का एक भी अटैक पूरी तरह से सहन भी नहीं कर पाया था, इसलिए वो इस फाइट को यहीं पर रोकने के बारे में सोचता है। अब मैशले के मुंह से अपनी बेइज्जती सुनने के बाद सिल्वा पूरी तरह से टूट चुका है और वो मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या मजाक है भाई, मैंने तो 2 गोल्ड कॉइन जीते थे फर्स्ट ईयर में, इस लप्पू से आदमी से कैसे हार गया मैं। अब मैशले लॉरेन की तरफ बढ़ता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए रोने का नाटक करने लगती है, मुझे माफ कर देना सिल्वा ने मुझे मजबूर किया था, मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। और मैश पीछे से आकर लॉरेन को हक कर लेता है जिसे देखकर लॉरेन को लगता है कि अच्छा एक और मिल गया है, ये भी मेरे प्यार में गिर गया, कितनी क्यूट हूं मैं। पर तभी हम देखते हैं कि मैश उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है और उसे एक सुप्लेक्स मारता है, भाई ये मैश तो सिग्मा निकला भाई। अब मैश वापस अपने दोस्तों के साथ मिलता है और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसने सिल्वा को सबक सिखाया था और एक स्टारशिप वाले स्कॉर्पियन को भी हरा दिया था। डॉट भी वहीं पर खड़ा होता है और वो काफी ज्यादा शेम महसूस कर रहा होता है क्योंकि आज उसकी वजह से ही मैश इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था और मैश को थैंक यू बोलता है और मैशले उसे माफ कर देता है। पर लैंस अभी भी सोच में पड़ा होता है और वो मैशले को बताता है, ये सब लैंग डॉम ने ही किया है, उन्होंने ही सिल्वा को मैश पर मैजिक करने के लिए बुला होगा क्योंकि वो सभी स्टूडेंट्स के कॉइन्स को छीनना चाहते हैं और उनका अगला शिकार अब एल्डर डॉम ही है, इसलिए हम सबको अलर्ट रहना होगा। और तभी मैशले के पॉकेट में कुछ चमकने लग जाता है और वो देखता है कि उसके पास जो 5 सिल्वर कॉइन्स थे वो मिलाकर एक गोल्ड कॉइन में बदल जाता है। और तभी मैश को याद आता है कि जब वो पहली बार इस एकेडमी में आया था तो सभी लोग एक स्केलेटन वाले यूनिक्रॉन पर अपना हाथ रख रहे थे जो कि उन सबका दिमाग पढ़कर उन सभी को अलग अलग डॉम्स में बांट रहा था। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीकिन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो। और इस ऐप पर आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आपको बस इस हनी गेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा, जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे, तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो। और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनिमिटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं, जब मैशले की बारी आती है और वो उसी यूनिक्रॉन के सिर पर हाथ रखता है तब यूनिक्रॉन बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि मैशले के दिमाग में सिर्फ क्रीम पफ्सी आ रहे होते हैं। और तभी वो यूनिक्रॉन कंफ्यूज होकर मैशले को एल्डर डॉम में डाल देता है और लैंस उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास एक गोल्ड कॉइन है, ठीक है, इसलिए भाई मैश तुम्हें और भी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। अगले दिन मैशले अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी क्लास कौन से रूम में है और उसे एक बंद दरवाजा दिखाई देता है। वो उस दरवाजे को खोलने के बारे में सोचता है पर वो फिर से भूल जाता है, इसको पुश करना था या पुल करना था, अरे यार भूल गया मैं तो। अब हम देखते हैं कि उस दरवाजे के अंदर लैंग डॉम की एक मीटिंग चल रही होती है जहां पर सिल्वा एडल से माफी मांग रहा होता है क्योंकि वो एल्डर डॉम से हार कर आया था और वो सिल्वा पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है, इसलिए वो उसे अपने मैजिक से डॉल बना देता है। एडल के चेहरे पर 3 मैजिक लाइंस होती है जिसका मतलब है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डॉल बनाकर वहां पर टांग चुका होता है, जैसा कि हम साइड्स में देख सकते हैं। एडल यही चाहता था कि उनकी डॉम का ही कोई बंदा डिवाइन विजनरी बने, ना कि कोई आउटसाइडर। और हम देखते हैं कि उसकी गोद में भी एक डॉल होती है जिसे वो मॉम कहकर पुकार रहा था। इनकी मीटिंग चली रही होती है कि तभी मैशले गलती से दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो एडल से कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम, एक डॉल के साथ बात कर रहे हो, पागल वागल हो क्या। अब एडल मैश से पूछता है, अच्छा तो तुम तो वही हो ना जिसके पास वो गोल्ड कॉइन है, तुम्हें डिवाइन विजनरी क्यों बनना है, बताओगे मुझे। अब मैश उसे बताता है, मैं बस अपनी
अपनी फैमिली के साथ पीसफुली रहना चाहता हूँ। एडल उसका कॉन्फिडेंस डाउन करते हुए उसे कहता है, तुम कभी भी डिवाइन विजनरी नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हें बहुत सारी कमियां हैं बच्चे, और इस दुनिया में ह्यूमंस सबसे बड़े बीस्ट हैं जो कि कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। इसलिए हमारे डॉन का ही एक बंदा डिवाइन विजनरी बनकर सब कुछ ठीक करेगा, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूं इसलिए मैं डिवाइन विजनरी बनकर ही रहूंगा, क्योंकि इस दुनिया में ताकतवर मैजिशियंस ही चैन से रह पाते हैं। और मैशले उसकी सारी बातें सुनकर उसे कहता है, अच्छा तो तुम भी मेरी तरह पीसफुली रहना चाहते हो। ये सुनकर एडल हैरान हो जाता है और मैश इससे पूछता है, अबे ओ तेरे पल्ले पड़ रही है जो मैं तुझे बोल रहा हूँ। लेकिन मैश उसे दरवाजा तोड़ने के लिए सॉरी बोलता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर तभी एडल उसे जाने से मना करता है और उसे कहता है कि अगर तुझे यहाँ से जाना है तब तुझे अपना गोल्ड कॉइन मुझे देना होगा। मैशले उसे अपना गोल्ड कॉइन देने से मना कर देता है, जो देखकर एडल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे आज तक किसी ने भी मना नहीं किया होता। अब एडल गुस्से में सिल्वा का पपेट मैश की तरफ फेंक कर मारता है, पर मैश उस पपेट को डॉज करते हुए उसे जमीन पर पटक देता है जिससे कि सिल्वा पर लगे हुए धागे टूट जाते हैं और वो वापस से इंसान बन जाता है। मैश को उसका पपेट डॉज करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन इसके बाद एक और भी ज्यादा ताकतवर पपेट उस पर अटैक कर देता है और उसे पीछे से पकड़ लेता है। मैशले को रियलाइज होता है कि ये पपेट बहुत ज्यादा ताकतवर है, और तभी वो पपेट मैशले की पॉकेट से उस गोल्ड कॉइन को निकाल लेता है और एडल की तरफ फेंकता है। क्योंकि उसे मैश का गोल्ड कॉइन मिल चुका होता है, वो पपेट मैशले को दूर फेंक देता है और मैश लेंस को उठाकर नर्स के पास लेकर जाने लगता है। एडल उसे कहता है, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? मैश उसे बोलता है, नहीं मैं वापस आऊंगा अपना गोल्ड कॉइन लेने। मैश उसे जाते जाते कहता है, चाहे तुम जितने मर्जी पावरफुल हो तुम मुझे कभी नहीं हरा सकते। और ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद एडल नोटिस करता है कि उसके पपेट का एक बटन टूटा हुआ है, और जब वो अपने हाथ में देखता है तो वो देखता है कि वो गोल्ड कॉइन नहीं होता बल्कि वही टूटा हुआ बटन होता है उस पपेट का। और वहाँ पर ग्रुप की एक और मेंबर होती है जिसका नाम लव क्यूट है। उसने सब कुछ देख लिया होता है कि आखिर मैशले ने किया क्या होता है। दरअसल जब उस पपेट ने उस गोल्ड कॉइन को एडल की तरफ फेंका था तो मैशले ने उसका एक बटन तोड़कर अपने मुंह में भर लिया और उसे फूंक कर एडल की तरफ फेंकता है, जिससे कि वो कॉइन से टकराकर एडल के हाथ में चला गया। और फिर उसने वापस से इतनी जोर से अंदर हवा खींच ली कि वो कॉइन वापस उसके पास आ जाता है। बाद में एडल को भी समझ आ जाता है कि मैशले ने आखिर किया क्या था, और वो कहता है, ये मैच तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है भाई। दूसरी तरफ सिल्वा को अब हॉस्पिटल में होश आ जाता और उसे कुछ भी याद नहीं होता कि पपेट बनने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन तभी वो देखता है कि मैशले उसके सामने जमीन पर अपना वर्कआउट कर रहा होता है और वो मैश से पूछता है, तुमने मेरी जान क्यों बचाई? लेकिन मैश उसे जवाब देते हुए कहता है, अगर मेरा कोई एनिमी भी मुसीबत में होता है तो मैं उसकी भी हेल्प करता हूँ क्योंकि मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि लैंस और डॉट किसी बात को लेकर लड़ रहे होते हैं, लेकिन तभी फिन वहाँ पर आ जाता है और सोचने लगता है कि ये दोनों उसके रूम में क्या कर रहे हैं भाई। और अब डॉट इनके ग्रुप में अब इसीलिए आ गया था क्योंकि उसे लेमन पसंद होती है बहुत ज्यादा। और लैंस और डॉट आपस में फाइट शुरू ही करते हैं कि तभी मैश वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को कहता है, भाई बाहर जाके लड़ो, इधर नहीं लड़ना, नो फाइटिंग, क्योंकि उनकी लड़ाई से रूम में रखे हुए सामान को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। जबकि मैशले खुद दरवाजा तोड़ के अंदर आ रखा था। अब मैशले अपना फेवरेट क्रीम पफ खाने लगता है और कहता है, आज कितना अच्छा दिन है, कितना मजा आ रहा है। और तभी लेमन भी वहाँ पर आ जाती है जिसके पास एक बैड न्यूज होती है। वो सभी को एक मैजिकल डिस्प्ले के पास लेकर जाती है कि किस डॉम के पास कितने गोल्ड कॉइन्स हैं। और यहाँ पर वो सभी लोग देखते हैं कि लैंग डॉम के पास 15 गोल्ड कॉइन्स होते हैं जो कि हाईएस्ट होता है, जबकि उनके एल्डर डॉम के पास मैश का ही एक गोल्ड कॉइन होता है। लेमन उन सभी को बताती है कि जितने भी सीनियर्स लैंग डॉम को रोक सकते थे वो सभी लोग अभी अकेडमी से बाहर जा चुके हैं, और ऑर्का डॉम के लोग हमेशा रिसर्च में ही बिजी रहते हैं, इसलिए अब हमें उन्हें रोकना पड़ेगा क्योंकि अब लैंग डॉम का अगला निशाना एल्डर डॉम ही है। ये सब सुनकर लैंस कहता है, अच्छा तो मतलब हमें लैंग डॉम को हराना पड़ेगा। और सभी लोग बहुत ज्यादा जोश में आ जाते हैं, और क्योंकि कुछ पिछले हफ्तों से मैश ने कुछ गलतियां की होती है उसे हेडमास्टर की तरह से कुछ पनिशमेंट्स वगैरह दी जाती है जिसके लिए उसे एक वीक तक आउल हट को साफ करना होता है। अब क्योंकि ये काम आसानी होता इसलिए लैंस भी उसकी मदद करने वहाँ पर आ जाता है क्योंकि उसे पता था कि लैंग डॉम के लोग मैशले पर कभी भी हमला कर सकते हैं, और तभी लैंस भी उन्हें पकड़ लेगा। मागियस लुपस ग्रुप के दो मेंबर्स वहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम होता है एंट्री और शिनरी, और वो दोनों लैंस और मैशले पर अटैक कर देते हैं क्योंकि उन्हें मैशले का गोल्ड कॉइन चाहिए होता है, और वो अपना गोल्ड कॉइन भी दांव पर लगा देते हैं। एंट्री उसके पैरों के नीचे एक मैजिकल पॉन्ड बना देता है जिसमें मैश डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता, और एंड्रयू खुद एक शार्क बनके उस पानी के अंदर कूद जाता है ताकि मैशले को खा सके। और शिनरी अपनी शुरीकिन का अटैक करके लैंस पर हमला करती है जिसे लैंस डॉज कर देता है। लैंस अपना ग्रेविटी मैजिक यूज नहीं कर पाता वरना उसके आसपास जो आउल्स थे वो सभी मारे जाएंगे। अब शिनरी लैंस को पहचान लेता है कि वो एक क्राउन फैमिली से बिलोंग करता है जिनका ग्रेविटी मैजिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसे लग रहा होता है कि लैंस बहुत ज्यादा वीक है। अब शिनरी लैंस पर बहुत सारे अटैक्स करता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे तुम कितने कमजोर हो यार, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, चलो मर जाओ अब। लेकिन लैंस बहुत ही चालाकी से शिनरी के पीछे रखी दाने की बोरी को नीचे गिरा देता है जिससे कि सभी के सभी आउल्स शिनरी के पीछे जाकर दाना चुगने लगते हैं, और इसके बाद वो अपने ग्रेवियल अटैक का यूज करके शिनरी पर हमला कर देता है। शिनरी को समझ आ जाता है कि लैंस को उन आउल्स की चिंता होती है, इसी वजह से वो गुस्से में अपना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक अटैक यूज करता है, लेकिन लैंस के ग्रेवियल मैजिक के सामने वो नहीं टिक पाता और फाइनली लैंस शिनरी को हरा देता है। अब दूसरी तरफ मैशले उस पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा स्पीड से एंड्रयू के आसपास स्विम कर रहा होता है जिसे देखकर एंड्रयू भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन कभी भी इतनी तेजी से स्विंग नहीं कर सकता था। अब मैशले एंड्रयू से थैंक यू कहता है क्योंकि उसकी वजह से मैशले की स्विमिंग एबिलिटी एनहांस हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद एंड्रयू खुद को एक मॉन्स्टरस शार्क में बदल देता है, पर मैशले उसके पेट पर लात मारते हुए उसे पानी से बाहर निकाल देता है और वो एंड्रयू को बहुत ही आसानी से हरा देता है। और अब लैंस और मैशले ने उन दोनों को हरा दिया था। अब लैंस एंड्रयू से एक गोल्ड कॉइन ले लेता है और
और उसकी इंसल्ट करते हुए कहता है, अबे क्या ये मागियस लुपस ग्रुप, ये कैसा नाम है अजीब सा, इतने कमजोर है ये लोग, हट। मैचले भी कहता है, हाँ ये बहुत ही कमजोर थे, और ये क्या अजीब सा नाम है मांगियस लुपस ग्रुप, क्या ये है। और तभी वहाँ पर उसी ग्रुप का एक और मेंबर वहाँ पर आ जाता है जिसका नाम एबिस होता है। वो पीछे से आकर लेंस को कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मांगियस लुपस ग्रुप का कभी भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाता। और अब जैसे ही वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं तभी एबिस बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ उनके सामने आ जाता है और अपनी ईविल आई की पावर को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से लेंस की मैजिकल पावर्स कुछ समय के लिए डिसेबल्ड हो जाती है। एबिस उन्हें बताता है कि वो यहाँ पर उनसे फाइट करने नहीं आया बल्कि बस अपने हारे हुए साथियों को वापस ले जाने आया है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल पाता, मैचले बहुत ही स्पीड से उसकी तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, पर तभी एबिस दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर मैचले भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है, भाई साहब ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे हो सकता है। अब इसके बाद एबिस एक मैजिकल बॉटल निकालता है और अपने साथियों को उस बॉटल के अंदर डाल देता है और मैचले से कहता है, मुझे माफ करना, मैं ऐसे बीच में आ गया तुम्हारे, मैं सिर्फ अपने दोस्तों को यहाँ पर लेने आया था, मेरा तो उनसे फाइट करने का कोई भी इरादा नहीं है। और एबिस वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो उन दोनों को बताता है कि वो बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे। और अब जब एबिस जंगल के बीच से वापस जा रहा होता है तब अचानक से उसका मास्क टूटने लग जाता है और उसे समझ आता है कि मैचले की फोर्स की वजह से ये हुआ था। और मन में कहता है, ये मैचले के पास तो बहुत ज्यादा स्पीड है, वो भी बिना मैजिक के, लगता है ये मैचले भी बिल्कुल मेरे जैसा ही है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एबिस की लड़ाई ऑर्काडोम के एक मैग्मा मास्टर से होती है जिसका नाम है रोड्स। और एबिस ने सुना होता है कि ये रोड्स है जो ये ऑर्काडोम का सबसे पावरफुल मेंबर है जिसे हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन एबिस उसे आराम से हरा देता है और रोड्स का गोल्ड कॉइन भी लेकर वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद लेंस अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि मागियस लुपस ग्रुप के मेंबर्स काफी ज्यादा खतरनाक है और इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ करना चाहिए भाई बहुत जल्दी, वरना उनके पास अभी जो गोल्ड कॉइन है वो भी चला जाएगा। और इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द मागियस लुपस को ढूंढना होगा, पर ये स्कूल तो सभी डॉम्स की लोकेशन को छुपा के रखती है तो भाई कैसे ढूंढेंगे हम उसे। लेंस ये भी बताता है कि उन सबको लैंग डॉम को ढूंढकर मागियस लुपस ग्रुप से वो गोल्ड कॉइन्स छीनने होंगे, पर मैचले अभी भी क्रीम पफ बनाने में लगा होता है और लेंस की ये बातें उसने शायद ही सुनी है। और तभी लेमन वहां पर आ जाती है और डरते हुए सबको बताती है, गाइस टॉम को कुछ हो गया, और उन सभी को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाती है। और जब वो टॉम के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि टॉम की हालत सच में बहुत ज्यादा खराब होती है। टॉम उन्हें बताता है कि जब उसकी आंख खुली थी तब वो हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और उसे कुछ भी याद नहीं है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ था, पर उसे एक सपना आया था जिसमें वो किसी डार्क बॉक्स के अंदर कैद हो चुका था। और लेमन टॉम से पूछती है, टॉम तुम ठीक हो कि नहीं, और टॉम उसे कहता है, हाँ अभी तो मैं ठीक हूँ फिजिकली, लेकिन मेरी मैजिकल एनर्जी बिल्कुल जीरो हो चुकी है यार, और मैं अभी कुछ टाइम के लिए मैजिक यूज नहीं कर पाऊंगा। और तभी लेंस वहाँ पर दूसरे स्टूडेंट्स को भी देखता है जो कि उसी हालत में पड़े हुए थे। और अब टॉम बताता है कि इन सभी स्टूडेंट्स की भी मैजिकल पावर्स ड्रेन हो चुकी हैं और ये सब तभी हुआ जब स्कूल के हेडमास्टर ब्यूरो ऑफ मैजिक में चले गए हैं। और ये सुनकर लेमन बहुत ज्यादा डर जाती है और अब उसे मैश की फिक्र होने लगती है, इसलिए वो मैशले को अपना लकी चार्म दे देती है जो कि बिल्कुल एक क्रीम पफ जैसा लग रहा होता है। मैश को समझ नहीं आता कि आखिर ये है क्या, ये क्या दे दिया तू मुझे, लेकिन लेमन उसे बताती है कि ये लकी चार्म हमेशा उसकी हिफाजत करेगा और इसके जरिए हमेशा इस मैश को लेमन की याद आती रहेगी। अब रात के टाइम मैशले और लेंस एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कुछ कि हो ना हो इन सबके पीछे मागियस लुपस ग्रुप का ही हाथ है, लेकिन तभी वहाँ पर फिन और डॉट भी आ जाते हैं। डॉट को भी एक गोल्ड कॉइन चाहिए होता है और यही फिन को अकेले कमरे में डर लग रहा होता है, और तभी इन्हें लेमन कहीं जाती हुई दिखाई दे रही होती है, लेकिन वो बहुत ही अजीब तरीके से चल रही होती है। लेमन को देखकर डॉट उसे आवाज लगाता है, लेमन कहाँ जा रही हो, लेकिन लेंस उसका मुंह बंद कर देता है। और आवाज की वजह से जब लेमन पीछे मुड़ती है तो पता चलता है कि लेमन एक पपेट बन चुकी है और अब लेमन देखती है कि पीछे कोई भी नहीं है, इसलिए वो आगे की तरफ जाने लगती है। अब मैशले और उसके दोस्त एक दीवार के पीछे छुपे होते हैं और उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वो लेमन का पीछा करते हैं और उसका पीछा करते करते एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं और उन्हें लेमन कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है। और अब उस जगह पर डॉट और फिन को डरावनी आवाजें सुनाई देती है और वो मैशले को पकड़ लेते हैं और लेंस उन्हें बताता है कि ये किसी स्पेल का असर है पक्का, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है और उनके सामने एक बड़ा सा दरवाजा आ जाता है, लेकिन इसे इस दरवाजे को खोलने का स्पेल नहीं आता था। अब डॉट उस पर बहुत सारे धमाके करता है लेकिन उस डोर के ऊपर एक खरोंच तक नहीं आती। अब मैशले वहाँ पर रखे एक आर्मर का स्वॉर्ड उस डोर के बीच में फंसा देता है और उस पर जोर से लात मारता है जिससे कि वह दरवाजा उड़ते हुए अकेडमी के बाहर जाकर गिरता है। अब मैशले की इस कमाल की टेक्निक को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब वो लोग अंदर जाने लगते हैं और मैश को पता होता है कि आगे कोई बहुत बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है, इसलिए वो उस लकी चार्म को पकड़ लेता है और मन ही मन लेमन से माफी मांगने लगता है क्योंकि वो खुद को अब खतरे में डालने जा रहा होता है। अब आगे चलते हुए वो सभी लोग एक एरिना में पहुंच जाते हैं और वहां पर उनकी मुलाकात लैंग डॉम के एक बंदे से होती है और इसका नाम है शुएन। शुएन उन सभी को बताता है ये जगह बहुत सालों पुरानी है और नए टीचर्स को तो इस जगह के बारे में पता भी नहीं है और मैं थर्ड फैंग के कहने पर यहाँ पर आया हूँ और मेरा काम तुम जैसे घुसपैठियों को ठिकाने लगाने का है। अब शुएन उन सभी को अपने कॉइन्स को बेट पर लगाने के लिए कहता है और अगर वो जीत जाते हैं तो फिर वो उन्हें आगे जाने देगा। अब लेंस उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन डॉट उससे लड़ना चाहता है और वो उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि इस डॉट को हैंडसम लड़कों से बहुत ज्यादा नफरत होती है क्योंकि वो ही सारी लड़कियां ले जाते हैं और इस डॉट जैसे लड़के सिंगल ही रह जाते हैं। वो शुएन से पूछता है, ओ लड़के तेरा कुछ फैन क्लब है क्या। शुएन कहता है, हाँ मेरा एक फैन क्लब है। और ये सुनकर डॉट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शुएन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, जलते रहो भाई मुझे क्या, तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। पर और अब शुएन उस पर एक अटैक करता है जिसका नाम होता है रोज विप। और इस तरफ हम देखते हैं कि
उस स्कूल की हेडमास्टर को ब्यूरो ऑफ मैजिक के अंदर बुलाया जाता है, जहां पर ब्यूरो ऑफ मैजिक के मिनिस्टर उसे बताते हैं कि डेथ रो के 6 क्रिमिनल्स जेल तोड़कर भाग गए हैं, जिनका नाम है डॉयली, स्पेक, डोरियन, मजाक कर रहा हूं भाई, बाकी थोड़ी है ये, और उन्हें भगाने में हेल्प की होती है इनोसेंट जीरो ने। और ये नाम सुनकर हेडमास्टर भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि इस हेडमास्टर को पहले से उसके बारे में पता होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉट उस पर एक अटैक करता है, श्वेन पर, लेकिन श्वेन उसे अपने रोज विप अटैक से रोक देता है। और श्वेन डॉट से पूछता है, अच्छा तो तुम वही हो ना जिसने सिल्वा को हरा दिया था, तुमने भले ही उसे हरा दिया हो पर मैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे। और डॉट श्वेन को बताता है, ना भाई मैंने थोड़ी हरा उसे, मैं एश्ले ने हराया था उसे। और इसके बाद वो श्वेन पर अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स से हमला करता है, जिसकी वजह से श्वेन के आसपास बहुत सारे एक्सप्लोसिव ट्रैप्स आ जाते हैं। और डॉट उसे बताता है कि ये उसके नॉर्मल एक्सप्लोसिव अटैक से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अब नहीं बचने वाला बेटे तू, और अगर तुमने इस पर अपना पैर रख दिया ना हट जाएगा बेटा तू। लेकिन श्वेन बहुत ज्यादा चालाक होता है और वो अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और अपने रोज विप मैजिक का अटैक यूज करके डॉट को पूरी तरह से जकड़ लेता है। और अब डॉट पूरी तरह से फंस चुका है और श्वेन उसे कहता है, तुझे क्या लगा तू ये फालतू के ट्रैप्स लगाएगा और मैं हार जाऊंगा, हैं, मैं इस ट्रैप पर पैर रखे बिना ही तुझे हरा सकता हूं बच्चे। लेकिन डॉट बहुत ही चालाकी से उसे जवाब देता है और उसे कहता है, फंस गए मेरी चाल में, मेरा प्लान तो मैं उस ट्रैप के ऊपर पैर रखवाना नहीं था, वो कोई ट्रैप नहीं बल्कि एक टाइम बॉम्ब है। और तभी वो एक्सप्लोसिव अचानक से फटने लगते हैं और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है वहां पर, जिसकी वजह से वो रोज विप और जादू की छड़ी जलकर राख हो जाती है और डॉट आजाद हो जाता है। अब इसके बाद डॉट अपने बाकी सभी बॉम्ब्स को भी एक्टिवेट कर देता है और उस जगह पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये सब देखकर ऐसा लग रहा होता है कि डॉट इस बैटल को जीत चुका है और फिन उसे कांग्रेचुलेशंस देने लगता है। पर जैसे ही धुआं हटता है तो देखते हैं कि हारने के बाद भी ये श्वेन एकदम स्टाइलिश पोज में बैठा होता है नीचे। और तभी मैशले और उसके दोस्तों के पैर जमीन के अंदर धंसने लगते हैं और वो सभी लोग अलग अलग रूम्स में पहुंच जाते हैं। लैंस को पता चल चुका था कि मागियस लुपस ग्रुप का जो मेन प्लान था वो उन सभी को अलग करना होता है। और अब लैंस की मुलाकात मागियस लुपस ग्रुप के एक और बंदे से होती है जिसका नाम था विर्थ। और वो लैंस को बताता है, मेरा तो मन मैशले से लड़ने का था लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें भी बहुत इजीली हरा दूंगा और मैं मागियस लुपस ग्रुप का थर्ड फैंग हूं। और दूसरी तरफ डॉट और फिन ऐसे रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर उनकी मुलाकात मागियस लुपस ग्रुप के दो और मेंबर्स के साथ होती है और इस लड़की का नाम होता है लव क्यूट, ये कैसा नाम है भाई, और इस छड़ी वाले बंदे का नाम है मीलो। और ये मागियस लुपस ग्रुप के फोर्थ और फिफ्थ फैंग होते हैं और उन दोनों को देखकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और पहले ही हार मान जाता है। ये फिन की तो फट्टू है भाई, लेकिन डॉट उसे समझाता है, ओ फिन उठ जा चुपचाप, अभी से हार मान गया तू, अरे भाई हम नहीं हारने वाले क्योंकि हम सीरीज के मेन कैरेक्टर हैं भाई, हमें मार देंगे तो इनकी सीरीज कैसे चलेगी। और दूसरी तरफ मैशले भी एक अलग रूम में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात एबिस से होती है जिसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और एबिस उसे बताता है, मैं तुम्हारी स्पीड देखकर बहुत इंप्रेस हुआ लेकिन मैंने नोटिस कर लिया था कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। और ये बात सुनकर मैशले बहुत ज्यादा डर जाता है और एबिस को झूठ कहने लगता है, नहीं तुम गलत सोच रहे हो, मैं भी मैजिक का यूज कर सकता हूं। पर एबिस उसे कहता है, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और मैं भी तुम्हारी तरह ही एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता हूं और अब हम दोनों को लड़ना पड़ेगा। और ये सुनकर मैशले भी उसे लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है और कहता है, आज तुम नहीं बचोगे, मैं तुम्हें बहुत पूरी तरह से पीटने वाला हूं। और अब लेमन को बचाने के लिए मैशले और उसके दोस्तों को 3 बैटल्स जीतने होंगे। अब लैंस और विर्थ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और लैंस उस पर अपना सबसे पहला हमला ग्रेवियल अटैक से करता है, पर विर्थ बहुत ही चालाकी से अपने मड मैजिक का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और जिसके बाद वो अपने बहुत सारे क्लोन्स बनाकर लैंस पर हमला करता है। पर लैंस अपनी ग्रेविटी मैजिक से उन सबको कुचल देता है जिससे कि हमें पता चलता है कि वो सभी नकली थे जिसे विर्थ ने कीचड़ से बनाया होता है। अब लैंस पूरी फील्ड पे अपने ग्रेवियल मैजिक का यूज करने के बारे में सोचता है पर जैसे ही वो अपनी स्टिक को ऊपर उठाता है तो वो देखता है कि उसके पैर कीचड़ के अंदर धस रहे होते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर विर्थ लैंस पर मड बॉल्स से हमला कर देता है और लैंस की बहुत बुरी हालत हो जाती है। और लैंस की ऐसी हालत को देखकर विर्थ हंसने लगता है और उसे मागियस लुप के लो रैंकिंग जो मेंबर्स होते हैं उसमें शामिल होने के लिए कहता है। विर्थ लैंस को ये भी बताता है कि उसमें स्किल्स की कोई भी कमी नहीं है लेकिन वो जिस ग्रुप में है उसकी वजह से लैंस पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पा रहा। विर्थ लैंस को ये भी बोलता है कि अगर वो मागियस लुपस ग्रुप में शामिल हो जाएगा तो वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा लेकिन अगर वो एल्डर डॉम में रहा तो हमेशा कमजोर ही बना रहेगा। और विर्थ की बात सुनकर लैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उसे जवाब देता है कि कोई भी मैजिशियन अपने एनवायरमेंट की वजह से पावरफुल नहीं होता बल्कि अपनी स्किल्स की वजह से पावरफुल होता है। और लैंस उस पर फिर से अपने ग्रेवियल मैजिक से हमला करता है लेकिन विर्थ फिर से मड मैजिक का यूज करके बच जाता है। लेकिन लैंस भी बहुत ज्यादा चालाक होता है और कई सारे स्टोन्स विर्थ की तरफ फेंकता है और उसे बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और विर्थ समझ जाता है कि लैंस एक बहुत खतरनाक ओपोनेंट है। अब विर्थ अपनी पॉकेट से एक सॉल्यूशन बाहर निकालता है और लैंस को बताता है कि ये दूसरे स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया है और उस सॉल्यूशन को वो पी जाता है और उसकी पावर लेवल्स एनहांस हो जाती है। और तभी उसके पीछे एक मड से बना हुआ बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जिसे विर्थ कंट्रोल कर रहा होता है और लैंस को बताता है कि ये जोरो मैजिक है और इसका यूज बहुत कम जादूगर ही कर सकते हैं। और तभी विर्थ अपने पास्ट को याद करने लगता है कि कैसे बचपन से उसे सिखाया जाता है कि मैजिक ही सब कुछ होता है और इस दुनिया में सिर्फ पावरफुल मैजिशियंस ही रह सकते हैं, इसलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को इम्प्रूव करने में लगा दी। अब विर्थ उस मड मॉन्स्टर को लैंस पर अटैक करने के लिए कहता है लेकिन लैंस उसके अटैक को डॉज कर लेता है। लैंस विर्थ से कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे दोस्त भले ही किसी काम के नहीं है लेकिन उनकी इंसल्ट करने का हक सिर्फ मेरा है,
समझे तुम। और ऐसा कहकर वो बहुत ही गुस्से में अपने ग्रेवियोल के एक और मैजिक को यूज करता है, जिससे कि उस मॉन्स्टर के चारों तरफ ग्रेविटेशनल पिलर्स आ जाते हैं और वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फट जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर इतनी ज्यादा तेज ग्रेविटी सह नहीं कर पाता। और ये सब देखकर विट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लैंस भी एक सेकंड लेवल का मैजिक स्पेल यूज कर सकता है। अब विट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और विट वापस अपने पास्ट के बारे में सोचता है कि कैसे उसके डैड हर वक्त बस उसकी इंसल्ट किया करते थे और उसे फोर्स किया करते थे कि वो तब तक उसे बेस्ट नहीं मानेंगे जब तक वो एक महान जादूगर नहीं बन जाता। इसके बाद लैंस विट को बताता है कि उसे जमीन पर एक बुक पड़ी हुई मिली थी जो कि शायद उसी की है। उस बुक को विट को दे देता है और लैंस उसे बताता है कि उसकी फैमिली भी बिल्कुल वैसी ही है, जो कि किसी भी इंसान को उसके मैजिक और उसके सोशल स्टेटस से जज करती है। और लैंस को पता चल चुका था कि उसे और विट को एक ही तरीके से पाला गया है, लेकिन फिर भी वो उसकी रिस्पेक्ट करते हुए वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैशले और एबिस के बीच में फाइट चल रही होती है और मैशले बहुत ही तेजी से एबिस को एक पंच करता है, लेकिन एबिस भी कुछ कम नहीं होता और वो भी बहुत ज्यादा स्पीड से मैशले पर हमला करता है और मैशले बुरी तरह से घायल हो जाता है। एबिस मैशले को बताता है तुम मेरे सामने नहीं दिख सकते, लेकिन मैशले उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और आगे फाइट करने लगता है। अब वो मैशले को एक डिवाइस दिखाता है जिसके अंदर लेमन कैद होती है और वो मैशले को बताता है कि इस डिवाइस के अंदर लेमन की सारी मैजिकल पावर्स एब्जॉर्ब हो रही हैं और आने वाले 30 मिनट में वो पूरी तरह से पावरलेस हो जाएगी और उसके फेस के ऊपर से वो मार्क भी हट जाएगा और एक नॉर्मल ह्यूमन बन जाएगी। अब मैशले अपनी दोस्त को बचाने के लिए एबिस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और एबिस के अंदर से बहुत सारे एरोस निकलते हैं और वो मैशले पर हमला कर देता है। एबिस की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि मैशले भी उसकी स्पीड को नहीं देख पाता और तभी एबिस मौके का फायदा उठाकर अपनी तलवार मैशले के पेट में घुसा देता है और मैश पूरी तरह से जख्मी हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस तलवार को बाहर निकालने लगता है तो वो बाहर ही नहीं आ रही होती है। मैशले ने उस तलवार को अपने एब्स की मसल से बहुत टाइटली पकड़ लिया था और वो एबिस को पकड़कर इतनी जोर से पंच करता है कि एबिस का फेस मास्क टूट जाता है और मैशले पहली बार एबिस का रियल चेहरा देख लिया था और एबिस की दोनों आंखें अलग अलग होती है और मैशले उससे पूछता है अरे ये क्या तुम्हारी एक आंख लाल क्यों है, तुम नशे वशे करते हो क्या। और एबिस उसे बताता है कि उसकी एक आंख को डेविल आई कहा जाता है और वो जिसे भी देखता है तो उस बंदे के सारे जो मैजिकल पावर्स होते हैं वो कुछ देर के लिए डिसेबल्ड हो जाते हैं, इसीलिए सभी लोग उससे डरते थे। और ये सुनकर मैश बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और एबिस को बताता है कि वो उसका डेविल आई का जो अटैक है वो उस पर कभी भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि मैशले के पास तो कोई मैजिक है ही नहीं भाई। पर एबिस उसे कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि दूसरे मैजिक यूजर्स के लिए उसकी आंख किसी कर्स से कम नहीं है, इन दोनों को दुनिया हेट करती है। और अब इसके बाद एबिस अपना सेकंड मैजिक पावर यूज करता है और उन दोनों के आसपास एक फोर्स फील्ड को क्रिएट कर देता है जिसके ऊपर बहुत सारे एरोस और निशान होते हैं। एबिस उन एरोस पर बैठकर मैशले पर हमला करने लगता है, पर मैशले जैसे ही उससे पंच करने वाला होता है तब वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड तो काफी ज्यादा कम हो चुकी है और एबिस उसे बताता है कि इस फील्ड के अंदर मैशले की जो भी पावर्स वगैरह होंगी वो सब एबिस को मिल जाएंगी अब, जिससे कि वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। और एबिस एक के बाद एक लगातार मैशले के ऊपर अटैक करता है और मैशले भी उन सबको बर्दाश्त करके बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, पर मैशले भी कुछ कम नहीं होता और जमीन पर एक जोरदार पंच मारता है और पूरी की पूरी जमीन टूटने लगती है और एबिस का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैशले को अब मौका मिल चुका था और वो एबिस के ऊपर एक पंच मार के उसकी तलवार को तोड़ देता है। एबिस को समझ आ चुका था कि मैश बहुत ज्यादा चलाक है, इसीलिए अब वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर मैश उसके पैर पर अपना पैर रख देता है और उसे वहीं पर रोक लेता है। और मैश अपने सभी मसल्स को टाइट करके उसे इतने जोर से पंच करता है जिससे कि वो अपनी ही बनाई हुई फोर्स फील्ड को तोड़कर बाहर जाकर गिरता है और अब मैशले की स्पीड फिर से नॉर्मल हो जाती है। एबिस को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा होता है क्योंकि वो मैशले से हार जाता है, लेकिन वो फिर से मैशले पर लगातार हमले करने लगता है, लेकिन मैशले उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करता है और आखिर में उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक देता है और फाइनली एबिस अपनी हार मान लेता है। एबिस सोचने लगता है कि उसके पेरेंट्स ने उससे बचपन से ही नफरत की और उसे बेसमेंट में लॉक करके रखा था क्योंकि कोई भी उसकी डेविल आई को नहीं देखना चाहता था और एक बार तो उसके पेरेंट्स ने उसे मारने तक की कोशिश की थी। एबिस आगे बताता है ये पूरी दुनिया मुझे हेट करती है और किसी न किसी दिन तुम भी मुझे हेट करने लगोगी, लेकिन मैशले बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है और एबिस को कहता है नहीं ऐसा नहीं है, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। लेकिन फिर भी एबिस अपनी डेविल आई की वजह से परेशान होता है, इसलिए वो मैशले को मना करता है और उसे बस एक आखिरी एडवाइस देता है कि आगे चलकर एडल से बिल्कुल भी न लड़े, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैशले एडल से मिला था तो उसने अपनी बस नॉर्मल पावर ही दिखाई थी, लेकिन एडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और मैशले एबिस से कहता है तुम्हारी एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं उस एडल से जरूर लड़के रहूंगा। और मैशले वहां से जाने लगता है और जाते जाते एबिस से कहता है मेरा एटीट्यूड तुम्हारी तरफ कभी नहीं बदलेगा और मैं हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही मानूंगा क्योंकि मेरे डैड ने मुझे यही सिखाया है और नेक्स्ट टाइम जब हम फिर से मिलेंगे तब साथ में क्रीम पफ्स जरूर खाएंगे। और मैशले आगे बढ़ जाता है और अब इसके बाद सिर्फ डॉट और फिन की लड़ाई ही बची होती है, लेकिन तभी बाहर हम एक अनजान लड़की को देखते हैं और जैसे ही वो बेसमेंट की तरफ पहुंचता है तो वो डिस्क्लोज मैजिक का यूज करके उस दरवाजे को विजिबल कर देता है और उसे खोल देता है। दरअसल ये बंदा यहां पर हेडमास्टर के कहने पर आया होता है। और दूसरी तरफ मिलो अब इस लड़ाई को लव क्यूट के ऊपर छोड़कर चला जाता है वहां से। इसके बाद डॉट लव और फिन से सवाल पूछती है क्या मैं तुम्हें क्यूट लगती हूं, सच बोलना तुम भी मुझे पसंद करते हो ना, बोलो
बोलो बोलो। और लव को मन ही मन यही लग रहा होता है कि वो दोनों भी उसे क्यूट बोलेंगे, और उसकी इन हरकतों को देखकर फिन और डॉट शॉक्ड रह जाते हैं कि भाई क्या लड़की है ये, क्या हरकत है ये। और डॉट लव क्यूट से माफी मांगता है और कहता है हाँ तुम क्यूट तो हो पर मुझे माफ करना, मैं लेमन को अपनी वाइफ मान चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं रख सकता, सॉरी मुझे माफ करना। और ये सुनकर लव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉट से कहती है ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं करते ना तो मुझे लगता है अब तुम्हें मर जाना चाहिए। और ऐसा बोलते ही वो अपने टॉर्निगस मैजिक का यूज करती है और उन पर अटैक कर देती है, लेकिन डॉट अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स का यूज करके उसके इस अटैक को रोक देता है। लेकिन वो समझ जाता है कि लव उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है, और लव बताती है दुनिया की सभी लड़कियां खूबसूरत होती हैं और तुम सभी बॉयज को सभी लड़कियों की तारीफ करनी चाहिए, समझे तुम, और अगर कोई लड़का ऐसा नहीं करता तो उन्हें जीने का कोई हक नहीं है। और इस लड़की की ये बेतुकी बातें सुनकर फिन और डॉट हैरान रह जाते हैं और उन दोनों को लगता है कि ये कोई मेंटल किस है, इस लड़की को भी पागल खाने में होना चाहिए। अब लव उन दोनों से पूछती है बताओ बताओ क्या मैं क्यूट हूँ, और इस बार भी डॉट का जवाब सेम ही होता है बहन मुझे माफ करना मैं लेमन से प्यार करता हूँ यार, मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं रख सकता सॉरी। और ये सुनकर लव बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है फिर से और अपने मैजिक से अटैक करके डॉट को दूर फेंक देती है। और लव उसे बताती है कि उसके डैड ने उसे बचपन से बताया है कि अगर कोई लड़का उसकी बात ना माने तो वो उसे खत्म कर सकती है। डॉट अब उठकर खड़ा होता है और अपने एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स से लव पर हमला करता है जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारा धुआं हो जाता है और अब उस धुएं के बीच में किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। और तभी डॉट लव के पास जाकर उसकी जादुई छड़ी को छीनने की कोशिश करता है, पर लव उसे देख लेती है और अब अपने मैजिक का यूज करके उसे दूर फेंक देती है। लव डॉट से कहती है कि वो उसे कभी भी नहीं हरा पाएगा और उसका जो दोस्त है मिलो वो किसी को भी अपनी मैजिक का यूज करके पत्थर में बदल सकता है। और अभी मिलो जल्द ही मैशली के पास जाकर उसे भी पत्थर में बदल देगा और उनके पास अब बस 30 मिनट ही बचे हैं मैशली को बचाने के लिए। अब लव अपने मैजिक से डॉट को एक टॉर्नेडो के अंदर फंसा देती है जिससे बाहर निकलना इम्पॉसिबल होता है और डॉट को उस टॉर्नेडो के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और अब अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि कैसे एक बार बचपन में एक लड़का उसकी नई जादुई झाड़ू को छीनने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन डॉट की बहन वहां पर उस लड़की को भगा देती है। और डॉट की सिस्टर उसे हमेशा बताती थी कि उसे गलत के अगेंस्ट हमेशा स्टैंड लेना चाहिए वरना फ्यूचर में उसे बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है, जब फ्यूचर में उसके दोस्त बन जाएंगे तो उसे उनके लिए भी खड़ा होना पड़ेगा। अब वो ये भी याद करने लगता है कि कैसे जब उस दिन सिल्वा और लॉरेंस उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तब मैशली को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उन दोनों से भिड़ गया था। अब इसके बाद लव फिन की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी डॉट उसके मैजिक को तोड़कर आजाद हो जाता है। ये देखकर लव बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो फिर से डॉट पर हमला करती है उसी टॉर्नेडो वाले अटैक से, लेकिन इस बार डॉट उसके मैजिक को कैंसिल कर देता है। अब डॉट की पावर को देखकर लव भी सोच में पड़ जाती है कि अचानक से डॉट के पावर लेवल्स इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए। और तभी लव की नजर डॉट के माथे के ऊपर एक निशान पर पड़ती है, वो उस मार्क को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि बचपन में उसने सुना था कि जो भी बच्चे इस मार्क के साथ पैदा होते हैं वो कभी कभी अपने अंदर से शैतानी जादुई शक्तियां बाहर निकाल देते हैं जब उनके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और इस मार्क को ईरा क्रियोस कहा जाता है। अब डॉट अपने मशीन गन एक्सप्लोसिव का यूज करता है और लव पर बहुत सारे हमले करता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, लेकिन जैसे ही धुआं हटता है तो वो देखता है कि लव को तो कुछ भी नहीं हुआ होता। और तब डॉट उसे बताता है कि वो लड़कियों पर कभी भी हमला नहीं करता और लव को वहां से भागने के लिए एक लास्ट वार्निंग देता है इससे पहले कि वो अपना इरादा बदल दे। लव बहुत ज्यादा डर जाती है और डॉट को अपनी जान बख्शने के लिए उसे थैंक यू कहती है और वहां से चली जाती है। अब डॉट की ऐसी खतरनाक पावर्स को देखकर फिन भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन तभी एक स्टोन क्रिएचर पीछे से आकर फिन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी टाइम पर डॉट उसे देख लेता है और फिन को बचा लेता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लग जाती है। लेकिन तभी मिलो वहां पर आ जाता है जो कि लव से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो फिन और डॉट को नहीं संभाल पाती, और ये सुनकर लव भी फिलो से माफी मांगने लगती है। लेकिन अब क्योंकि मिलो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है इसलिए वो डॉट पर अपने स्टोन मैजिक हैंड से हमला कर देता है और दूसरी तरफ डॉट भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था इसलिए वो सोचने लगता है कि अब वो मिलो का सामना कैसे करेगा भाई। और लव उसे बताती है कि मिलो एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है लेकिन फिर भी वो मागियस लुपस ग्रुप का एक हिस्सा है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और फिन और डॉट तो उसके सामने कभी टिक ही नहीं पाएंगे। मिलो के मैजिकल हैंड्स बहुत ही तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं लेकिन तभी उनके पीछे से एक तलवार आकर मिलो के सभी अटैक्स को तोड़ देती है और सीधा जाकर मिलो के पेट में जाकर घुस जाती है और मिलो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। उसे देखकर डॉट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर ये किसने किया भाई, मिलो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था कि अभी हुआ क्या और इस पे किसने हमला कर दिया। और तभी वो अपने सामने डिवाइन विजनरी रियान एमएस को देखता है, ये वही बंदा है मिस्टीरियस बंदा जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था और इस सीरीज की शुरुआत में भी हमने इस बंदे को देखा था उस न्यूज पेपर में जो की ब्रैड पढ़ रहा होता है। अब रियान को देखकर मिलो बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है भाई इसे क्या चाहिए भाई, ये इधर क्यों आया। अब मिलो बहुत ही चालाकी से रियान पर हमला करता है और उसके पीछे एक जायंट क्रिएचर को क्रिएट कर देता है लेकिन रियान अपनी बड़ी स्पोर्ट की हेल्प से उस क्रिएचर को बीच में से काट देता है। रियान मिलो को बताता है कि वो उसका टाइम वेस्ट कर रहा है बस क्योंकि रियान के सामने ये बिल्कुल एकदम चिरकुट है चिरकुट। रियान अब हजारों तलवारें क्रिएट करता है और मिलो पर अटैक करता है और उसे खूब पीटने लगता है, पर मिलो को भी समझ आ जाता है कि वो एक डिवाइन विजनरी को कभी नहीं हरा पाएगा। ये देखकर लव तुरंत अपना जैकेट उतार देती है और पार्टी चेंज कर लेती है कि अब से वो भी एल्डर नाम का एक हिस्सा है। क्या भाई ये लव क्यूट भी गद्दारी कर भी निकली, पार्टी बदल लिए। अब मिलो की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और रियान से
माफी मांगने लगता है, पर रियान उसे लात से पीटने लगता है और कहता है कि इंसान के एक्शंस उसके वर्ड्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तभी रियान डॉट की तरफ देखते हुए कहता है कि उन सबको यहाँ पर अब नहीं रुकना चाहिए और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और डॉट भी रियान की पावर को देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज हो चुका था, इसीलिए वो कुछ बोल ही नहीं पाता उसके सामने। अब रियान वहां से आगे बढ़ जाता है और सोचने लगता है कि हेडमास्टर ने उसे यहाँ पर इनोसेंट जीरो को पकड़ने के लिए भेजा है। पर तभी रियान को अपने पीछे एक बहुत ही स्ट्रांग ऑरा फील होने लगता है और जैसे ही वो पीछे पलटता है तो देखता है कि मैश बड़े ही आराम से अपना क्रीम पफ खाते हुए आ रहा होता है उसके पास। अब रियान मैश से भी इन्वेस्टिगेशन करने के बारे में सोचता है और अपने स्पाइडर को बुलाता है जो कि किसी भी मैजिशियन की पावर लेवल्स को चेक कर सकता है। इसके बाद रियान सडनली मैश पर हमला कर देता है अपनी मैजिकल स्वॉर्ड की हेल्प से, लेकिन मैश उस स्वॉर्ड को बहुत ही आसानी से अपनी दो उंगलियों से ही रोक लेता है। अब जैसे ही वो स्पाइडर मैश की पावर लेवल को चेक करता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई मैजिकल पावर होती नहीं है, जीरो दिखाता है वो। अब रियान बहुत सारी मैजिकल स्वॉर्ड से मैश पर हमला करता है, लेकिन मैश उन सभी स्वॉर्ड्स को एक चेयर बनाकर उन पर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो स्पाइडर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि मैशले की मैजिक पावर्स अभी भी जीरो ही शो हो रही होती हैं। अब रियान को यकीन हो चुका था कि मैशले इनोसेंट जीरो का आदमी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो एक आखिरी टेस्ट लेना चाहता था और वो बहुत सारे स्वॉर्ड से मैशले पर हमला करता है। पर मैश भी उसी की एक स्वॉर्ड को बैट बनाकर दूसरे स्वॉर्ड्स को बॉल समझ के हिट करने लगता है और उन सभी को रोक देता है। रियान अब मैशले से उसका नाम पूछता है और तभी उसे हेडमास्टर की बातें याद आती हैं जब उन्होंने कहा था कि उनकी एकेडमी में बहुत ही यूनिक स्टूडेंट आया है जो कि नेक्स्ट डिवाइन विजनरी बनने के लायक है। और रियान समझ जाता है कि मैशले ही वो स्टूडेंट है, इसलिए वो मैशले से अपने रूड बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उसे अपना एक मैजिकल रुमाल देता है जो कि किसी भी घाव को आसानी से ठीक कर सकता है। अब रियान उसे बताता है कि वो मैशले की पावर को देखकर बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, लेकिन एडल एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट है और अभी इस वक्त उस बंदे के पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइंस है जो कि उसने चुरा रखे हैं, इसलिए वो डिवाइन विजनरी बनने के बहुत ज्यादा करीब है। अब रियान वहां से जाने लगता है और मन में मैशले के बारे में सोच रहा होता है कि इस वर्ल्ड में जहां पर मैजिक ही सब कुछ है वहां पर ये मैशले डिवाइन विजनरी तो जरूर बन जाएगा, लेकिन उसे खुद को किसी भी मैजिकल यूजर से ज्यादा स्ट्रांग शो करना होगा। अब मैशले को एक दरवाजा दिखाई देता है और उसके अंदर जाने के बारे में सोचता है, पर तभी उसे मेलन से किया हुआ प्रॉमिस याद आता है। मैशले को समझ नहीं आ रहा था किस दरवाजे को पुश करना है या पुल करना है इसीलिए वो उसे अपने हिसाब से खोलने के बारे में सोचता है और वो दरवाजा टूट कर गिर जाता है और अंदर एडल मौजूद होता है जो कि मैशले को देखता है और कहता है, कौन है, क्या तुम ऐसे ही सारे दरवाजे तोड़ दोगे? और मैशले बहाना बनाते हुए कहता है, मैंने तो सिर्फ हल्का सा नॉक किया था लेकिन ये दरवाजा टूट गया। अब हम देखते हैं कि मैश को देखकर अपने सामने एडल बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि ये मैशले एबिस को हरा चुका है और अब एडल या एबिल जो भी अभी इसका नाम है, इसको लगता है कि एबिस की ईविल आई के सामने सिर्फ डिवाइन विजनरी रियान ही टिक सकता है, लेकिन मैशले ने तो एबिस को भी हरा दिया होता है, मतलब कि वो डिवाइन विजनरी जितना स्ट्रांग है। अब एबिल मैशले को बताता है कि इस दुनिया में ऐसे लोगों को रहने का कोई भी हक नहीं है जिन्हें मैजिक तक यूज करना नहीं आता और जो कमजोर होते हैं क्योंकि वो लोग सिर्फ रिसोर्सेज को लेना जानते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ देते नहीं है। और अब एबिल डिवाइन विजनरी बनके इस पूरे सिस्टम को ही चेंज करना चाहता है और उन्हें खत्म कर देगा जिन्हें मैजिक यूज करना नहीं आता। अब ये सुनकर मैशले को अपना बचपन याद आ जाता है जब वो अपने फादर रेग्रो के साथ रहता था। रेग्रो को पता होता है कि मैशले कोई भी मैजिक वगैरह यूज नहीं कर सकता, लेकिन बचपन से मैशले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसके बाद मैशले एबिल को बताता है कि उन दोनों की सोच बहुत ज्यादा अलग है, इसीलिए वो कभी भी दोस्त तो नहीं बन पाएंगे। और तभी एबिल मैशले पर अटैक कर देता है और उस पर बहुत सारे पपेट्स फेंकता है। और दूसरी तरफ लव भी उस रूम के अंदर पहुंच जाती है और देखती है कि अंदर तो एबिल और मैशले की लड़ाई चल रही होती है और इसीलिए वो जल्दी से दीवार के पीछे जाकर छुप जाती है और मैश भी उन सभी पपेट्स को एक एक करके पंच करता है जिसकी वजह से वो सभी टूटने लगते हैं। लेकिन मैश नोटिस करता है कि उनके अंदर से एसिड निकल रहा होता है। अब एबिल मैशले को बताता है कि इन पपेट्स के अंदर एसिड भरा हुआ है जो कि उसे नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैशले एक पपेट का हेड उठाकर बाकी के जो पपेट्स होते हैं उन पर एक बॉलिंग बॉल की तरह फेंकता है उन्हें और वो सभी टूट जाते हैं और ये देखकर लव हैरान रह जाती है। मैश कहता है, अच्छा तो तुम कमजोरों को मारना चाहते हो, लेकिन अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो इससे तुम खुद कमजोर साबित हो जाओगे। इसके बाद मैशले उससे पूछता है, लेमन कहां पर है, बताओ मुझे। लेकिन एबिल कहता है, अबे कौन है, कौन लेमन, मुझे नहीं पता। इसके बाद एबिल अपने तीन पपेट्स निकालता है और मैशले को खत्म करने के लिए भेजता है और उसे लग रहा था कि मैशले उनमें से एक पपेट को भी नहीं संभाल पाएगा, लेकिन मैश बहुत ही आसानी से उन तीनों पपेट्स को एक ही पंच में खत्म कर देता है। एबिल को उसका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और मैशले पर अपना पपेट मैजिक यूज करके उसके हाथों को कंट्रोल में ले लेता है और मैशले खुद को ही पंच करने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाता है और एबिल मैशले को बताता है कि ये लड़ाई अब वन साइडेड लग रही है भाई और इसमें कोई मजा नहीं आ रहा। और तभी वो फिन को भी वहां पर ले आता है जिसने उसे पहले ही पपेट में कन्वर्ट कर दिया था। एबिल ये भी बताता है कि वो डॉट को भी एक पपेट बनाना चाहता है, लेकिन क्योंकि डॉट बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका था इसलिए वो उसे पपेट में कन्वर्ट नहीं कर पाया और मैशले को फिन के साथ फाइट करनी होगी। लेकिन मैशले अपने हाथों को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता था और अगर उसने ऐसा किया तो एडल फिन को खत्म कर देगा। फिन मैशले के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता है और मैशले को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने हाथों का यूज नहीं करता और एक ही जगह पर खड़ा रहता है। और कुछ टाइम बाद फिन की कुल्हाड़ी टूट जाती है, लेकिन मैश अभी भी खड़ा हुआ था और मैशले की स्ट्रेंथ को देखकर एडल और लव दोनों के दोनों हैरान रह जाते हैं। अब मैशले अपने
पॉकेट से वो गोल्ड कॉइन निकालता है और एबल को दिखाता है और कहता है, ठीक है तो तुम्हें ये गोल्ड कॉइन चाहिए ना, लो तुम इसे रख सकते हो। और मैशले उस गोल्ड कॉइन को ट्विस्ट करके एबल की तरफ फेंकता है, लेकिन उस गोल्ड कॉइन की वजह से पिन पर लगे हुए मैजिकल जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो टूट जाते हैं और फिन वापस से एक नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो गोल्ड कॉइन घूमकर मैशले के ही पास आ जाता है। फिर से अब मैशले एबल को चिढ़ाते हुए कहता है, शायद इस गोल्ड कॉइन को मुझसे प्यार हो गया है और ये मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता। और अब एबल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मैशले को अपनी मैजिकल स्ट्रिंग्स में बांध देता है और मैश की बॉडी को कंट्रोल करने लगता है। लेकिन मैश भी बहुत ज्यादा जोर लगाता है जिसकी वजह से उल्टा एबल की उंगलियां ही टूटने लगती हैं। अब मैशले बहुत ही तेजी से एबल की तरफ भागते हुए जाता है और उसके मुंह पर अपना घुटना दे मारता है और ये देखकर लव भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। एबल को समझ आ जाता है कि मैशले बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग ओपोनेंट है और इसीलिए अब वो अपना सबसे ज्यादा स्ट्रांगेस्ट मैजिक स्पेल यूज करता है। और अब एबल की मैजिक की वजह से मैशले एक पपेट में बदल जाता है। एबल उसके पास जाता है और मैशले के पॉकेट से उस गोल्ड कॉइन को बाहर निकालने के लिए वहां पर हाथ डालता है और देखता है कि उसके हाथ में गोल्ड कॉइन की बजाय एक क्रीम पफ आ गया है। और मैशले एबल को एक जोरदार पंच मारता है और एबल दूर जाकर गिरता है। अब मैशले वापस से अपना क्रीम पफ ले लेता है लेकिन एबल बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये मैशले आखिर नॉर्मल कैसे हो गया भाई, मैंने तो इसे पपेट में बदल दिया था, क्योंकि आज तक उसके पपेट मैजिक में कोई भी इंसान हिल भी नहीं पाया। लेकिन तभी एबल को रियलाइज हो जाता है कि जैसे ही एबल ने उसका क्रीम पफ बाहर निकाला तब मैश के स्पाइनल रिफ्लेक्स ने तुरंत रिएक्ट किया क्योंकि उसे लगा कि उसका क्रीम पफ खतरे में है जो कि उसका फेवरेट है, जिसकी वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। अब एबल डिसाइड करता है कि वो मैश को अपने अल्टीमेट स्पेल से हरा डालेगा जो कि सेकंड लेवल का मैजिक होता है और अपने मैजिक से एक बहुत बड़े पपेट को बाहर निकालता है। और मैशले से कहता है, ये पपेट अपने 100 मीटर के रेडियस तक किसी भी इंसान को पपेट में कन्वर्ट कर सकता है और इसे टच करने से ही कोई भी इंसान पपेट बन जाता है क्योंकि इसके आसपास बहुत सारी इनविजिबल स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं और तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो मैश, क्योंकि आज तक मैंने किसी पर भी अपने इस अटैक को यूज नहीं किया था। लेकिन मैश उस बड़े से पपेट को भी पूरी तरह से तोड़ देता है और एबल के पसीने छूट जाते हैं और सोचता है, भाई क्या ये वन पंच मैन है क्या ये। और मैश उसे बताता है कि उसने तो सिर्फ पपेट पे जो लगे हुए थे इनविजिबल स्ट्रिंग्स उनको तोड़ा बस, जिसकी वजह से वो पपेट हार गया। लेकिन लव ने सब कुछ देख लिया था, दरअसल वो जो इनविजिबल स्ट्रिंग्स थे वो जैसे ही मैश को टच करने वाले थे तभी मैश ने उन स्ट्रिंग्स को पकड़ लिया होता है और जोर से खींचकर तोड़ दिया ताकि वो उसे कंट्रोल ना कर पाए। और एबल को भी ये चीज समझ आ जाती है कि मैश ने उसके स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को कैसे हराया। अब एबल गुस्से में वापस अपने पपेट को उसकी तरफ फेंकता है लेकिन मैश इस बार उन सभी पपेट्स को एक मुक्का मार के चकनाचूर कर देता है और बहुत ही स्पीड से एबल के पीछे जाकर उसे जमीन पर पटक देता है। और एबल की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसे अपना पास्ट याद आने लगता है कि उसकी मदर कितनी ज्यादा काइंड और जेंटल थी और सभी के सभी इंसानों को इक्वल ही ट्रीट करा करती थी और मैजिक और नॉन मैजिक यूजर्स को भी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया करती थी। और एक दिन वो गरीबों में खाना बांट रही होती है और तभी एक गरीब इंसान उनके पास आया और उसने एबल की मॉम का मर्डर कर दिया ताकि वो सारा का सारा खाना अपने साथ लेकर जा सके। और एबल को लगने लगा कि उनकी मॉम की जो डेथ हुई थी वो उसकी काइंड नेचर की वजह से ही हुई थी और इस सोसाइटी में सभी लोगों को खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए उसने मागिया स्लुपस ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि अपने प्लान्स पर काम कर सके। लेकिन अब क्योंकि वो हार चुका था तो मैशले उससे लेमन का पता पूछता है और कहता है, शायद तुम इतने बुरे आदमी भी नहीं हो, ये सब कुछ तुमने अपनी मॉम के लिए किया। और अब एबल सभी बच्चों को नॉर्मल कर देता है और अपने मैजिक से लेमन को भी वहां पर ले आता है और फिन भी होश में आ जाता है और वो तीनों सेलिब्रेट करने लगते हैं वापस मिलने की वजह से। और तभी डॉट भी वहां पर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड था और इसके चेहरे को क्या रखा भाई, ये क्या है, और चारों भंगड़ा पाने लगते हैं। और तभी फिन पूछता है, अरे ये लेंस कहां पर है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लेंस कहीं पर जा रहा होता है। लेकिन तभी रियान वहां पर आकर उसे रोक लेता है और उसे लेंस पर शक होता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन लेंस उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक देता है और रियान भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब लियान अपना मैजिक यूज करके अपने असली रूप में आ जाता है और हमें पता चलता है कि वो बंदा लेंस नहीं था भाई, बल्कि इनोसेंट जीरो का ही कोई मेंबर होता है और अपना नाम सेल वॉर बताता है। और रियान भी बताने लगता है कि इनोसेंट जीरो एक डार्क मैजिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी की शैडोज में काम करती है। और रियान सेल से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो स्कूल में, और सेल कहता है, हम लोग यहाँ पर किसी खास चीज को ढूंढने आए हैं और इसके लिए हमने एबल को यहाँ पर भेजा था, लेकिन अब क्योंकि एबल अपने मिशन में फेल हो चुका है इसीलिए अब एबल को मरना होगा। और रियान उस पर अटैक करने के लिए बहुत ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तभी उसके बीच में एक बहुत बड़ा चाकू आ जाता है और तभी एक दूसरा बंदा भी वहां पर आ जाता है जिसका नाम जॉन पियर होता है और वो एक सीरियल किलर और एक कैनिबलिस्ट होता है। कैनिबलिस्ट वो होते हैं जो कि इंसानों को ही खाते हैं और वो उसे कहता है, तो अब तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी होगी। और दूसरी तरफ सेल वहां से भाग चुका था ताकि वो एबल को मार सके और उसे देखकर रियान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि भाई अब तो गए भाई, मैश और उसके दोस्त कभी भी इनको नहीं हरा पाएंगे क्योंकि लोग डिवाइन विजनरी के लेवल के हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रेग्रो और ब्रेड एक साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं और रेग्रो को बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है कि कहीं सबको ये पता न चल जाए कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता, और ब्रेड को भी इस बात की बहुत चिंता होती है क्योंकि अगर सबको पता चल गया तो फिर उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा और ब्रेड के जो फ्यूचर प्लान्स हैं वो भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और दूसरी तरफ मैश, फिन और ये डॉट अभी तक सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और भांगड़ा पा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे मागियस लुपस ग्रुप को हरा दिया था और उन सबको इस तरह से देखकर
एडल और लव सोचने लगते हैं कि भाई कब तक ये भंगड़ा पाते रहेंगे, ये क्या है, ये इतनी भी क्या खुशियां ने। अब मैश बोलता है अरे भाई मुझे बाथरूम जाना है, जरा मैं आया रुको, और वो वहां से चला जाता है। और जैसे ही मैश वहां से जाता है, इनोसेंट जीरो का वही मेंबर जिसका नाम सेल है वो यहां पर आ जाता है, और आते ही उन तीनों को साइड में धकेल देता है। और अब जैसे ही डॉट सेल की आंखों में देखता है तो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने सेल की खतरनाक प्रेजेंस को फील करा होता है। अब इसके बाद वो एबल के पास पहुंच जाता है और उसकी चोट देखकर उससे पूछता है, हाँ वे हार गए लगता तुम इस लड़ाई में। और एडल को बहुत ज्यादा कोसने लगता है, तुम तो स्कूल में भी टॉपर कहलाने के लायक नहीं थे और तुम मेरे लिए वो चीज भी नहीं ढूंढ पाए जिसके लिए तुम्हें भेजा गया था यहाँ पे, भाई अब तो मैं मरना पड़ेगा यार। और सेल्वर उसके हाथों को कंट्रोल करके उसका गला दबाने लगता है, और तभी मैशले वहां पर आ जाता है बहुत सारी क्रीम पफ्स लेकर ताकि वो लोग पार्टी कर सके। और ये देखकर सेल भी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है भाई क्या है बंदा, इसे पता नहीं क्या यहाँ पे चल क्या रहा है। मैश के फ्रेंड्स भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इतने सारे क्रीम पफ लेकर आया कहाँ से भाई। और तभी एक मक्खी मैशले की नाक पर बैठ जाती है और मैशले बहुत जोर से छींक मारता है और उसके हाथ से सारे के सारे जो उसके क्रीम पफ्स थे वो उड़कर इस सेल वॉर के चेहरे पर जाकर लगते हैं। ये देखकर सभी लोग सोचने लगते हैं भाई गया मैश तो अब नहीं बचता है, ये जान के तो नहीं कर दिया इसने मैश ने। और मैशले सेल को सारे के सारे क्रीम पफ्स को लुटाने के लिए कहता है क्योंकि वो लोग उसे खाने वाले हैं, और सेल उन सभी क्रीम पफ्स को नीचे जमीन पर गिर देता है और मैशले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। लेकिन अचानक से सेल के सिर में दर्द होने लगता है और सोचने लगता है कि कहीं ये रेजोनेंस तो नहीं है, जैसे ही ये मैश यहाँ पर आया मेरे सिर में दर्द होने लगा, लगता है यही वो लड़का है जिसे मैं ढूंढ रहा था। लेकिन अभी एबल को खत्म करना ज्यादा जरूरी है, और इसके बाद वो अपने मैजिक से बहुत बड़ी स्पाइक बॉल क्रिएट करता है जो कि एबल की तरफ ही बढ़ रहा होता है। वो अटैक उसे लगने ही वाला होता है कि तभी एबिस बीच में आकर उसे बचा लेता है और काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और एबिस मैश से कहता है सॉरी मैश, शायद हम साथ में क्रीम पफ्स नहीं खा पाएंगे। अब मैश बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जमीन पर पैर मारता है जिससे कि सारे के सारे पत्थर हवा में उड़ने लगते हैं, और मैश एक पत्थर को किक करके सेल की तरफ फेंकता है। हालांकि सेल उसे कैच कर लेता है और उसे धमकी देते हुए कहता है मुझे इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है और अगर तुमने मेरा रास्ता रोका तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और उसकी बातें सुनकर ये सेल हंसने लग जाता है और हवा में फ्लोट करने लगता है ताकि मैश से लड़ सके। अब सेल अपने मैजिक का यूज करता है और मैशले पर हमला करता है, लेकिन मैश एबिस को प्रोटेक्ट करने के लिए बीच में आ जाता है और सभी स्पाइक्स को मुक्का मार के तोड़ने लगता है। अब मैशले को इस तरह से लड़ता हुआ देखकर एबल सोचने लग जाता है कि मैश भाई ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा और एबिस भी एक नंबर का गधा है, मेरे को बचाने चलाया ये। अब एबल अपना पास्ट याद करने लगता है कि कैसे उसकी मॉम ने एक बार उसे कहा था कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता और हमें हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए। और एबिस को भी याद आने लगता है कि कैसे बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसे हमेशा दूर रखा और एक कमरे में बंद करके रखा क्योंकि उसके पास ईविल आई थी। लेकिन जब वो एबल से मिला तो उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी आय को एक नया पर्पस देगा और उसे खुद के लिए इस्तेमाल करेगा। एबिस को डर होता है कि कोई भी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन एबल ने उसे एक्सेप्ट किया और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एबल अपनी आय को कवर करे या नहीं। एबल मैश को भी देख रहा होता है कि कैसे वो लगातार पंचेस मारकर उसके सारे अटैक्स को रोक रहा है। अब एबिस एबल से कहता है तुम चले जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ। और एबल नोटिस करता है कि उसकी मदर और एबल बिल्कुल एक जैसे ही हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा काइंड हैं और हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं। और मैश की हालत को देखकर ये डॉट को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है, पर इतने पावरफुल आदमी के सामने वो कुछ नहीं कर पाता। और ये सब देखकर सेल बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है और सब कुछ जल्दी से खत्म करने के बारे में सोचता है, इसलिए अब वो मैशले के ऊपर बहुत खतरनाक अटैक्स करने शुरू कर देता है जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। वो शार्प कार्बन स्पाइक्स मैशले को लगने ही वाले होते हैं कि तभी एक हाथ बीच में आकर उससे प्रोटेक्ट कर लेता है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो हाथ तो एबल के पपेट का होता है जिसने मैश को बचा लिया था। एबल सेल्वर को बोलता है मैं हमेशा सही के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, लेकिन तभी सेल उस पर फिर से अटैक करके उसकी उस डॉल को तोड़ देता है और मैशले चुपके से इस डॉल में छुप जाता है ताकि सेल के करीब आ सके। और मैश बाहर निकलकर सेल को एक जोरदार पंच मारता है और उसका फेस पूरी तरह से बिगड़ जाता है, लेकिन सेल को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता और अपने मैजिक से फिर से अपने फेस को रिकवर कर लेता है। अब मैशले की स्ट्रेंथ को देखकर सेल बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और पूछता उसे ओ लड़के तुम कौन सा मैजिक यूज करते हो। मैश यहाँ पर कुछ नहीं कह पाता और कहता है पावर मैजिक का। सेल को लगता है कि ये भाई बहाने मार रहा है, ये नहीं बताना चाहता मेरे को कौन सा मैजिक यूज करता है, और अपने पॉकेट से एक मिरर निकालता है और बताता है कि एक पावरफुल मैजिक आइटम है जो कि किसी भी स्पेल को रिफ्लेक्ट करके अपने ओपोनेंट की तरफ भेज देता है। डॉट ये देखकर हैरान रह जाता है। डॉट मैश से बोलता है ओ भाई मैश अपना कोई भी मैजिक यूज मत करियो वरना तेरा मैजिक तुझे ही आकर लग जाएगा। सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और सेल मैश को अपना मैजिक यूज करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, लेकिन मैश बिना किसी परेशानी के बहुत स्पीड से एक किक मारता है उस मिरर के ऊपर और उसे तोड़ देता है। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये मैश तो बिल्कुल भी मैजिक यूज कर ही नहीं सकता। और वो सभी लोग पास्ट में हुए जो इवेंट्स थे उनके बारे में भी सोचने लगते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि मैश ने एक बार भी अपने मैजिक का यूज नहीं किया और अपनी ताकत के दम पर अभी तक सब कुछ कर रहा होता है, लेकिन ये बात उन्हें नामुमकिन सी ही लगती है। और तभी सेल के हाथ में एक अजीब सा मार्क आ जाता है और उसे पता चलता है कि ये जो मार्क है ये मैशले को टच करने की वजह से हुआ है अभी। और सेल के पीछे एक डायमेंशन टूट कर ओपन हो जाती है और उसमें से दो हाथ बाहर आते हैं और सेल्वर कहता है भाई बहुत मजा आया आज पर मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, बहुत ही जल्द फिर से मिलेंगे मैश। और सेल्वर वहां से चला जाता है। अब मैश कहता है अच्छा हुआ ये चला गया, हमें जल्दी ही एबिस को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। और जाते जाते एबिल मैशले को बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा एहसान बहुत ही जल्द उतारूंगा। मैश के दोस्त उसके पास आते हैं जो कि उससे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होते हैं, लेकिन वो मैश को बताते
कि अगर भाई किसी को भी पता चल गया ना कि तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। नहीं, उससे भी बुरा होगा तुम्हारे साथ। और मैश ले हड़बड़ाहट में कहने लगता है, मैं तो मैजिक यूज कर सकता हूँ। मैश के फ्रेंड्स उसे कहते हैं कि शायद इसके कुछ पर्सनल रीजंस होंगे जिसकी वजह से यहाँ पर आया है, और सभी लोग मैश इससे प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग इसे सीक्रेट ही रखेंगे। पर उन्हें बहुत ज्यादा डर भी लग रहा होता है, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि वो लोग मैश के साथ मिले हुए हैं तो उन्हें भी सजा जरूर मिलेगी। पर भाई यही तो होती है दोस्ती, सैल्यूट यार तुम लोगों को। लेकिन तभी एक स्टूडेंट ये सब कुछ सुन लेता है, जिसे एबल ने पहले पपेट बनाकर रखा होता है। वो लड़का कहता है, इस अकेडमी में सिर्फ मैजिक यूजर्स ही आएंगे, और मैं सभी टीचर्स को ये बात बता दूंगा। मुझे पता चल चुका है कि मैश ले मैजिक यूज नहीं कर सकता, अब कोई नहीं बचेगा, सबके सब गए तुम लोग। और मैश के फ्रेंड्स ये सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि भाई अब क्या करेगा मैश। लेकिन मैश को घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई, और अपना मस्त क्रीम पफ खा रहा होता है। और एंडिंग में हम एक डरावनी सी जगह को देखते हैं, जहां एबल अपने फादर इनोसेंट जीरो के पास आया होता है, और वो अपने फादर से कहता है, जी डैड, हमें वो चीज मिल चुकी है जिसे हम ढूंढ रहे थे। और ये सुनकर इनोसेंट जीरो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और सेल से कहता है, जल्द से जल्द उसे हासिल कर लो। पर सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता, और ये सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर यहां तक आया है अभी तक। और ये जो न्यूज थी ये पूरे के पूरे एकेडमी में फैलना शुरू हो जाती है। अब इसके बाद हम मैश को देखते हैं, और मैश फिन से कहता है, चल चलते हैं बाहर जाकर मस्ती वस्ती करते हैं, पार्टी शार्टी करते हैं, चल। लेकिन फिन बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, क्योंकि मैश का सीक्रेट लीक हो गया था। और सीक्रेट तो मैश का लीक हुआ था, पर टेंशन फिन को हो रही होती है। और तभी एक स्टूडेंट वहां पर आ जाता है और मैश इससे पूछता है, अरे मैश, क्या ये बात सच है, तुम मैजिक नहीं यूज कर सकते? और ये सुनकर फिन रोने लग जाता है और बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। और तभी मैश उसे कहता है, ये तुम्हें किसने कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, ये देखो। लेकिन वो बंदा बोलता है, अच्छा बेटे, मेरे से झूठ बोलेगा तू, हैं? सबको पता चल गया है कि तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता, मान जा भाई, क्यों इतने नखरे करता है। और ये सुनते ही फिन मैश से कहता है, चलो मैश, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इसके मुंह मत लगो। लेकिन वो बंदा फिन को टॉन्ट करता है और उसे कहता है, फिन, तुम्हें पता है ना फिन कि तुम क्या कर रहे हो, तुम एक नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा ट्रबल में ला सकता है। लेकिन ये सब सुनकर फिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे, और अपने काम से काम रखो। लेकिन तभी उस बंदे पर कोई अपना ग्रेविटेशनल मैजिक यूज कर देता है, और ये कोई और नहीं, हाँ सही सोचा भाई तुमने, लेंस है ये। लेंस वहां पर आ जाता है और वो बंदा उसे बोलता है, तुमने मुझ पर ये मैजिक क्यों यूज किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और तभी लेंस उसे बोलता है, पता नहीं, बस वैसी तुम्हारी शक्ल मुझे पसंद नहीं आई, तो मैंने सोचा इसको जमीन पर गिरा दिया जाए तुम्हें। और तभी डॉट और लेमन भी वहां पर आ जाते हैं, और ये डॉट को क्या हो गया भाई, इतनी सारी पट्टी है इसके। डॉट का पूरा शरीर बैंडेज से कवर होता है। अब इसके बाद हम एल्डन डॉम के रूम नंबर 302 में देखते हैं, जहां पर सेलिब्रेशन चल रहा होता है, और यहां पर एकदम मस्त दावत वगैरह चल रही होती है इनकी। और मैश बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है खाना खाने के लिए। लेकिन फिन थोड़ा सा टेंशन में होता है, क्योंकि वहां पर पार्टी में दो और बंदे भी थे, और ये दो और कोई नहीं बल्कि एबल और एबिस होते हैं। और उनको देखकर फिन की फट रही होती है कि इन पर हमला न कर दे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ये लोग। एबल के हाथ में वो डॉल अभी भी होती है, जिसे देखकर फिन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। और लेमन एबिस को टी ऑफर करती है, लेकिन तभी एबिस वो बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करने लगता है, उसके मुंह से कोई भी शब्द वगैरह नहीं निकल रहे होते। और तभी एबल कहता है, तुम चिंता मत करो, ये जैसे ही कुड़ियों के सामने आता है ना, इसकी सारी हवा निकल जाती है। और अब मैश लेमन के हाथों से खाना खाने लगता है। लेकिन तभी फिन लेंस के पास जाता है और उससे पूछता है, लेंस, तुम हमें छोड़कर बेसमेंट में क्यों चले गए थे? तभी लेंस उसे बोलता है कि उसे बेसमेंट में किसी बंदे को पीटना था, और जैसे उसने उसको पीटना खत्म किया तो वहां पर उसे कुछ और बंदे भी मिले, जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो डेथ रो से है, लेकिन लड़ाई के बीच में ही वो लोग वहां से भाग गए थे। और ये सब सुनकर फिन तो और भी ज्यादा डर जाता है, भाई कितना डरपोक है ये बंदा। और अब इसके बाद हम देखते हैं कि मैश और एबिस थोड़ा साइड में होकर बैठे होते हैं और आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और एबिस उसे बताता है, मैश, भले ही आज तुमने जीत लिया हो, लेकिन इस चीज को एक वार्निंग की तरह लेना, मैं पूरी तरह से श्योर हूं कि वो लोग वापस जरूर आएंगे, इनोसेंट जीरो फिर से तुम्हारे लिए आएगा, कि वो लोग इस मैजिकल वर्ल्ड के सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं, और उन लोगों को एक ऐसा बंदा चाहिए था जो कि मैजिक यूज करने में बहुत ज्यादा अच्छा हो। और हम रूम के बाहर देखते हैं कि वही बंदा जिसकी लेंस ने भी पिटाई करी थी थोड़ी देर पहले, वो रूम के बाहर खड़ा होता है, ताकि इस बार वो मैश के खिलाफ कोई एविडेंस कलेक्ट कर पाए और मैजिक ब्यूरो के सामने प्रूफ कर पाए कि उसे मैजिक यूज करना नहीं आता। वो मैश के गेट के सामने खड़ा होता है और रूम के अंदर झांक के देखता है, और देखता है कि मैश और एबिस एक दूसरे के साथ बैठे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं, और ये देखकर तो उसको बिलीव ही नहीं होता है। और तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है, और जैसे ही पीछे घूमकर देखता है तो उसके पीछे एबिल वहां पर खड़ा होता है। एबिल उसे कहता है, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और इतना सुनते ही इस बंदे की हालत खराब हो जाती है और एकदम से वहां से भाग जाता है। और इस तरफ रूम के अंदर एक बर्ड आता है खिड़की से और मैश को एक चिट्ठी देकर वहां से चला जाता है। अब मैश उस चिट्ठी को पढ़कर मैजिक ऑफ ब्यूरो में चला जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात मैजिक ऑफ ब्यूरो के वाइस प्रेसिडेंट के साथ होती है, इस टकलू से। और वो उसे कहते हैं कि वो उसके ऊपर एक इमरजेंसी इंक्वायरी बिठा रहा है इसी वक्त, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि मैश के पास कोई मैजिक पावर नहीं है, जो कि एक सीरियस क्राइम है इस दुनिया में। और बच्चे, तुम इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो, और तुम्हें जितना जल्दी हो सके हमें हटाना होगा। मैश अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा उस पर और
भी ज्यादा भड़क जाता है और तभी उसे एक बंदा इंटरप्ट करता है और वो बंदा मैश से कहता है, तुम में मुझे काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है और ये बंदा कोई और नहीं बल्कि डिवाइन विजनरी रायो ग्रैंड्स होता है। देखो मैश, ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, यहाँ पर कुछ रूल्स हैं और ये जो रूल्स हैं ये मेजोरिटी के हिसाब से ही एग्जिस्ट करते हैं, तो अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो तुम्हें इन रूल्स को फॉलो करना होगा और ये चीज बहुत ज्यादा सिंपल है। और फिर वो मैश के सामने एक कैंडल को रख देता है और उसे कहता है, ठीक है मैश, तो अब तुम्हें इस कैंडल को बिना टच किए जलाना है मैजिक का यूज करके। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो हम लोग मान जाएंगे कि तुम्हारे अंदर मैजिकल पावर एग्जिस्ट करती है। और ये सुनकर मैश आगे बढ़ता है और अपनी छड़ी की हेल्प से उस छड़ी को जमीन पर रख के पूरी फोर्स के साथ घुमाने लगता है और वो जो फ्रिक्शन पैदा होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि पूरा का पूरा एरिया उसके आसपास का फ्लेम्स से कवर हो जाता है और वो जो कैंडल थी वो भी जल जाती है। और ये देखने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और मैश कहता है, मैं भी उन्हीं मेजोरिटी में से आऊंगा सिर्फ अपने फिस्ट के दम। इसके बाद हमें बहुत सारे डिवाइन विजनरीज को दिखाया जाता है जो कि मेन हॉल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और ये सभी लोग मैश को पनिश करने आ रहे होते हैं उस हॉल की तरफ। और इधर मैश की तरफ मैश की बॉडी के ऊपर एक रेत का टॉर्नेडो आ जाता है और जैसे ही वो पीछे घूमता है वो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे डिवाइन विजनरीज खड़े होते हैं और इसमें से इस बंदे का नाम है ऑटर मेडल और वो उसे कहता है, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की और ऊपर से तुम ईस्टर्न मैजिक अकेडमी में हो और तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता और इन चीजों को मद्देनजर रख मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ। और ये सुनकर मैश बहुत ज्यादा शॉक में आ जाता है, भाई ये क्या, अब मैं मर जाऊंगा शेट। और तभी वहाँ पर एक बंदा जाता है जिसके शरीर से एक अलग ही तरह का ऑरा निकल रहा होता है और उसे कहता है, ये चीज तुम नहीं कर सकते इनोसेंट जीरो, और ये लड़का हमें बिलोंग करता है। और ये सुनकर मैश उसे कहता है, अबे बुड्ढे मैं किसी को बिलोंग नहीं करता। और मिस्टर ब्लेज उसे कहता है, हम ये सब मजाक नहीं कर रहे, ये मैसेज इनोसेंट जीरो की तरफ से आ रहा है, हमने एक नए पैरासाइट को इस ह्यूमन की बॉडी के अंदर डाल दिया। इस बंदे के अंदर मैगी नाम का एक पैरासाइट इम्बेड कर दिया जाता है और इस मैगी पैरासाइट का नाम सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि एक ऐसा मैजिकल पैरासाइट होता है जो कि किसी भी बंदे की बॉडी में जाकर चिपक सकता है और उसकी मैजिकल पावर के ऊपर फीड करता है और वो बंदा वही काम करेगा जो कि पैरासाइट उसे बोलेगा। और अगर कोई भी बंदा इस मैजिकल पैरासाइट को हटाने की कोशिश करता है तो ये पैरासाइट उसी बंदे के ऊपर अटैक कर देगा। और ये सब चीजें ऊपर से रियो बैठा हुआ देख रहा था और वो डिसाइड करता है कि वो नीचे आकर इस पैरासाइट को हटाएगा और हम देखते हैं कि मैश ऑलरेडी उस पैरासाइट को हटा चुका था लेकिन तभी वो पैरासाइट मैश के मुंह के अंदर घुसकर उसके पेट में चला जाता है, मैश उल्टिया कर देता है और अचानक से वो पैरासाइट बाहर निकल जाता है। और ये देखकर रियो तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है लेकिन ऑटर अभी भी अपनी बातों पर अड़ा रहता है और कहता है, अगर तुम्हें मैजिक यूज करना नहीं आता तो तुम्हें मरना होगा, यही इस वर्ल्ड का रूल है, चलो हमारे साथ। पर मैश उसे कहता है, नहीं मैं कहीं नहीं जाने वाला। और ये सब सुनकर ऑटर को बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो एकदम से मैश के पीछे जाकर अपीयर होता है और मैश को अटैक करने ही वाला होता है कि तभी रियो से रोक देता है। और तभी उस हॉल में एंट्री होती है हेडमास्टर और डिवाइन विजनरी रायन की और तभी हेडमास्टर और रायन वहां पर आ जाते हैं। अब एडल कहता है, हेडमास्टर जी आपने हम सबको यहां पर क्यों बुलाया है, आपने इस लड़के को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, आपने हमसे ये क्यों छुपाया कि ये मैजिक यूज नहीं कर सकता, इस लड़के को सजा जरूर मिलनी चाहिए। और तभी हेडमास्टर उसे कहते हैं, इनोसेंट जीरो ने पहली बार अपना कोई मैसेंजर भेजा है जिसका मतलब है कि लड़का बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और इनोसेंट जीरो को इस लड़के की जरूरत है इसलिए हम इसे नहीं मार सकते। और एडल ये सुनकर हेडमास्टर से कहता है, सॉरी सर मैं आपकी बातों को समझ तो रहा हूं पर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस इस दुनिया के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे तो इसलिए जिस लड़के के पास मैजिक नहीं है उसे हमें खत्म करना ही होगा। और तभी हेडमास्टर सबके सामने झुकते हुए कहते हैं, हां ये सच है कि लड़का मैजिक यूज नहीं कर सकता और साथ में इसका काम करने का तरीका भी बहुत अलग है लेकिन इसके पास लोगों के दिलों को जीतने का एक गिफ्ट है, मुझे पूरा यकीन है मैश जैसे लोग इस दुनिया में रहने वाले लोगों का नजरिया पूरी तरह से बदल देंगे, जिन लोगों के पास मैजिक नहीं होता था उन्हें बहुत ही नीचा समझा जाता था और मुझे ये ट्रीटमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने रूल्स के साथ साथ अपनी सोच को भी बदलना चाहिए और इसके लिए हमें बहुत हिम्मत की जरूरत पड़ेगी। और एडल से बोलता है, हेडमास्टर मैं आपकी इज्जत करता हूं लेकिन हम रूल्स को नहीं बदल सकते। और तभी रायन भी उनके सामने झुक जाता है और कहता है, मैं हेडमास्टर की बातों से पूरी तरह से सहमत हूं और मैश ने प्रूफ कर दिया है कि वो भरोसा करने के लायक है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है, पर हम देखते हैं कि कोई भी डिवाइन विजनरी इस बात के लिए नहीं मान रहा होता। और ब्लेस पीछे से कहता है, मैं भी आपकी सोच के साथ सहमत हूं, ये दुनिया भगवान ने बनाई है और ये मैजिक भी उन्होंने हमें गिफ्ट में दिया है, इसीलिए जिसके पास भी मैजिक नहीं है उसे इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। और अभी एक बिना मैजिक वाले लड़के ने मेरी जान बचाई है, मुझे पता है कि मुझे रूल्स को फॉलो करना चाहिए पर मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता है ये मेरी ड्यूटीज के खिलाफ है लेकिन इस केस का जज मैं हूं और मैं ये ऑर्डर देता हूं कि तुम लोग मैश को डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते, हो सकता है तुम लोगों को मेरा डिसीजन अच्छा ना लगे। और एडल बोलता है, ठीक है हम मैश को नहीं मारेंगे लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, पहली शर्त ये इनोसेंट जीरो के साथ तभी लड़ सकता है जब भी हमारी सुपरविजन में होगा और दूसरा मैश को प्रूव करना होगा कि ये इतना स्ट्रांग है कि ये इनोसेंट जीरो से फाइट कर सकता है और प्रूफ के तौर पर इसे इस साल एक डिवाइन विजनरी बनना
करना होगा, तो अगर अब तुम फेल होते हो तो तुम्हें मार दिया जाएगा मैश। और मैश उनकी बातों को मान जाता है और कहता है ठीक है, हेडमास्टर के विशेष को पूरा करने के लिए और अपनी जिंदगी को आराम से जीने के लिए मैं इस साल डिवाइन विजनरी जरूर बनूंगा और मैं इनोसेंट जीरो को एक ही मुक्के में मार दूंगा। और तभी मैश नीचे जमीन पर एक मुक्का मारता है जिसका प्रेशर इनोसेंट जीरो के बेस तक फील होता है। और तभी मैश अपने स्कूल आता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है और लैंस मैश से बार बार पूछ रहा होता है, मैश क्या तुम सच में मैजिक नहीं यूज कर सकते? और मैश उसे हाँ बोलता है। और तभी डॉट सभी को बाहर घूमने के लिए कहता है और थोड़ी देर बाद फिन बाहर आकर सोचने लग जाता है, शायद डॉट को मैश की चिंता होगी इसलिए उसने बाहर घूमने की बात की। और तभी वो देखता है कि डॉट एक आर्मर पहनकर वहाँ पर आ जाता है और मैश अपनी जिम की आउटफिट में आया होता है और साथ में एब्स व्हील लेकर आया होता है। और फिन सोचता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मैं नहीं जा रहा भाई इनके साथ कहीं भी। और तभी लैंस वहाँ पर आ जाता है और फिन सोचता है चले शुक्र है भाई ये तो कम से कम नॉर्मल कपड़े पहन के आया है। और तभी लैंस अपनी शर्ट फाड़ता है और उसकी शर्ट पर उसकी बहन की फोटो बनी होती है और ये तीनों अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाते हैं और ये मैश तो वर्कआउट करने में लगा होता है यहीं पे सड़क पे ही। और फिन सोचता है कहाँ फंस गया वे शिट। और अब डॉट उन्हें एक गेम खेलने के लिए लेकर जाता है और कहता है ठीक है इस गेम में हम एक कोला को गुदगुदी करेंगे और डार्ट्स भी खेलेंगे। और मैश इस चीज को ट्राई करने के लिए वहां पर चला जाता है और जैसे ही वो उस कोला को तंग करने लगता है और वो कोला छींकता है तो एक डार्ट डॉट के सिर पर आकर टकराता है और मैश इससे कहता है रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं इसे कैसे करते हैं। और हम देखते हैं कि जैसे ही वो कोला फिर से छींकता है तो एक डार्ट सीधा आकर मैश के सिर पर लगता है और ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। और तभी लैंस उन सभी को एक न्यू मैजिक वॉन्ड खरीदने के लिए वहां से लेकर जाने लगता है क्योंकि डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम जल्द ही शुरू होने वाला है। इनोसेंट जीरो के केस की वजह से ये एग्जाम जल्दी होने वाला है इस साल। और थोड़ी देर बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी वैंड्स पड़ी होती है। वहां के शॉपकीपर इनका स्वागत करता है और फिन भी एक न्यू वैंड को ट्राई करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो अपने मैजिक का यूज करके एक मैजिकल वॉन्ड को अपने पास बुलाता है। और तभी वो शॉपकीपर कहता है ये मैजिकल वॉन्ड एक टूल है जिसकी वजह से आप अपनी मैजिकल पावर को यूज कर सकते हो, ध्यान से चूज करना एक वॉन्ड तुम्हारे मैजिक को बहुत अच्छा बना सकती है। अब लैंस अपने जादू का यूज करता है और एक मैजिकल वॉन्ड को अपने पास बुलाता है। तब शॉपकीपर कहता है ये वाली तो बहुत मशहूर है, अरे वाह लड़के। और मैश को भी ट्राई करने के लिए कहता है और मैश आगे बढ़कर उसी वॉन्ड को बुलाने लगता है पर कोई भी छड़ी उसके पास नहीं आती। और तभी मैश को जमीन पर पड़ी एक छड़ी दिखाई देती है और शॉपकीपर कहता है ये छड़ी बहुत सालों से पड़ी है यहाँ पर ऐसी क्योंकि इतनी भारी है कोई आज तक इसे उठा नहीं पाया और कहा जाता है कि उस छड़ी के नीचे एक पानी बहता है और उसकी हेल्प से हम बहुत कमाल की छड़ियां बना सकते हैं पर ये सब कुछ बस एक कहानी ही है पर कोई भी इस वॉन्ड को उठा नहीं सकता, इसी के भी मैजिक एंड मसल्स में इतनी ताकत नहीं है जो कि इसे उठा सके। और ये सुनते ही फिन और डॉट मैश की तरफ देखने लगते हैं और डॉट उस शॉपकीपर से कहता है चुप अभी देख कैसे उठाता है ये, मैश हो जा शुरू। और मैश उस छड़ी को उठा लेता है और नीचे से बहुत सारा पानी आने लगता है जिससे वो शॉपकीपर हैरान रह जाता है और कहता है अरे इसके लिए थैंक यू तुम्हारा, अब ये छड़ी तुम रख सकते हो। अभी सभी लोग वहां से बाहर आ जाते हैं और तभी लेमन और टॉम भी वहां पर आ जाते हैं और ये सभी लोग बहुत मजे करते हैं, क्रीम पफ्स खाते हैं, कपड़े वगैरह लेते हैं, बहुत मजे करते हैं। और अब दूसरी तरफ हम एरिका डॉम में देखते हैं कि एडल मैक्रो नाम के एक बंदे के साथ बैठा होता है और खाना खा रहा होता है और उसे बताता है कोई है ऐसा जिसके पास मैजिक नहीं है और वो एक डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। और अब हेडमास्टर भी धीरे धीरे बूढ़े होने लग गए हैं, बुढ़ा सटिया गया है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहा तो लगता है अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैक्रोन तुम्हें इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि मैश इस एग्जाम में पार्टिसिपेट ना कर पाए। और मैक्रोन कहता है अरे ये तो बहुत अजीब बात है कि तुम मुझसे फेवर मांग रहे हो। दूसरी तरफ मैश अपने घर जाता है और मैश के फादर उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे देखकर रोने लग जाते हैं। और मैश के दोस्त भी वहां पर आ जाते हैं जिन्हें देखकर मैश के फादर और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मैंने मैश को हमेशा छुपा कर रखा, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा दिन आएगा जब मैं उसके दोस्तों को भी देख पाऊंगा। और डॉट बोलता है अरे अंकल ये मैश बहुत कमाल का है। और लेमन खुद को मैश के फियांसे के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है जिसे सुनकर उसके फादर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और लेमन बोलती है अरे अंकल चिंता मत करो हमने अभी कुछ भी फाइनल नहीं किया। और डॉट और लेंस मैश के फादर को एक गिफ्ट देते हैं और सभी लोग आपस में एंजॉय करने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। और मैश के फादर फिन से कहते हैं ये लोग तो बहुत अजीब है। और फिन कहते हैं अंकल ये थोड़े पग लेट है सबके सब, पर एक बात तो सच है मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि मैश को इतने अच्छे दोस्त मिलेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ ऐसा ही रहेगा। और दूसरी तरफ मैक्रोन और उसके साथ ही मैश की तरफ बढ़ रहे होते हैं और मैक्रोन कहता है लगता है इस मैश से अब मिलना ही पड़ेगा। और तभी उन पर तलवारों से हमला हो जाता है और रायन वहां पर आ जाता है और मैक्रोन रायन से कहता है अरे रायन तो क्या अब तुम उस मैश के बॉडीगार्ड बन गए हो? और रायन बोलता है अरे नहीं नहीं मैं तो बस यहां से गुजर रहा था और तभी मुझे तुम नजर आ गए। और इधर हम देखते हैं कि इस मैश को बाहर के बारे में कुछ पता नहीं होता कि मैक्रोन उसे मारने के लिए आ रहा है और ये लोग आपस में खेल रहे होते हैं सबके सब। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि कुछ साल पहले मिडिल स्कूल डिवीजन में 13 से लेकर 15 साल के बच्चों के बीच एक कॉम्पिटिशन हुआ था और उस टूर्नामेंट में एक अकेले मैजिक यूजर ने अपने सभी ओपोनेंट्स को हरा दिया था। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हमें पता चला कि वो लड़का सिर्फ 9 साल का था जिसका नाम था मार्गरेट मैक्रोन और अभी इस वक्त ये बंदा ऑर्काडोम का
का प्रीफेक्ट है, मतलब एक तरह से उस डॉम का रिप्रेजेंटेटिव है। अब मैक्रोन रायन को देखकर कहता है, अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं मैश के अलावा एक डिवाइन विजनरी से भी लड़ूंगा अब, वाह 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 वाह। और तब ये बंदा अपना पियानो बजाने लगता है और रायन सोचता है, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, पियानो बजा रहा है ये, पागल हो गया क्या। पर अब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और रायन अपनी तलवारों से उस पर हमला कर देता है और मैक्रोन अपनी साउंड्स की हेल्प से रायन पर हमला कर देता है और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और इधर मैश के घर में ये सभी लोग एक गेम खेल रहे होते हैं और डॉट एक डाइस को रोल करता है और उसका कैरेक्टर गेम के अंदर आगे बढ़ता है और जहाँ पर उसका कैरेक्टर रुक जाता है वहाँ पर लिखा होता है, तुम एक लड़की आगे धोखा देने वाली है। और ये सुनकर डॉट बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और रोने लग जाता है। और अब लेमन की बारी है, उसका कैरेक्टर आगे की तरफ बढ़ता है और लेमन को प्यार के जुर्म में किसी का पीछा करने के लिए पकड़ लिया जाता है और लेंस बोलता है, भाई क्या गेम है ये फालतू की, हट, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रही है। और अब लेंस अपनी बारी चलता है और देखता है कि उसका कैरेक्टर जहाँ पर रुकता है वहाँ पर लिखा होता है कि उसकी बहन बहुत ही जल्द अपना बॉयफ्रेंड लेकर आने वाली है उसके घर पर, जिससे कि लेंस बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। अब मैश की बारी आती है और उसका कैरेक्टर जहाँ पर पहुंचता है वहाँ पर लिखा होता है कि सभी को पता चल चुका है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते, इस वजह से तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा और तुम्हें मार दिया जाएगा। और ये सब देखकर किसी को भी वो बोर्ड गेम्स पसंद नहीं आती। फिन को मैश के फादर की याद आती है और मन में सोचता है, मैंने उनसे वादा किया है कि मैश हमेशा अपने दोस्तों के साथ खुश रहेगा और मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। और इस तरफ हम देखते हैं कि रायन और मैक्रोन एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और मैक्रोन रायन के आसपास बहुत सारे साउंड वेव्स को लेकर आता है और कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अटैक नहीं करता क्योंकि ये चीजें तुम्हारी स्पेल कास्टिंग की वजह से फट जाएंगी, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे मैश के पास जाने दो। और तभी रायन उसे कहता है, वो एक बेशरम लड़का है, वो इतना ज्यादा बेशरम है कि उसने मुझे कहा है कि वो बिना मैजिक के एक डिवाइन विशनरी बनेगा और इस दुनिया के सोचने का तरीका चेंज कर देगा। और रायन की पावर धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है और इस तरफ शॉन नाम का एक बंदा हेडमास्टर से कहता है, अरे सर वो रायन और मैक्रोन लड़ रहे हैं आपस में। और ये सुनकर हेडमास्टर उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, रायन के पास दो नहीं बल्कि तीन लाइन्स है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और तभी हम देखते हैं कि रायन के चेहरे पर एक और लाइन आ जाती है जिसे देखकर मैक्रोन एक्साइटमेंट में रोने लग जाता है और रायन कहता है, मैश इस दुनिया की सोच बदलना चाहता है तो मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि वो बेवकूफ लड़का एक डिवाइन विजनरी जरूर बने। और हम देखते हैं कि मैश फिर से उस गेम को खेलने लग जाता है और इसे फिर से सेम वार्निंग आ रही होती है और मैश बाहर टहलने चला जाता है और उसके दोस्तों को लगता है कि शायद मैश उदास हो गया है गेम खेलने की वजह से। और हम देखते हैं कि मैश भागते भागते घर से दूर जाता है और एक बड़ा सा क्रीम पफ निकाल लेता है और कहता है, मैं स्पेशल क्रीम पफ को सबके सामने नहीं खा सकता था, अब मैं इसे अकेला ही खाऊंगा, कितना बड़ा है ये। और तभी उसे रायन और मैक्रोन दिखते हैं जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और मैक्रोन सोचता है, ट्रिपल लाइनर्स तो गॉड के द्वारा चूज किए गए हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने किसी ऐसे इंसान को ढूंढ लिया जिसने मेरी एज में ही इस तीसरी लाइन को हासिल कर लिया हो। पर कुछ भी हो जाए ये बिना बोले तो अपने किसी भी स्पेल को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, पर जैसे ही ये कुछ बोलेगा तो मेरे साउंड वेव्स इससे टकरा जाएंगे और फट जाएंगे। और रायन उसे कहता है, तुम्हें लगता होगा कि मैश खुद को कोसेगा कि उसके पास मैजिक नहीं है, पर ऐसा नहीं है, मैश बहुत ज्यादा बहादुर है और बिना मैजिक यूज करते हुए भी बहादुरी से सबका सामना करता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसा कोई चूजा इस बात को समझ पाएगा। और वो रायन के ऊपर साउंड ऑर्केस्ट्रा नाम के एक अटैक का यूज करके उस पर हमला करता है और इस तरफ हेडमास्टर उसे बताता है कि थ्री लाइंस उनके पास होती हैं जिन्हें गॉड ने पर्सनली चूज किया होता है डिवाइन विजनरी बनने के लिए, और इन ट्रिपल लाइनर्स के पास डबल लाइनर वालों से बहुत ज्यादा ताकत होती है और ये अपनी एक ट्रू फॉर्म को भी अवेक कर सकते हैं। और अब इसके बाद रायन अपनी ट्रू फॉर्म को अवेक कर देता है और मार्गरेटे के अटैक को खत्म कर देता है और ये देखकर मार्गरेटे शॉक रह जाता है, क्या इसने मेरा अटैक रोक दिया। अब रायन बोलता है, समन एरीज, और उसकी छड़ी का फॉर्म चेंज होने लग जाता है और ये देखकर मार्गरेटे शॉक रह जाता है और कहता है, ये क्या हो रहा है, इसकी छड़ी का फॉर्म चेंज कैसे हो रहा है। और अब रायन बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है और मार्गरेटे के ऊपर अपने अटैक से हमला करता है और उस अटैक से बचने के लिए मार्गरेटे को एक साउंड शील्ड लगानी पड़ती है, पर इतना भी काफी नहीं था, रायन का अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जमीन में भी एक बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है और अब रायन की ट्रिपल लाइन गायब हो जाती है और ये सब कुछ मैश देख लेता है। अब मार्गरेटे बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और अपने घायल साथियों को लेकर वहां से भाग जाता है। अब अगले सीन में हम लोग फिन को देखते हैं जिसके पास अब तीन कॉइन्स आ चुके हैं क्योंकि मैश को जो कॉइन्स मिले थे लैंगडॉम को हराने के बाद उसने उन कॉइन्स को अपने दोस्तों में बांट दिया था तीन तीन की डिवाइडेशन में, जिससे कि अब उसके दोस्त भी सिलेक्शन एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि फिन बहुत ज्यादा डरा होता है एग्जाम को लेकर और दूसरी तरफ लेंस भी अपनी बहन के लिए इस सिलेक्शन एग्जाम को जीतने के बारे में सोचता है। और इस तरफ ये डॉट को रात को नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है इस गेम के लिए। और अब इसके बाद हम मैश के फादर को देखते हैं और वो मैश से कहते हैं, मैंने तुम्हारे दोस्तों से सुना, सभी को पता चल गया कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते और अगर तुम स्कूल की डिमांड्स को पूरा नहीं करोगे तो वो तुम्हें पनिशमेंट भी देंगे, मुझे माफ कर देना मैश, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। और मैश उनसे कहता है, नहीं डैड आप चिंता मत कीजिए, ये आपकी वजह से नहीं हुआ, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा, मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डिवाइन विजनरी बनने के लिए तीन एग्जाम्स होते हैं, पहला स्टेज होता है कॉइन्स को एक्वायर करना, दूसरा है डिवाइन विजनरी कैंडिडेट एग्जाम और तीसरा है डिवाइन विजनरी इलेक्ट एग्जाम, और एक स्टूडेंट को पांच या पांच से ज्यादा गोल्ड कॉइन्स चाहिए होते हैं सेकंड स्टेज पर जाने के लिए। लेकिन
क्योंकि इस बार इनोसेंट जीरो ने बीच में आकर दखल अंदाजी कर दी थी, इसलिए अब ये एग्जाम्स थोड़ी जल्दी हो रहे थे। और अब सेकंड स्टेज पर जाने के लिए सिर्फ 3 कॉइन्स की जरूरत होती है। और इस तरफ हम डॉट और फिन को भी देखते हैं जो कि इस एग्जाम वाले टूर्नामेंट पे पहुंच चुके हैं और ये बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। और लेंस और मैक्रोन भी वहां पर आए होते हैं और इन दोनों के पास ही 5-5 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। अब मैश भी एरिना में जाने लगता है और मैश के पास इस वक्त 7 गोल्ड कॉइन्स होते हैं और एरिना की तरफ ही जा रहा होता है। और तभी उसके सामने ओटर वहां पर आ जाता है और ओटर उसे कहता है, मेरी बात मान लो मैश, ये दुनिया तुम्हारी एग्जिस्टेंस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुम्हें यहाँ से चला जाना चाहिए। पर मैश उसे कहता है, मैं अपनी फुल पावर लगाऊंगा और सभी को हरा डालूंगा। और ऐसे बोलने के बाद वो स्टेडियम में आ जाता है और मैश को देखकर स्टेडियम में मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं, अरे ये तो वही है ना जो मैजिक नहीं यूज कर सकता, ये इधर क्या कर रहा भाई, अबे ओ घर भाग, ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं। और बाकी के कंटेस्टेंट्स भी मैश का मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर अब सोचने लगता है, भाई साहब ये मैश तो बहुत ज्यादा नर्वस हो गया होगा, इतनी सारी गालियां पड़ रही है, मुझे जाकर मोटिवेट करना चाहिए। और जैसे ही वो मैश के पास आता है तो वो देखता है कि मैश ऑलरेडी बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुका है और कहता है, मुझे घर जाना है। अब तीनों डॉम के सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं और एग्जाम में टोटल 12 कैंडिडेट्स होते हैं। और अब अनाउंसर बोलती है, तो ठीक है, गेम का नाम एलिमिनेशन है और ये एक डू और डाई सिचुएशन है। रूल्स बहुत ही सिंपल है, तुम्हें बस अंदर जाकर एक छुपी हुई चाबी को ढूंढना है और एस्केप करना है, लेकिन ये चाबी एक बैलून के अंदर है और तुम्हें इस बैलून को फोड़कर इसके अंदर की चाबी को लेकर बाहर आना है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हारे पीछे बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स पड़े होंगे। और ये सुनकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है, क्या यहाँ पे मॉन्स्टर्स है भाई, शेट। अब इनके सामने कुछ मिरर्स आ जाते हैं और ये मिरर्स उन सभी की लोकेशन को दिखाएंगे, तो अब कोई भी बंदा यहाँ पर चीटिंग नहीं कर पाएगा। अब गेम शुरू हो जाती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। फिन बहुत ज्यादा डरा होता है, मुझे घर जाना है। अब इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि आराम से चल रहा होता है और तभी एक मॉन्स्टर वहां पर आ जाता है, उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बंदा उस पर मैजिक यूज करने की कोशिश करता है लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि इन मॉन्स्टर्स के ऊपर मैजिक का कोई भी असर नहीं होता। अब वो मॉन्स्टर उस स्टूडेंट पर अपने वेपन से हमला कर देता है और तभी हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट स्टेज पर वापस आ जाता है, जिसका मतलब है कि वो अब डिस्क्वालीफाई हो चुका है और अब इस गेम में सिर्फ 11 लोग बचे हैं। अब हम डॉट और लेंस को देखते हैं जो कि की ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो उन्हें की नहीं मिल रही होती। और तभी हम मैश को देखते हैं जो कि एक मॉन्स्टर के सामने आकर उसे एक बहुत जोर का पंच मारता है और ये देखकर सारी की सारी ऑडियंस हैरान रह जाती है और मैश उस मॉन्स्टर को एक ही पंच में मार देता है। और मैश मन में सोचता है, ठीक है तो अब मुझे बस वो की ढूंढनी है। लेकिन तभी मैश देखता है कि वो मॉन्स्टर फिर से उड़ जाता है। दरअसल ये मॉन्स्टर से जिंदा नहीं होते और ये जितना मर्जी डैमेज ले सकते हैं, ये खुद को इंस्टेंटली हील भी कर सकते हैं और कभी मरते भी नहीं। अब मैश की फट जाती है और वहां से भागने लगता है और तभी एक बंदा वहां पर आकर मैश के ऊपर अपना मैजिक यूज करता है और मैश को बहुत छोटा बना देता है साइज में। और मैश मन में बोलता है, ये क्या हुआ, मैं तो छोटा हो गया। और तभी वो बंदा उसके सामने आता है और मैश को बताता है, हेलो मैश, मैंने तुम पर अपना जादू यूज किया है, घबराना मत बिल्कुल भी, इस तरफ आ जाओ। और वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है और वो बंदा मैश को बताता है, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं मैश, तुम्हारे पास मैजिक नहीं है और तुम फिर भी इतनी बहादुरी से इतने अच्छी तरह से लड़ते हो, सच में मैं तुमसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं। हां और सुनो, वो जो मॉन्स्टर्स है ना, वो आवाज को सुन सकते हैं लेकिन वो किसी को देख नहीं सकते। और वो बंदा अपने मैजिक का यूज करके वापस से उनको बड़ा कर देता है। अब वो बंदा उसे बताता है कि शायद से वो जो की है वो शायद उसी जगह पर है जहां पर वो मॉन्स्टर घूम रहा है, उसी के आसपास है। पर मैश को ये सब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और उसके ऊपर से जा रहा होता सब कुछ। और मैश उसे कहता है, क्या तुम सिंपल भाषा में मुझे बता सकते हो प्लीज। और वो बंदा कहता है, ठीक है यार, अरे सिंपल भाषा में बता तो तुम्हें बस उस मॉन्स्टर का पीछा करना है। और मैश इस बात के लिए मान जाता है। और इस तरफ डॉट के पीछे एक मॉन्स्टर पड़ा होता है और लेंस के सामने भी एक चीज आ जाती है और लेंस सोचता है, ठीक है यही तो नहीं है क्या वो चीज, यही होगी शायद। और इस तरफ हम मैश और उस बंदे को देखते हैं जो कि टिपटो करते हुए वहां से जा रहे होते हैं चुपचाप। और तभी मैश का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो गिरने वाला होता है लेकिन किसी न किसी तरीके से खुद को बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि मैश को वो बैलून दिख जाता है और वो लोग उस बैलून के पास पहुंच जाते हैं और वो सोचता है कि शायद ठीक है इसी के अंदर है वो चाबी शायद। और मैश को एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि इस बैलून के अंदर अब वो बहुत सारी हवा भरेगा जिससे कि ये बैलून फट जाएगा बहुत ज्यादा हवा की वजह से। और वो जैसे ही उसके अंदर हवा भरने लगता है तभी एक हॉर्न बजता है और ये हॉर्न सुनकर वो मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाते हैं फिर से। और ये दोनों जैसे तैसे उससे बचकर एक जगह पर आकर रुक जाते हैं और समझ जाते हैं कि अगर वो लोग उस बैलून को टच करेंगे तो उसमें से एक आवाज आएगी जो कि उन मॉन्स्टर्स को बुला लेगी उनकी तरफ। और अब मैश उस बैलून के ऊपर ही कूद जाता है उसे फोड़ने के लिए लेकिन वापस से उसके अंदर से एक आवाज निकलती है और वो मॉन्स्टर फिर से इनका पीछा करने लग जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये लोग बैलून को टच नहीं कर सकते। और वो बंदा अपने मैजिक का यूज करके उस बैलून के साइज को बढ़ा देता है और ये देखकर पूरी की पूरी ऑडियंस को कुछ समझ नहीं आता, अभी ये क्या कर रहा है भाई, इसने तो इसे और बड़ा कर दिया, अब तो इसमें और भी ज्यादा हवा आ सकती है, अब तो फटेगा ही नहीं कभी। और तभी मैश को देखते हैं जो कि ब्रेक डांस करने लगता है और काफी जोर जोर से घूमने लग जाता है जिससे कि वहां पर एक तूफान आ जाता है और ये देखकर सभी लोग कहने लग जाते हैं, अरे भाई ये क्या है, पागल वागल है ये, डांस कर रहे हैं यहाँ पे ये। दरअसल मैश की प्लानिंग ये होती है कि पहले ये जो बंदा है, इस बंदे का नाम मैक्स है, ये पहले इस बैलून के साइज को बढ़ा देगा अपने मैजिक का यूज करके, ठीक है, और उसके बाद मैश गोल गोल घूम के उस बैलून के अंदर हवा भरेगा और उस बैलून के अंदर काफी ज्यादा हवा भरने की वजह से वो बैलून फूट जाएगा और वो बैलून फूट जाता है और उसके अंदर से वो चाबी बाहर निकलकर मैश के हाथों में आकर गिर जाती है और इन्हें ये चाबी मिल जाती है। और दूसरी तरफ लेंस अपने
ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उस बैलून को हवा में उड़ा देता है और वापस से अपने मैजिक का यूज करके उस बैलून को बहुत तेजी से नीचे की तरफ फेंकता है, जिससे कि उस बैलून में हवा भर जाती है और वो बैलून फट जाता है। और लेंस को भी वो की मिल जाती है और दूसरी तरफ डॉट को भी वो चाबी मिल जाती है, मार्गरेटे को भी और बाकी कुछ कंटेस्टेंट्स को भी, लगभग सभी को वो चाबी मिल जाती है। लेकिन तभी हम फिन को देखते हैं जिसे चाबी नहीं मिली होती अभी तक और काफी ज्यादा डिस्प्रेशन में बैठा होता है। और वो बंदा मैश से कहता है, ठीक है मैश अब तुम जा सकते हो, तुम्हें चाबी मिल गई। लेकिन मैश उसे वो चाबी दे देता है और कहता है, ये लो ये चाबी सिर्फ मुझे तुम्हारी वजह से ही मिल पाई थी, इस पर पहला हक तुम्हारा है मेरे दोस्त। और ये सुनकर वो बंदा मैश से कहता है, मैश तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये चाबी तुम ही रखो मेरे दोस्त। और अब मैश उस चाबी को लेकर वहां से जाने लगता है और जाते जाते उसे शुक्रिया कहता है। और जैसे ही मैश वहां से जाता है तभी एक और बंदा वहां पर आकर मैक्स पर हमला कर देता है और मैक्स भी इस बंदे को पहचान जाता है। अब इस तरफ स्टेडियम के अंदर बहुत सारे लोग चाबी लेकर आ चुके हैं और मैश भी वहां पर आ जाता है। और तभी अचानक से गेट खुलता है और अब इस गेट में से जो भी बंदा बाहर निकलेगा वही फाइनल कंटेस्टेंट होगा। और तभी मैक्स वहां पर आ जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होता है और खूनम खून हो रखा होता है। मैश उसे संभालने के लिए आगे बढ़ने लगता है लेकिन तभी मैक्स नीचे गिर जाता है और पीछे से कारपाकियो वहां पर आ जाता है और अब ये मैक्स को मारकर फाइनल कंटेस्टेंट बन जाता है। और तभी कारपाकियो मैक्स के सिर पर अपना पैर रख देता है और कहता है, मुझे कमजोर लोगों से नफरत है, तुम एक यूजलेस हो, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए। और मैश कारपाकियो को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और कहता है, अगर तुम अभी इसी वक्त यहां पर नहीं रुके तो मैं तुम पर एक मुक्का मार के तुम्हें खत्म कर दूंगा, समझे तुम। और फिर उसे पहचान जाता है कि कारपाकियो है इस साल का टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट और लेंस की तरह ही ये बंदा भी एक एलीट स्टूडेंट है। और तभी एक लड़की वहां पर आती है और कारपाकियो को एक ड्रिंक लाकर देती है और कारपाकियो उस ड्रिंक को मैश के ऊपर गिरा देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैश उस पानी को एक बॉटल के अंदर डाल देता है और उसके अंदर प्रोटीन पाउडर डालकर पी जाता है। सही है भाई मैश, प्रोटीन पहले। और मैश उसे कहता है, माफ करना दरअसल प्रोटीन पीने का टाइम हो गया था। अब कारपाकियो उसके बहुत पास आ जाता है और उससे फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी अनाउंसर अगले गेम का अनाउंसमेंट कर देती है और अब आसमान में अलग अलग तरह की शेप्स गिरने लग जाती है, एक स्टार, एक दिल और एक डायमंड, और उन सभी के पास अलग अलग तरह के कपड़े आ जाते हैं। और अनाउंसर बोलती है, तुम्हारे अगले एग्जाम का नाम है लाइफ क्रिस्टल, ये एक टीम बैटल होने वाली है, हर एक टीम के अंदर तीन तीन मेंबर्स होंगे और अब क्योंकि 9 कैंडिडेट्स बचे हुए हैं तो आप सभी को तीन तीन की टीम्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, हर एक मेंबर को एक एक क्रिस्टल मिलेगा और तुम्हारा काम है दूसरी टीम के क्रिस्टल्स को तोड़ना, और जब किसी टीम के सारे क्रिस्टल्स टूट जाएंगे तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। पर मैश को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, ये बोल क्या रही है ये, वो पागल होने लगता है। और ये सुनकर डॉट गुस्सा हो जाता है उस अनाउंसर पर और उसे कहता है, अरे ओ ठीक से समझा ले, हमारे कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से बोलो। और फिन और डॉट मैश को समझाते हैं, मैश भाई हमें बस तोड़ना है उन क्रिस्टल्स को। और तभी हम देखते हैं कि मैश के हाथों से वो क्रिस्टल फिसल कर नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। और ये देखकर फिन बहुत ज्यादा पागल हो जाता है और सोचता है, चलो कोई बात नहीं अभी डॉट और मेरे पास भी तो बचा है क्रिस्टल। और तभी वो देखता है कि डॉट के हाथों से भी वो क्रिस्टल नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। अब फिन ये देखकर बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि अब सिर्फ उसी का क्रिस्टल बचा हुआ था। अरे शिट यार, अगर ये टूट गया ना फिर तो गए हम, हार जाएंगे हम। और ये सुनकर मैश और डॉट उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, और उसे एक थम्स अप का साइन देते हैं। अब एग्जाम शुरू हो जाता है और उन्हें सभी को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। और अब फिन सोचने लग जाता है, भाई क्या मजाक है ये तो टीम मैच था, अलग अलग कर दिया हमें, अब ये चीटिंग है भाई, मैं तो अकेला रह गया यहाँ पे। और डॉट भी इस तरफ बहुत ज्यादा टेंशन में होता है और सोच रहा है, भाई शिट यार मेरे को फिन को ढूंढना पड़ेगा, उसी के पास से वो क्रिस्टल एक। और तभी फिन को लड़ने की आवाज आती है और सामने जाकर देखता है कि कारपाकियो एक बंदे को पीट रहा होता है और कारपाकियो खुद को चाकू मार रहा होता है, पर दर्द इस बंदे को हो रहा होता है। अब उसका ओपोनेंट हार जाता है और कारपाकियो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और वहां से जाने लगता है। अब फिन अपने सामने देखता है कारपाकियो को और सोचता है, भाई मैं यहां से भाग नहीं सकता क्योंकि अगर वो भागेगा तो उसकी आवाज सुनाई दे जाएगी कारपाकियो को और ये बंदा इसे पकड़ लेगा फिर। और अब फिन एक दीवार बनने की कोशिश करता है और अपने मैजिक का यूज करके दीवार के साथ बिल्कुल कैमोफ्लेज कर देता है और वापस से चेक करता है और देखता है कि कारपाकियो वहां से जा चुका है। लेकिन तभी अचानक से कारपाकियो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उससे कहता है, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। अब फिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है उसे देखकर और कहता है, मैं एक दीवार हूँ। और तभी कारपाकियो के पीछे एक गॉड की मूर्ति आ जाती है, ये देखकर फिन बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है, अरे मुझे माफ कर दो यार, सॉरी। और कारपाकियो से कहता है, अरे फिन मेरे दोस्त चिंता मत करो, बस वो क्रिस्टल मुझे दे दो। लेकिन फिन उसे वो क्रिस्टल देने से मना कर देता है और कहता है, नहीं मैं तुम्हें नहीं दे सकता, इस क्रिस्टल में मैश का फ्यूचर बसा हुआ है, मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगा। पर अचानक से फिन के ऊपर एक हमला होता है और उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से कहीं पर जा रहा होता है और तभी फिन अपने मैजिक का यूज करता है और कारपाकियो एक जगह से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरी जगह पर आ जाता है और फिन इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। फिन वहां से भाग रहा होता है कि तभी उसके पैर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी कारपाकियो वहां पर आ जाता है और उसके उसी पैर पर लात रख देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी से वो क्रिस्टल मुझे दे दो। और तभी हम देखते हैं कि कारपाकियो खुद की गर्दन को काटने वाला होता है और ये अब दर्द फिन को होगा ना कि इस बंदे को। और हम देखते हैं कि फिन अभी भी इसके अटैक्स को सहन कर रहा होता है, उसे बहुत ज्यादा पेन महसूस हो रहा होता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता। और तभी मैश वहां पर आ जाता है और कारपाकियो के सिर को
पकड़कर उसे दीवार में देकर मारता है। वो उस पर हमला करता है लेकिन उसका जो डैमेज होता है वो मैश को खुद ही लग रहा होता है। और अब कारपाकी उसे बताता है, मैं जो भी डैमेज लेता हूँ मेरा मैजिक उस डैमेज को अपने ओपोनेंट के ऊपर ही ट्रांसफर कर देता है। और अब वो अपने पैर के ऊपर एक हमला करता है जिससे कि मैश के पैर पर चोट लग जाती है और कारपाकी की चोट अपने आप ही हील जाती है। और बताता है, मुझे जितना भी दर्द होता है मेरी छड़ी उसे अपने आप ही एब्जॉर्ब कर लेती है। अब मैश एक बहुत ही पावरफुल सा मुक्का बनाता है और उसे मारने लगता है। मैश लगातार उस पर मुक्के मार रहा होता है पर इन सभी का डैमेज मैश को ही लग रहा होता है। और मैश सोचता है कि अगर वो ऐसे ही उस पर मुक्के मारता रहेगा तो वो उसकी हीलिंग स्पीड को बाईपास कर सकता है। और हम देखते हैं कि उस स्टैचू के अंदर अब क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं और मैश और भी ज्यादा पंचेस मारने लगता है उस पर। और कारपाकी भी ये देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, भाई ये कैसे हो सकता है, क्रैक कैसे आ रहे हैं, क्या मेरे स्टैचू की कोई लिमिट है क्या, मुझे तो पता ही नहीं था। अब मैश बहुत जोर से उस पर एक मुक्का मारता है और हम देखते हैं कि उस मूर्ति के अंदर अब बहुत सारे क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं और कारपाकी भी नीचे गिर जाता है। पर अब हम देखते हैं कि वो स्टैचू और भी ज्यादा पावर अप होने लगता है और अब उस मूर्ति के पास बहुत सारे इंजेक्शन आ जाते हैं। और कारपाकी कहता है, मैं जितना ज्यादा सहन करता हूँ ये मूर्ति उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती जाती है। और वो मूर्ति मैश के ऊपर अपने बहुत सारे इंजेक्शन से हमला कर देती है पर मैश उन्हें बहुत इजीली डॉज कर रहा होता है। अब कारपाकी मैश से कहता है, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है तुम्हारे साथ लड़ने में। और हम देखते हैं कि मैश उसके सभी इंजेक्शन से बच रहा होता है और मैश अपनी पॉकेट से आयरन वाली छड़ी को बाहर निकालता है और उस आयरन वॉन्ड को एक टेनिस रैकेट में बदल देता है और एक बॉल बनाकर उस रैकेट की हेल्प से उस स्टैचू के मुंह पर मारता है। वो बॉल अब मैश के पास वापस आने लगती है लेकिन तभी मैश अपने रैकेट को फेंक देता है उसकी तरफ और उस स्टैचू के मुंह पर मार देता है। और ये देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा शॉक हो रही होती है। और अब जैसे ही वो बॉल स्टैचू पे लगती है तो वो स्टैचू पूरी तरह से टूट जाता है। ये देखकर कारपाकी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, ये तो इम्पॉसिबल है भाई, ये थोड़ी हो सकता है, ये क्या मजाक है। और मैश उसे बोलता है, तुम्हें जानना था ना कि दर्द कैसा होता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और मैश उस रैकेट को बहुत जोर से उस कारपाकी के सर पर देकर मारता है और उसे हरा देता है। और अब कारपाकी सोच रहा होता है, हमें बहुत डिफरेंस है, मैं मैश से नहीं जीत पाया। और अब मैश फिन को अपने कंधे पर उठाता है और वहां से चला जाता है। अब इसके बाद हम मारग्रेटे को देखते हैं जो कि कुछ लोगों के सामने आता है और वो दोनों भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों में एक फाइट होनी शुरू हो जाती है। मार्गरेट उन सभी से कहता है, चुपचाप अपने क्रिस्टल्स मुझे दे दो, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते और यहाँ से चुपचाप निकल लो। और वो कंटेस्टेंट्स उससे कहते हैं, एडवांटेज तो हमारे ही पास है, तुम एक हो और हम दो हैं, तुम नहीं बच पाओगे। और ऐसा बोलने के बाद वो लोग मार्गरेटे के ऊपर हमला कर देते हैं और एक कॉम्बिनेशन अटैक यूज करते हैं और तभी मार्गरेटे अपने मैजिक का यूज करके उनके अटैक को काउंटर कर देता है और उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उसका अटैक उन दोनों को भी लगने लग जाता है। लेकिन वो लोग एक शील्ड बनाते हैं और उसके अटैक से बच जाते हैं। और ये लोग सोच रहे होते हैं, हम दो लोग हैं और ये अकेला और इतना बेसिक सा स्पेल यूज करके हमें हराने की कोशिश कर रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई। और मार्गरेटे उनकी शील्ड को तोड़कर उन्हें पीछे धकेल देता है और अब ये लोग अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पाते और नीचे पड़े होते हैं जमीन पर। मार्गरेटे उनके पास आता है और उनके क्रिस्टल को उठाकर कहता है, तुमने अच्छी फाइट की, मैं काफी इंप्रेस हुआ। और ऐसा बोलकर वो उस क्रिस्टल को तोड़ देता है और तभी अनाउंसर इस एग्जाम को खत्म करती है और कहती है, एक टीम ड्रॉप आउट हो चुकी है, ये एग्जाम यहीं पर ओवर होता है। और तभी डॉट सोच रहा होता है, भाई मैं तो बिना कुछ किए जीत गया, ये कैसे हो गया भाई। और ये सभी लोग वहां से बाहर आ रहे होते हैं और मैश और डॉट बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और डांस कर रहे होते हैं, ये कैसे डांस है भाई। और अब डॉट मैश का इंटरव्यू भी लेने लगता है और उसे कहता है, तो कैसा लग रहा है मैश आपको, आप इस एग्जाम को जीत चुके हो। और मैश बोलता है, मुझे क्रीम पफ खाना है। और ये सुनकर डॉट उसे कहता है, अरे सर क्या हो गया आपको, कुछ तो बोले यार, आप जीते हो इस मैच को। और अब फाइनल एग्जाम शुरू हो जाता है और इस एग्जाम के अंदर 1-on-1 बैटल्स होने वाली है। रूल्स बहुत ही सिंपल है, अगर आपका ओपोनेंट बेहोश हो जाता है या फिर हार मान लेता है तो आप जीत जाओगे। अब अनाउंसर बोलती है, तो ठीक है, पहला मैच होने वाला है मैश जिसके पास 7 गोल्ड कॉइंस है और इसका ओपोनेंट होने वाला है मार्गरेटे जो कि ऑर्कडोम से है और इसके पास 5 गोल्ड कॉइंस है। सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं इस मैच को लेकर और मार्गरेटे मैश से कहता है, अब भी मौका है, तुम यहां से जा सकते हो मैश, तुम मेरे सामने 2 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। और अब अनाउंसर इस मैच को स्टार्ट करने ही वाली होती कि तभी मैश उस अनाउंसर को रोकता है और बोलता है, 1 मिनट रुकना, मुझे जरा क्रीम पफ खाना है। और अब देखा देखी में मार्गरेटे भी एक सॉसेज निकालता है और उसे चटनी में डुबा कर खाने लग जाता है। और ये देखकर मैश उसे कहता है, तुम बहुत ज्यादा चटनी लगा रहे हो, ऐसा करोगे तो उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। मार्गरेटे उसे कहता है, अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला। और डॉट सोच रहा होता है अपने मन में, ये जितने भी ताकतवर लोग होते हैं इतने अजीब क्यों होते हैं। पर मैश और मार्गरेटे एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मार्गरेटे अपनी फुल मैजिकल पावर का यूज करने लगता है। और इधर हम देखते हैं कि फिन अचानक से ही बीमार पड़ने लग जाता है मार्गरेटे के अटैक की वजह से और लैंस उसे बताता है कि फिन शायद इसीलिए बीमार पड़ रहा है क्योंकि मार्गरेटे की जो मैजिकल पावर है वो कुछ ज्यादा ही है और अब ये फिन को भी अफेक्ट कर रही है। और हमें पता चलता है कि जो मार्गरेटे की जो पावर है ये किसी डिवाइन विजनरी जितनी स्ट्रांग है। और मैश दौड़कर मार्गरेटे की तरफ ही जा रहा होता है और तभी वो मैश के ऊपर एक बहुत खतरनाक सी बॉल से हमला करता है और ये बंदा बेसिक मैजिक ही यूज कर रहा होता है लेकिन फिर भी इसका अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और मैश उस अटैक को अपने हाथों से रोकने की कोशिश करता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को हनीकिन एप्लीकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं जिससे कि आप बहुत इजीली मनी जनरेट कर सकते हो और इस ऐप पर आप क्रंचीरोल, स्पॉटिफाई और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस भी ले सकते हो। आपको बस इस हनी गेम ऐप को इंस्टॉल करना है और इस पर साइन अप करके बस इसे चलने देना है और ये आपको अपना इंटरनेट यूज करने के बदले में पैसा देगा जिसका मतलब है कि आप दिन भर मेरी वीडियो देखो और इससे आप पैसा भी जनरेट कर पाओगे। तो हो गए ना भाई मजे ही मजे। और
हाँ, ये कोई फेक ऐप नहीं है और ना ही ये आपकी कोई प्राइवेसी वगैरह लीक करने वाला है। और अगर आप और भी ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो बस अपने दोस्तों को इस ऐप को रेफर कर दो। और अगर इंस्टेंटली $3 कमाना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको बस वहां पर जाना है और इस ऐप को डाउनलोड करना है वहां से, जहां पर आप मेरा प्रोमो कोड एनीमिटी का यूज करके डायरेक्टली $3 का बोनस कमा सकते हो। तो भाई किस चीज का वेट कर रहे हो, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर डाउनलोड करो और ढेर सारा पैसा कमाओ। और वीडियो पर वापस आते हैं, पर मैश फील करता है कि अटैक बहुत ही ज्यादा भारी है और मैश उस अटैक को नहीं संभाल पा रहा होता और मैश पीछे जाने लगता है और पीछे जाकर एक दीवार से जोर से टकरा जाता है। ये देखकर उसके दोस्त बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जैसे ही धुआं हटता है तो हम देखते हैं कि मैश तो वहां पर होता ही नहीं है और मैश पीछे से अचानक से आकर मार्गरेटे को पकड़ लेता है। और ये देखकर मार्गरेटे भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और मैश उसे पकड़कर हवा में छलांग लगा देता है और स्पाइन मैजिक बोलकर उसे जमीन पर पटकने लग जाता है ताकि ऐसा लगे लोगों को कि इसके पास मैजिक है, लेकिन मैश के पास कोई मैजिक पावर नहीं है और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये देखकर ऑडियंस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और सभी लोगों को लगता है कि मैश इस मैच को जीत गया है। और अब डॉट लैन से पूछता है, ओ भाई क्या चल रहा है यार, ये मैच बच कैसे गया, मुझे तो लगा था ये मैच दीवार से टकरा गया और खेल खत्म हो गया। और लैंस उसे बताता है कि ये जो मैच था ये पीछे की तरफ दौड़ रहा था क्योंकि मैच को रियलाइज हो गया था कि वो मार्गरेटे के अटैक को नहीं रोक पाएगा, तो इससे पहले कि वो दीवार से टकरा जाता वो उस अटैक से ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ दौड़ने लगा जिससे कि वो उसके अटैक से बच पाया। और धुआं हटने के बाद हम लोग देखते हैं कि मार्गरेटे अभी भी जिंदा है और उसे कोई हल्की सी खरोंच तक नहीं आई है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और मार्गरेटे खड़ा होता है और मैश से कहता है, ये तो बस एक शुरुआत थी। और हमें पता चलता है कि इस मार्गरेटे ने नीचे गिरने से पहले अपने मैजिक का यूज करके एक कुशन टाइप कुछ बना लिया था जिससे कि वो बच गया था। और मार्गरेटे मैश के ऊपर हमला कर देता है और मैश भी बहुत तेजी से दौड़कर उसके अटैक से बच रहा होता है और उसके सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। अब मैश फुर्ती दिखाता है और बहुत तेजी से मार्गरेटे के पीछे आ जाता है बिल्कुल, और उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी मार्गरेटे उसे देख लेता है और मैश पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी वो रुक जाता है। ये देखकर सभी लोग सोचने लग जाते हैं, अबे ये क्या, ये रुक क्यों गया भाई। और मार्गरेटे मैश से कहता है, एक मिनट मैश, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, है ना मैश। और मैश उसे बोलता है, हाँ दरअसल मैं इस क्रीम पफ को प्रोटेक्ट कर रहा था, मुझे क्रीम पफ बहुत प्यारे हैं, अपनी जान से भी प्यारे। और मार्गरेटे उसे कहता है, मैश भाई रख दो यार अभी से, बाद में खा लेना, अभी हमारी फाइट पे ध्यान दो। और मैश उसकी बात मान जाता है और उस क्रीम पफ को दे देता है। और मार्गरेटे सोचता है, ठीक है अब मजा आएगा ना, तुम उससे अपनी फुल पावर में लड़ सकते हो। ये सुनकर ऑडियंस बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और मार्गरेटे कुछ मैजिकल नोट्स का एक मुक्का बनाता है और मैश को मारता है। और मैश भी काउंटर अटैक में एक मुक्का बनाता है और उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन मार्गरेटे का अटैक मैश के हाथ के आर पार हो जाता है और सीधा मैश को जाकर लगता है जिससे कि मैश के कान के पर्दे पड़ जाते हैं। और मार्गरेटे उसे कहता है, तुमने मेरे अटैक को हल्के में ले लिया मैश, मुझे पता था तुम ये गलती जरूर करोगे। और मैश के कान के पर्दे फट चुके थे और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो ये बोल रहा होता है। मार्गरेटे उसे, ये क्या बकबक कर रहे हो, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और मार्गरेटे उस पर और भी हमले करने लगता है और मैश को भी उन अटैक्स को रोकने में बहुत दिक्कत आ रही होती है और उसकी हालत भी बहुत बुरी होने लग जाती है। और मार्गरेटे एक और अटैक का यूज करता है और मैश के आसपास बहुत बड़े बड़े स्पीकर्स आ जाते हैं और मैश बीच में खड़ा होता है उन स्पीकर्स के बीच में बिल्कुल। और मार्गरेटे मैश से कहता है, तो ये तुम्हारा अंत हुआ मैश, गुड बाय। और इतना बोलकर वो उन स्पीकर्स को चालू कर देता है और उन स्पीकर से बहुत तेज आवाज आने लगती है और उन शॉक वेव्स की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और ये देखकर ऑडियंस को लगता है कि भाई मैश नहीं बचा होगा, इसका कोई चांस नहीं है बचने का। और तभी ग्राउंड में से धुआं हटता है और हम देखते हैं कि मैश वहां पर होता ही नहीं है। और तभी मैश जमीन में से आकर मार्गरेटे के पैर को पकड़ लेता है और मार्गरेटे को जमीन में गाड़ देता है। और तभी मैश जमीन में से बाहर निकलता है और उसे देखकर मार्गरेटे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे पूछता है, अरे भाई तुम कैसे बच गए। पर फिन को सब कुछ समझ आ जाता है कि वहां पर अभी क्या हुआ था। दरअसल जैसे ही वो स्पेल मैश को लगने वाला था, मैश एक छलांग मारकर नीचे जमीन में चला गया। पर अब क्योंकि वो जमीन के अंदर था तो वो स्पेल उस पर पहुंच ही नहीं पाया और मैश मार्गरेटे के ऊपर आकर बैठ जाता है और उस पर पंचों की बारिश कर देता है। मैश उस पर लगातार पंचेस मार रहा होता है, मैश रुक ही नहीं रहा होता। और मार्गरेटे खड़ा होकर मैश इससे कहता है, बहुत हो गया तुम्हारा, अब नहीं बचता बेटे तू। पर वो मेटामॉर्फोसिस नाम के एक अटैक को यूज करता है और उसका यूज करके एक यंग लड़के में बदल जाता है। ये देखकर मैश हैरान रह जाता है, अरे ये क्या, तुम्हारे बाल कैसे आ गए, तुम तो गंजे थे ना। और मार्गरेटे उसे कहता है, हाँ ये मेरा ही स्पेल है भाई, तुम्हारी वजह से मुझे ये फॉर्म लेना पड़ा है। और ऐसा बोलने के बाद मार्गरेटे एक चुटकी बजाता है और बिना किसी साउंड के अचानक से ही मैश के पास टेलीपोर्ट हो जाता है और मैश के कान में एक फूंक मारता है और मैश के पूरे शरीर में झुरझुरी आ जाती है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। मार्गरेटे की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि उसे देखकर सभी को लगता है कि ये टेलीपोर्ट कर मैश के पास गया था। और तभी मैश उस पर एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन तभी मार्गरेटे वहां से गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि मार्गरेटे स्टेडियम के ऊपर बैठा होता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना मैश, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरी इस फॉर्म में मैं स्पीड ऑफ साउंड से भी बहुत तेजी से ट्रेवल कर सकता हूँ। और ऐसा बोलकर वो टेलीपोर्ट करते हुए मैश को एक लात मार देता है और मैश दूर जाकर गिरता है। और अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। ऑडियंस में बैठा हुआ कोई भी बंदा इन दोनों की फाइट को कोई भी नहीं देख पा रहा होता क्योंकि ये लोग इतनी ज्यादा तेजी से फाइट कर रहे होते हैं कि उनकी आईज इस फाइट को परसीव ही नहीं कर पाती है। अब मार्गरेटे फिर से एक चुटकी बजाता है और मैश की तरफ आने लगता है और उसे
एक लात मारने वाला होता है की तभी मैश वहाँ से गायब हो जाता है और ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि भाई मैश ने इसे कैसे डॉज कर लिया। और तभी मैश मार्ग बेटे के पीछे आ जाता है और हमें पता चलता है कि स्मैश ने साउंड की प्रॉपर्टीज का यूज किया है। जो साउंड होती है वो गैस से ज्यादा लिक्विड में ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है और सॉलिड में और भी ज्यादा तेजी से। और मैश ने उस वॉल को टच करके रखा हुआ था जो कि एक सॉलिड है, जिससे कि मैश को वो साउंड पहले ही आ चुकी थी। और मैश अपने रिफ्लेक्सेस का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर लेता है और मार्गरेटे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मैश इसे कहता है मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो चुटकी बजाने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि उसकी उंगली में सॉस लगी होती है और ये सॉस किसी और ने नहीं मैश ने लगाई होती है, ये क्रीम पफ की सॉस। और उसे समझ नहीं आता कि मैश ने इस क्रीम पफ की सॉस को उसके ऊपर कब लगाया। और अब इस सॉस की वजह से मार्गरेटे चुटकी नहीं बजा पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर मैश उसके पास आता है और उसे बहुत जोर से जमीन पर पटक देता है। मार्गरेटे अपनी छड़ी को बाहर निकालता है और अपने सेकंड मैजिक टेक्निक का यूज करने लग जाता है, जिससे कि उस पूरी की पूरी जगह पर एक खतरनाक सा मैजिक फैलना शुरू हो जाता है और ग्राउंड के बीचों बीच एक बहुत बड़ी सी बेल आ जाती है और इस बेल की आवाज जो भी बंदा सुनता है वो कुछ टाइम के लिए पावरलेस हो जाता है। 2 किलोमीटर के रेडियस में इसकी आवाज फैलती है और इस बेल को डेथ बेल भी कहा जाता है। और अभी 1 मिनट में ये बेल बजने वाली है और जो भी इसे सुनेगा उसकी पावर्स डिसेबल हो जाएंगी कुछ टाइम के लिए। और अब अगर मैश इसे रोकना चाहता है और ऑडियंस को बचाना चाहता है तो इसे मार्गरेटे के हाथों से उस छड़ी को छीनना होगा। 1 मिनट के अंदर अंदर उसे साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रैवल करना होगा। पर हम देखते हैं कि मैश इसे पकड़ नहीं पा रहा होता और अब जब सिर्फ 10 सेकंड बचते हैं उस बेल के बजने के लिए तो मैश अपने हाथों को नीचे जमीन में डालता है और बहुत ज्यादा ताकत लगाता है और पूरी की पूरी जमीन को ही मार्गरेटे के ऊपर फेंक देता है और इसे एक डिस्ट्रैक्शन की तरह यूज करते हुए मार्गरेटे की तरफ बढ़ने लगता है बहुत तेजी से। और अब उसके पास भागने के लिए सिर्फ 2 चॉइसेस होती है, या तो वो लेफ्ट जा सकता है या फिर वो राइट जा सकता है। और मैश की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करके मार्गरेटे लेफ्ट की तरफ जाने लगता है ताकि वो इससे बच पाए। लेकिन तभी मैश उसके पीछे आ जाता है और अपनी छोटी वाली उंगली से उसके कपड़े को पकड़ लेता है और अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए मार्गरेटे को पीछे की तरफ खींच लेता है और उसकी छड़ी को भी तोड़ देता है और जो बेल होती है वो वहां से गायब हो जाती है। और मैश इस मार्गरेटे को हरा देता है और डिवाइन विजनरी बनने के एक और कदम नजदीक आ चुका है। और मार्गरेटे भी मैश से बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। सच में तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो मैश, मैं अपनी हार को एक्सेप्ट करता हूँ, तुम जीत गए मैश। और ये सुनकर मैश के दोस्त बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मैश जीत गया भाई, उसने अपनी सबसे बड़ी रुकावट को हरा दिया, शुक्र है मैश जीत गया। और मैश वहां से जाने लगता है कि तभी वहां पर एक खतरनाक सा ऑरा फैलने लग जाता है, पूरे स्टेडियम में फैल जाता है वो ऑरा। सभी लोग घबराने लग जाते हैं कि ऐसा क्या हो गया है, ये क्या चीज है भाई। और तभी वो लोग आसमान में देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में क्रैक्स आने शुरू हो चुके हैं और उस आसमान में से कुछ बंदे बाहर निकलते हैं और ये इनोसेंट जीरो और उसके दोस्त होते हैं। और इनोसेंट जीरो अपने साथियों के साथ इस स्टेडियम में आ चुका है और अपनी पावर का यूज करता है वो और टाइम को रोक देता है। और अब स्टेडियम के अंदर जितने भी लोग थे वो रुक जाते हैं और अब इनोसेंट जीरो मैश के पास आता है और मैश इसे कहता है बहुत टाइम से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था मैश, तुम कितने ब्यूटीफुल हो यार, मुझे लगा नहीं था तुम इस टूर्नामेंट में सर्वाइव कर जाओगे, तुम तो बहुत ताकतवर हो, तुम बिल्कुल मेरे बेटे जैसे हो मैश, और अब तुम्हारी वजह से मैं कंप्लीट हो जाऊंगा। और ये लोग मैश को वहां से ले जाने वाले होते कि तभी हेडमास्टर वहां पर आ जाता है और इनोसेंट जीरो से कहते हैं मैं तुम्हें मैश को यहां से नहीं ले जाने दूंगा और मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, क्यों आए हो यहां पर। और इनोसेंट जीरो से कहते हैं अरे 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 हेडमास्टर जी, मैं तो बस एक इंसान बनना चाहता हूँ, वापस से खूबसूरत पावरफुल, पर कुछ पाने के लिए तुम इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, पता है ना तुम्हें, तुम लोगों की मैजिकल पावर को छीन रहे हो और उन्हें खत्म कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरे अरे अंकल जी इतने सेंटी क्यों रहे हो, ये सब लोग मेरे लिए तो एग्जिस्ट करते हैं और ये मैश तो मेरा बेटा है, इसलिए मैं मैश को वापस से अपने घर लेकर जा रहा हूँ। और ये सुनकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैश एक डिवाइन विजनरी बनने वाला है, अगर तुम मैश को यहाँ से ले जाना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। और अभी दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपनी अपनी छड़ियों को बाहर निकालते हैं, समन और अनुस, समन ग्रोनोस। और अब इन दोनों की पावर्स एक दूसरे के साथ क्लैश करने लग जाती हैं और इनोसेंट जीरो जमीन में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है और हेडमास्टर भी अपनी पावर का यूज करते हैं और स्टेडियम के कुछ लोग वापस से रिवाइव हो जाते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है मैश, मार्गरेटे, डॉट, लैंस, ये सभी लोग। और डॉट को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहां पर चल क्या रहा है और हेडमास्टर उसे कहते हैं मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी जो लोग हिल पा रहे हो तुम इन डीमंस को संभालो और मैं इस इनोसेंट जीरो को देखता हूं, जो बिल्कुल भी इनोसेंट नहीं है, मैं तुम सभी पर बहुत भरोसा करता हूं, मेरा भरोसा मत तोड़ना। और ये सुनकर सभी लोग उन डीमन से फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और डॉट भी अपने अटैक का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है और लैंस भी अपनी ग्रेविटी पावर का यूज करते हुए उन मॉन्स्टर्स को मारता है। अब हेडमास्टर अपनी पावर का यूज करता है और इनोसेंट जीरो और खुद को आसमान में लेकर आ जाता है और इधर दूसरी तरफ नीचे डॉट और लैंस आसमान में देखते हैं और देखते हैं कि आसमान में एक बहुत बड़ा सा कांटा सा होता है और ये किसी और ने नहीं बल्कि सेल वॉर ने बनाया होता है, जिसे हमने पहले के पार्ट में देखा था। और उसे देखकर डॉट को याद आता है अरे ये तो वही है, इसने तो पहले भी हम पर अटैक किया था, ये फिर से आ गया। और हम देखते हैं कि सेल वॉर एक बहुत बड़े कांटे को उनकी तरफ फेंकने वाला होता है और तभी उनके सामने और भी पावरफुल डीमंस आने लगते हैं।
हैं और मैश को देखते हैं जो कि अकेला खड़ा होता है बीच में, और मैश सेल वॉर से लड़ने के लिए वहां से चला जाता है और मैश उस टावर के नीचे आ जाता है जहां पर ये सेल वॉर खड़ा हुआ था और उस टावर पर लगातार लाते मारने लग जाता है और लाते मार मार कर उस टावर को बहुत ही छोटा कर देता है। लेकिन मैश को कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि इसने इस सेल वॉर को कहां पर देखा है, ये भूल चुका है इस सेल वॉर को। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये बेबी सिटर अपने मैजिक का यूज करके डॉट को एक बच्चा बना देता है छोटा सा, पर अब डॉट अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा होता और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है और लेंस के पास जाकर उससे मदद मांगता है और लेंस समझ जाता है कि इस बंदे के पास एक स्पेशल मैजिक है जिसका यूज करके ये किसी भी इंसान को बच्चा बना सकता है। और तभी हम देखते हैं कि बेबी सिटर वहां पर एक झुनझुना फेंक देता है डॉट की तरफ और डॉट उस झुनझुने का पीछा करने लगता है, पर लेंस के पास कोई और चारा नहीं होता और वो डॉट को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है और तभी वो बेबी सिटर लेंस पर भी हमला कर देता है और उसे भी एक छोटा सा बच्चा बना देता है। लेकिन तभी लेंस अपनी छोटी सी वॉन्ड का यूज करते हुए उस बेबी सिटर को हरा देता है और बेबी सिटर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि भाई ये कैसे हो सकता है, ये तो छोटा सा बच्चा बन गया था फिर भी इतना ताकतवर है ये। और अब उस बेबी सिटर को हराने के बाद ये लोग वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और बड़े बन जाते हैं। और दूसरी तरफ इनोसेंट जीरो और हेडमास्टर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और इनोसेंट जीरो हेडमास्टर को अपनी शक्ल दिखाता है और हम देखते हैं कि इस बंदे की शक्ल ही नहीं होती है और ये देखकर हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनोसेंट जीरो से कहते हैं, अरे हेडमास्टर जी मैं तो आपका दोस्त हूँ, आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई भूत होता हूँ, चलो रुको मैं अपना चेहरा बदल लेता हूँ, ये लो अब तो आप मुझे पहचानते हो ना। और उसे देखकर हेडमास्टर उसे पहचान लेते हैं और इनोसेंट जीरो हेडमास्टर को बताता है कि उसके दो डिजायर्स हैं। पहला, वो मैश को अपने साथ लेकर जाना चाहता है क्योंकि मैश उसके किसी रिचुअल में उसकी हेल्प कर सकता है और मैश ही उसे कंप्लीट कर सकता है। और उसका दूसरा डिजायर है हेडमास्टर को खत्म करना। अब इनोसेंट जीरो अपनी मैजिक पावर का यूज करता है और लिविंग डेड नाम का एक फॉरबिडन स्पेल यूज करता है और उस अटैक को देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ये नहीं हो सकता, ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है। इनोसेंट जीरो, तुम इंसान हो या मॉन्स्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? और इस तरफ हम देखते हैं कि सेल्वर और मैश आपस में लड़ रहे होते हैं और सेल्वर मैश से पूछता है, अबे मैश भूल गया मुझे? और मैश को अभी भी याद नहीं आ रहा होता कि ये कौन है बंदा और मैश को इस बंदे की शक्ल की जगह एक क्रीम पफ दिखाई दे रहा होता है। और तभी सेल्वर मैश के ऊपर अपने कांटे से हमला करता है पर मैश उसके इस अटैक को डॉज कर लेता है और सेल्वर उस पर बहुत सारे कांटों से हमला करता है लेकिन मैश उसके सभी के सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और मैश उसके अटैक से बचते हुए उसके काफी करीब आता है और उसके मुंह पर एक बहुत जोरदार पंच मारता है और उसे बहुत दूर जाकर गिरा देता है। अब इसके बाद हम एडम के बारे में जानते हैं। एडम एक लेजेंडरी मैजिक यूजर था और वो काफी सेंचुरीज तक इस दुनिया के टॉप में रहा था मैजिक यूज करने में और उसने अपना एक खुद का मैजिक एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया था और उसी ने मैजिक ऑफ ब्यूरो को भी इन्वेंट किया होता है। ये बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर था और सभी लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे और उसने अपनी पूरी लाइफ लोगों की भलाई के लिए लगा दी। उसने एक ग्रुप बनाया जो कि कमजोरों की हेल्प करने के लिए था और उस ग्रुप के अंदर एडम के तीन स्टूडेंट्स थे जिसमें से एक हेडमास्टर भी थे। और इस तरफ प्रेजेंट में इनोसेंट जीरो उसी फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है और वो एक कॉफिन के अंदर से एडम को बाहर निकालता है, इन दोनों का मास्टर। और ये देखकर हेडमास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं, ये तुमने क्या किया, तुमने अपनी इंसानियत खो दी है क्या? फाइनली मैंने एक ऐसा मैजिक इन्वेंट कर लिया है जिससे कि मैं किसी की एक फ्लैश के सेगमेंट से ही उसका पूरा का पूरा शरीर रिवाइव कर सकता हूँ और उसे वापस से जिंदा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही यूज कर सकता हूँ। और तभी इनोसेंट जीरो का एक और साथी वहाँ पर आ जाता है। इस बंदे का नाम नेग्रोस होता है और ये अपनी ताकत का यूज करके एडम को कंट्रोल कर रहा होता है किसी पपेट की तरह। पर हेडमास्टर से कहता है, तो मैं ही हूँ तुम्हारा ओपोनेंट और इस एडम को अब से मैं ही कंट्रोल करूंगा, मैं हूँ एडम का कंट्रोलर और ये एडम अब मेरे इशारों पर चलेगा और बुढ़े तुम अब खत्म होने वाले हो। अब नेग्रोस एडम की बॉडी को कंट्रोल करते हुए एडम की मैजिकल पावर्स का यूज करता है और हेडमास्टर पर हमला कर देता है। हेडमास्टर उसके अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं और पहला अटैक पड़ते ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये मैजिक पावर उनके मास्टर की ही है जो कि इस दुनिया के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन थे। और इनोसेंट जीरो से कहता है, मैं जानता हूँ हमारे हेडमास्टर कुछ ज्यादा लंबा नहीं जिए, सच बोलूं तो मैं उन्हें बहुत मिस करता हूँ, इसलिए मैंने उनकी बॉडी को रिवाइव किया और तुम तो हेडमास्टर के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे, है ना? और अब एडम का यूज करते हुए नेग्रोस उस पर एक और हमला करता है और वो हमला हेडमास्टर के बहुत करीब से निकलता है और वो अटैक इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एक पूरी की पूरी चट्टान को ही गायब कर देता है। और अब वो फिर से एडम का यूज करते हुए डार्क स्नेक नाम के एक अटैक को यूज करता है और वो अटैक हेडमास्टर के बिल्कुल साइड में से निकलता है और उनके कपड़े को चीरते हुए निकलता है। ये देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे हेडमास्टर जिस पावर को यूज करते थे वो डार्क मैजिक ही था, ये मैजिक जिस भी चीज को टच करता है उसे वॉइड में भेज देता है। और वो एडम का यूज करते हुए हेडमास्टर पर डबल स्नेक नाम के एक अटैक का यूज करता है और वो अटैक उन्हें सीधा जाकर लगता है लेकिन हेडमास्टर उसके इस अटैक को काट देते हैं। और ये देखकर नेग्रोस बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लग जाता है, ये कैसे हुआ? और अब नेग्रोस उस पर डार्क इंपैक्ट नाम के एक अटैक से हमला करता है और हेडमास्टर भी अपनी पावर का यूज करते हुए उसके अटैक को बहुत इजीली काट देते हैं और उसकी एक पार्ट को ही काट देते हैं। पर नेग्रोस बोलता है, ये क्या हुआ? चिंता मत करो, जो पार्ट तुमने अभी खोया है वो थोड़ी देर में अभी वापस आ जाएगा, इससे तुम मरोगे नहीं। और अब हम देखते हैं कि एडम बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी यूज करने लग जाता है और डार्क मैजिक की एक बहुत बड़ी बॉल बनाकर हेडमास्टर
हेडमास्टर पर फेंक देता है और ऐसा लग रहा होता है कि हेडमास्टर अब नहीं बचेगा, लेकिन हेडमास्टर हंसते हुए उसे कहते हैं, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। मैंने अभी तक अपनी छड़ी का 20% भी यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं अपनी पावर का यूज करूंगा। और ऐसा बोलने के बाद हेडमास्टर स्पेस आइडेंटिफायर नाम का एक अटैक यूज करते हैं, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो एडम के सारे डार्क मैजिक को कट कर देती है और एडम के साथ साथ नेग्रोस को भी अपने अटैक में खींच लेते हैं। और दूसरी तरफ हम सेल्वर और मैश को देखते हैं, और अब सेल्वर बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और उसके चेहरे पर तीसरी मैजिक लाइन भी आ जाती है और अपनी छड़ी की पूरी पावर को अनलीश कर देता है, और ये इसकी छड़ी की ट्रू फॉर्म होती है। और सेल्वर मैश इसे कहता है, तो ठीक है मैश, अब मुझे बस तुम्हारा हार्ट चाहिए है, इसके अलावा मैं तुम्हारे सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को काट डालूंगा। और ऐसा बोलने के बाद वो उस पर डायमंड कटर नाम का एक अटैक यूज करता है, जिस पर चार ब्लेड्स लगे हुए थे और मैश उसे बहुत मुश्किल से ही डॉज कर पाता है। और ये डायमंड और ये डिस्क मैश का पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक इसे बीच में से काट नहीं देती, और हम देखते हैं कि ये डिस्क लगातार मैश पर हमले कर रही होती है और मैश को थोड़ा सा इंजर्ड भी कर देती है, और मैश बहुत ही तेजी से फुर्ती दिखाते हुए उन डिस्क से बच रहा होता है। मुझे इनको इग्नोर करना होगा और सीधा सेल्वर पर हमला करना होगा। सेल्वर उसे कहता है, क्या तुम उसे डर रहे हो मैश? अगर तुम यहाँ से भी भागे ना तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालूंगा। और तभी हम देखते हैं कि मैश वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर सेल्वर कंफ्यूज हो जाता है, अबे हैं ये क्या, मैंने तो इसे धमकी दी थी, ये डरा नहीं मेरे से, ये मुझे सीरियस नहीं ले रहा क्या, इसने इतनी जल्दी हार मान ली, ये क्या वजह है? और तभी वो देखता है कि मैश बिल्कुल उसके पीछे आ चुका है, और मैश सेल्वर से कहता है, मैं इस एकेडमी के चारों तरफ एक चक्कर काट कर आया हूं और मैंने उस डिस्क से पीछा छुड़ा लिया है। और ये सुनकर सेल्वर हैरान रह जाता है और सोचने लग जाता है, भाई ये कैसे हो सकता है, मेरी चक्री तो बहुत तेज है, अभी वो मैश कितनी तेजी से दौड़ा तो भाई। और हम देखते हैं कि मैश उस पूरी की पूरी एकेडमी के चारों तरफ एक चक्कर काट कर आया होता है, और मैश सेल्वर को पकड़ लेता है, और उसका प्लान ये होता है कि जैसे ही वो डिस्क मैश को काटने के लिए उसके पास आएगी तो वो सेल्वर को भी बीच में से काट देगी, और तभी सेल्वर अपनी बॉडी को डायमंड की तरह हार्ड बना लेता है जिससे कि वो डिस्क से बच पाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो डिस्क मैश के पास आकर लगती है और मैश नीचे गिर जाता है, और सेल्वर हंसने लग जाता है और कहता है, बस हो गया तेरा, इतना ही जोर था तुम्हें, हट। और ऐसा बोलकर वो मैश के सिर पर लात मारने लगता है, तुम कितने पथेटिक हो, किसी काम के नहीं, मैं तुम्हारी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और तभी सेल्वर नोटिस करता है कि मैश के सिर की जगह एक क्रीम पफ होता है, ये देखकर वो हैरान रह जाता है, और तभी मैश खड़ा हो जाता है और अपने सर पे से उस क्रीम पफ को हटाता है, हेलो। और ये देखकर सेल्वर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो लगा था कि उसने मैश को अभी हरा दिया है, पर मैश तो बिल्कुल सही सलामत है, ये कैसे हो सकता है। और अब मैश जबरदस्ती कुछ क्रीम पफ्स को सेल्वर के मुंह में डालने लगता है, और सेल्वर को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मैश जिंदा कैसे है, ये तो अभी कट गया था ना। और मैश उसे बहुत सारे क्रीम पफ्स खिलाने लग जाता है जिससे कि सेल्वर की सांसें रुकने लग जाती है, और मैश उसके गले को पकड़ लेता है और उसे काफी ताकत से दबाने लग जाता है। और हमें पता चलता है कि इस सेल्वर को हाइपोक्सिया हो गया था, ऐसा तब होता है जब दिमाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें हेलुसिनेशंस होने लगते हैं। और फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं कि कैसे मैश उस अटैक से बच पाया था। दरअसल जैसे ही वो डिस्क मैश को पहले लगने वाली होती है तो मैश ने अपनी बची हुई ताकत से सेल्वर के गले को पूरी तरह से दबा दिया था जिससे कि सेल्वर के ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही थी और वो सांस नहीं ले पाया, और एक सेकंड के अंदर अंदर ही उसने सेल्वर को खत्म कर दिया। और जैसे ही उसने सेल्वर को हराया तो वो डिस्क वहां से गायब हो गई और वो डिस्क मैश को कभी लगी ही नहीं, जिसका मतलब है कि सेल्वर ने जो भी देखा था वो एक इल्यूजन था, वो डिस्क मैश को कभी लगी ही नहीं, और ये क्रिम्प अप वाला सीन भी बस एक इल्यूजन था। और अब सेल्वर के खत्म होने की वजह से वो जो कांटे वाला अटैक होता है उसका वो भी खत्म हो जाता है और मैश सेल्वर को हरा देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं रियो और शॉन को, जिन्हें यहाँ पर पहुंचते पहुंचते दो एपिसोड्स लग गए, पर आखिरकार ये लोग ईस्टर्न मैजिक एकेडमी पहुंच ही जाते हैं। और हम देखते हैं कि इनोसेंट जीरो के मैजिक की वजह से शॉन वहीं पर स्टॉप हो जाता है और रियो समझ जाता है कि यहाँ पर किसी ने टाइम स्टॉप वाला मैजिक यूज किया है, और वो उम्मीद करता है कि मैश बिल्कुल ठीक होगा। और फाइनली वो अरीना में पहुंच जाता है और देखता है कि वहां पर जितने भी मॉन्स्टर थे उन्होंने उन सभी को हरा दिया है। और तभी ऑर्डर बोलता है, नहीं यार अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हेडमास्टर इनोसेंट जीरो के साथ लड़ रहे हैं और हमें कोई आइडिया नहीं है कि वो लोग कहां पर लड़ रहे हैं, क्योंकि लड़ाई से पहले उन्होंने एक ट्रांसफर मैजिक का यूज किया था और उन दोनों को यहां से मूव कर लिया था। ये सुनकर मैश तैयार हो जाता है और कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, मैं हेडमास्टर को ढूंढ निकालूंगा, और एकदम से भागने लग जाता है। और तभी ऑर्डर सेल्वर के पास जाता है उसे इंटेरोगेट करने के लिए। अब ऑर्डर उस पर हमला करने लगता है, लेकिन तभी सेल्वर एक शील्ड बनाता है और ऑर्डर का मैजिक पूरी तरह से तबाह हो जाता है और एकदम से वो बैरियर चमकने लग जाता है और सेल्वर को पूरी तरह से ट्रांसफर कर देता है कहीं और जगह पर। और तभी मार्गरेट वहां पर आता है और उन्हें पता चल जाता है कि इनोसेंट जीरो के किसी मेंबर का काम है और वो आसपास ही है और सेल्वर को बचा रहा है। ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि हेडमास्टर को ढूंढने के लिए जंगलों के बीच भाग रहा होता है बहुत तेजी से, और इस तरफ हम हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो को देखते हैं। और अब हेडमास्टर का मुकाबला है इनोसेंट जीरो के साथ। अब हेडमास्टर अपना पहला स्पेल कास्ट करते हैं जो कि था टाइम स्कोल्ड, और इसको काउंटर करने के लिए इनोसेंट जीरो स्पेसलेस मैजिक का यूज करता है और अपने आप को उस पूरे के पूरे स्पेस से ही रिमूव कर देता है। और हेडमास्टर इनोसेंट जीरो के ऊपर अपने स्पेस बाउंड से हमला करते हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि इनोसेंट जीरो ठीक उसके पीछे आ चुका है, और ये देखते ही उन्हें रियलाइज हो जाता है कि शायद इनोसेंट जीरो टाइम को मैनिपुलेट कर रहा है। और तभी इनोसेंट जीरो अपना टाइम्स रीबाउंड मैजिक स्पेल को कास्ट करता है और अचानक से हेडमास्टर की बॉडी आधी डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, उनकी आधी बॉडी ऐसा लगता है कि जैसे डेड हो चुकी है। और तभी इनोसेंट जीरो से कहता है, अभी ये सेम चीज आपके लेग के साथ भी होने वाली है हेडमास्टर जी। और इनोसेंट जीरो की इतनी ज्यादा पावर को देख
देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ताकत हो चुके हो इनोसेंट जीरो, अब लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और फिर वो कंटिन्यूसली स्पेस बाउट नाम की एक अटैक को यूज करते हैं, पर उन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये चीज इनफ नहीं है, क्योंकि इनोसेंट जीरो टाइम मैजिक का यूज करके उनके अटैक्स को अपनी तरफ आने ही नहीं दे रहा था। हेडमास्टर उस पर कंटिन्यूसली अटैक करते हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। और तभी इनोसेंट जीरो से कहता है, हेडमास्टर जी आपको नहीं लगता आप बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो, मुझे लगता है आपको अब रिटायर हो जाना चाहिए। और हेडमास्टर फिर से बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इनोसेंट जीरो फिर से ठीक उसके पीछे खड़ा था। और अब हेडमास्टर को गुस्सा आ चुका है और उनकी पूरी की पूरी बॉडी से एक ऑरा सा निकलने लग जाता है। भले ही मेरी जान चली जाए लेकिन मैं ये करने वाला हूँ। और इनोसेंट जीरो अपने मन में सोच रहा होता है कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कि इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं जो कि अभी ये हेडमास्टर करने वाला है। ये चीज मैजिक का एपिटोन है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल मैजिकल स्पेल है। और हेडमास्टर अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर को यूज करने लग जाते हैं और अपने थर्ड स्पेल पेसिस थर्ड को कास्ट करते हैं। इस स्पेल की वजह से गॉड की पावर अनलीश हो जाती है। इनोसेंट जीरो, तुम जरूर से इस पावर के बारे में जानते होगे, ये पावर ऑफ यूरेनस है, गॉड ऑफ द स्काई, और अब तुम इससे नहीं बच सकते। और तभी इनोसेंट जीरो उसे कहता है, नहीं हेडमास्टर आप ये नहीं कर सकते। और तभी इनोसेंट जीरो टाइम स्कोल्ड नाम का एक अटैक यूज करके उन पर हमला करता है और स्पेस में गायब हो जाता है और एक दूसरे स्पेस में ट्रैवल कर जाता है। इनोसेंट जीरो, अब तुम नहीं बच सकते, तुम्हारा टाइम आ चुका है। इस एकेडमी का हेडमास्टर होने के नाते मैं इस पूरे के पूरे एरिया को ही ढेर करने वाला हूँ। और फाइनली हेडमास्टर की जो मेन पावर होती है वो एक्टिवेट होना चालू हो जाती है। मैंने बहुत गलत काम किए और मैं इस चीज के लिए बहुत देर से वेट कर रहा था। लेकिन तभी अचानक से पूरा का पूरा एरिया फ्रीज हो जाता है, सब कुछ इंक्लूडिंग वो स्पेल भी हेडमास्टर के साथ साथ फ्रीज हो जाता है। इनोसेंट जीरो ने टाइम को फ्रीज कर दिया था। भले ही आपका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन आप उस आदमी को कभी नहीं हरा सकते जो कि टाइम को कंट्रोल कर सकता हो। हेडमास्टर जी, जिस मोमेंट से आप मेरे साथ लड़ने के लिए आए हो उसी मोमेंट से आपका हारना पहले ही डिसाइड हो गया था। और वो हेडमास्टर के ऊपर कंटिन्यूअसली हमले करता है अपने टाइम से एरो रिंग की हेल्प से और हेडमास्टर को बहुत ज्यादा घायल कर देता है। लेकिन इस अटैक की वजह से हेडमास्टर का जो अटैक होता है वो फिर से रिवाइव हो जाता है और ज्यादा पावर के साथ काम करना चालू कर देता है। शायद तुम्हें इस मैजिकल स्पेल की असली ताकत का अंदाजा नहीं है इनोसेंट जीरो, अगर मैं मर भी जाऊँ तब भी ये स्पेल कास्ट होकर ही रहेगा। और ये सुनकर इनोसेंट जीरो शॉक रह जाता है और अब हेडमास्टर अपनी पूरी की पूरी मैजिकल पावर को इस स्पेल में लगा देते हैं। मरने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने अपने स्टूडेंट्स को देखा है कैसे वो अपने फ्रेंड के फ्यूचर के लिए डेस्परेट है। उन्होंने सब कुछ किया मैश के लिए, वो मैश की बहुत परवाह करते हैं। मैं उनकी मेहनत को जाया नहीं होने दूंगा, मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ जहाँ हर कोई हर किसी के वीकनेस को एक्सेप्ट करे, तभी जाकर हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। और मैं उन सभी को बचाऊंगा जो अभी कमजोर है, ठीक उसी तरह से जैसे किसी टाइम पर मैं हुआ करता था। और तभी पूरा का पूरा एरिया लाइट से भर जाता है और उनका मैजिकल स्पेल कास्ट होने लग जाता है। पूरे आसमान में एक ब्राइट लाइट सी छा जाती है। ये चीज देखकर सभी को समझ में आने लगता है कि शायद हेडमास्टर ने उस थर्ड स्पेल को एक्टिवेट कर दिया है। और तभी हमें हेडमास्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा हांफ रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो ये देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है कि इनोसेंट जीरो उनके सामने खड़ा है बिल्कुल ठीक ठाक, उसको एक हरोंच तक नहीं आई उनके अटैक से। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद इनोसेंट जीरो ने पूरे के पूरे टाइम को ही रिवर्स कर दिया है। इसने पूरे के पूरे स्पेस और टाइम को ही मैनिपुलेट करके रिवर्स कर दिया जिससे कि वो अटैक उसे लगा ही नहीं। और तभी इनोसेंट जीरो हेडमास्टर पर हमला कर देता है और उनमें से एक एरो आकर हेडमास्टर को लग जाता है और उनकी वॉन्ड नीचे गिर जाती है और हेडमास्टर भी बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। और तभी इनोसेंट जीरो हेडमास्टर के बाल पकड़ लेता है और उन्हें कहता है, आप काफी स्ट्रॉन्ग थे लेकिन मैं आपसे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूं और अब आपकी मौत होने वाली है। और तभी एक एरो आता है और हेडमास्टर के माथे के सामने आकर रुक जाता है और तभी हेडमास्टर की पूरी लाइफ उनकी आंखों के सामने फ्लैश होती है और रोने लग जाते हैं क्योंकि वो अपनी ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाए थे। वो इस दुनिया को एक बेहतर प्लेस बनाना चाहते थे लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। और जैसे ही इनोसेंट जीरो ने मारने वाला होता है तभी मैश वहां पर आ जाता है और इनोसेंट जीरो के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है। और तभी मैश हेडमास्टर से कहता है, हेडमास्टर अपने एंट्रेंस एग्जाम के टाइम पर मुझसे पूछा था ना कि अगर मेरे सामने मुझसे भी कोई बहुत ज्यादा ताकतवर आदमी आ गया तो मैं क्या करूंगा, तो आज आप देख लो मैं उसे ऐसे ही नॉकआउट करने वाला हूं अपने मैजिक एंड मसल का यूज करके। और तभी हम देखते हैं कि मैश हवा में उड़ने के लिए अपने पैरों को बहुत जोर जोर से हिला रहा होता है और तभी इनोसेंट जीरो मैश से कहता है, मैश मेरे बेटे तुम वापस आ ही गए, मुझे बहुत खुशी है तुम्हें देखकर, चलो अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझसे मिल जाओ। लेकिन मैश बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं देता और ये देखकर इनोसेंट जीरो को गुस्सा जाता है। इनोसेंट जीरो अपना मैजिकल स्पेल कास्ट करता है और मैश और हेडमास्टर को दोनों को एक मैजिकल बाउंड्री के अंदर कैद कर देता है। लेकिन तभी मैश उस बैरियर से बाहर निकलता है हेडमास्टर को लेकर और तभी इनोसेंट जीरो एक मैजिकल स्पेल यूज करने लगता है और ये वाला मैजिकल स्पेल उसका नहीं बल्कि हेडमास्टर का होता है। दरअसल ये जो मैजिक बाउंड्री थी जो भी इसने क्रिएट करी ये एक ऐसी मैजिकल बाउंड्री है कि जो भी इंसान इस बाउंड्री के अंदर आता है तो उस आदमी के सारे मैजिकल स्पेल इनोसेंट जीरो के पास आ जाते हैं। और अब इनोसेंट जीरो हेडमास्टर का अटैक यूज करने लगता है स्पेस सैक्रिफाइस और इस बार उसका मैजिकल स्पेल इतना ज्यादा पावरफुल था कि खुद हेडमास्टर भी ये देखकर शॉक रह जाता है कि उसका अटैक इतना ज्यादा ताकतवर कैसे हो गया और वो एक पूरे के पूरे पहाड़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी इनोसेंट जीरो कहता है, मैं सभी को खत्म कर दूंगा, मैश अब तुम मेरे हो, समझे तुम। और तभी मैश एकदम से आगे बढ़ता है और कंटिन्यूअसली इनोसेंट जीरो को मारने लग जाता है। लेकिन तभी इनोसेंट जीरो उसके हाथों पकड़ लेता है और उसे कहता है, तुमने देखा मैश मुझे खरोंच तक नहीं आई। और एकदम से मैश को पुश कर देता है और उस पर अपना मैजिकल स्पेल यूज करता है। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ अजीब सा फील होता है, इनोसेंट जीरो के फेस का पूरा स्ट्रक्चर एकदम से बिगड़ने लग जाता है। मैश को देखकर समझ नहीं आता हां ये क्या हो रहा है। दरअसल इनोसेंट जीरो का जो मैजिक पावर है ये उसकी फिजिकल कैपेबिलिटी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अब उसकी बॉडी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही और इसीलिए वो मैश की बॉडी चाहता है ताकि वो एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बन पाए। मैश तुम मेरे लिए एग्जिस्ट करते हो सिर्फ, तुम मुझे एक बेहतर इंसान बनाओगे, एक ह्यूमन जो कि कोई मैजिक यूज नहीं कर सकता, वो इस दुनिया में नहीं रह सकता। अब इनोसेंट जीरो उन दोनों पर हमला करता है।
है और वो अटैक हेडमास्टर को लगने वाला होता है कि तभी मैच बीच में आता है और हेडमास्टर को उस अटैक से बचा लेता है और तभी अचानक से इनोसेंट जीरो के पीछे जो आसमान था वो फिर से टूटने लग जाता है और एक टेलीपोर्टेशन विंडो खुलने लग जाती है और इनोसेंट जीरो वहां से जाने लगता है और जाते जाते उन दोनों को बोलता है मैं वापस आऊंगा पूरी तैयारी के साथ मैश मैं तुम्हें लेने जरूर वापस आऊंगा चिंता मत करो तुम और एक लास्ट मैजिकल स्पेल यूज करता है और जो टाइम बाउंड हो रखा था पूरे के पूरे एरिना के ऊपर उसे तोड़ देता है और वहां पर जितने भी डेड मॉन्स्टर्स थे वो सभी के सभी वैनिश होने लग जाते हैं और वो सभी के सभी डीमंस आसमान में जाकर कंबाइन होने लग जाते हैं और एक बहुत बड़े से मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और हेडमास्टर और मैश इस डीमन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और इनोसेंट जीरो वहां से चला जाता है टेलीपोर्टो पर और तभी हेडमास्टर का सर चकराने लग जाता है और नीचे गिरने लगते हैं लेकिन तभी रियो वहां पर आता है और हेडमास्टर को बचा लेता है लेकिन हेडमास्टर की इंजरीज को देखकर रियो बहुत ज्यादा डर जाता है और नीचे हम मैश को देखते हैं जो कि उस डीमन की तरफ जा रहा है बहुत तेजी से भागते हुए और एरिना में जितने भी लोग अभी तक फ्रीज रखे वो लोग फिर से ठीक हो जाते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि यहां पर अभी क्या हुआ और तभी उनका ध्यान उस मॉन्स्टर के ऊपर जाता है जो कि एरिना के बाहर ही था और सभी के सभी लोग उसे देख कर शॉक रह जाते हैं और बहुत ज्यादा डर जाते हैं और ये डीमन एक ही मुक्के में आउटर वॉल को तबाह कर देता है और बहुत सारे पत्थर एरिना में गिरने लगते हैं लेकिन तभी लैंस अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके उन पत्थरों को तोड़ देता है और उस स्टेडियम में अफरा तफरी मच जाती है और सभी के सभी स्टूडेंट्स वहां से भागने लगते हैं अपनी जान बचाकर और तभी डॉट भी उस डीमन के ऊपर हमला कर देता है लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके अराउंड एक मैजिक नलीफाइंग बैरियर लगा हुआ था जैसे कि सेल वॉर के अराउंड बना हुआ था और ये जो बैरियर है ये इनोसेंट जीरो के ही किसी मेंबर ने लगाया होता है जो कि इनके आसपास ही कहीं पर है पर इन्हें इनकी लोकेशन नहीं पता और उसकी लोकेशन का पता करने के लिए ऑर्डर वहां से चला जाता है और इस तरफ जितने भी स्टूडेंट्स उस एरिना के बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए जो रास्ता था वो भी किसी ने मैजिक के द्वारा बंद कर दिया था और अब ये लोग बाहर नहीं जा सकते हर जगह एकदम पैनिक का माहौल छा जाता है और वो मॉन्स्टर धीरे धीरे एरिना में पहुंच जाता है और तभी वो डीमन एक मुक्का मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो रुक जाता है और तभी फिन देखता है कि वो मॉन्स्टर अचानक से ही बहुत सहम सा जाता है और पीछे की तरफ मूव करने लग जाता है और तभी हम देखते हैं कि मैश ने इसे रोक लिया होता है मैश ने उस मॉन्स्टर के अराउंड जो चेन थी उसे पकड़ लिया था और इसी वजह से वो मॉन्स्टर मूव ही नहीं कर पा रहा था और सभी के सभी स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता मैश की ताकत को देखकर मैश के फिंगर से खून निकलना शुरू हो जाता है लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और ये देखकर सभी के सभी स्टूडेंट्स थोड़ी सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि मैश के पास कोई मैजिकल पावर नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी जी जान लगा रहा है उस डीमन को हराने के लिए उनके लिए और उनके स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए मैश अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है और मैश के लिए इन सभी के मन में जो इमेज थी वो चेंज होने लग जाती है और ये सभी लोग मैश को अब सपोर्ट करने लग जाते हैं मैश तुम ये कर सकते हो मैश तुम ये कर सकते हो लेमन भी चिल्लाने लग जाती है मैश तुम ये कर सकते हो और फिन भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है देखकर उसे यकीन नहीं आता कि जो स्टूडेंट्स अभी कुछ दिन पहले ही उसे नफरत करते थे वही स्टूडेंट्स आज उसे चीयर अप कर रहे हैं फिन ये देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और मैश अपने पूरे एफर्ट्स लगाता है इस मॉन्स्टर को रोकने के लिए और तभी फिन भी चिल्लाता है मैश तुम ये कर सकते हो और फिन की आवाज सुनकर मैश के अंदर एक अलग ही जोश आ जाता है उसकी आंखें चमकने लग जाती हैं और फिर वो उस मॉन्स्टर को लेकर आसमान में घुमाना चालू कर देता है वो इतनी जोर से घुमाता है कि वो मॉन्स्टर दूर जाकर गिरता है पहाड़ों को तोड़ते हुए आगे जाता है और खत्म हो जाता है और मैश उस मॉन्स्टर को खत्म कर देता है और सभी स्टूडेंट्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी वहां पर फिन और लेमन दौड़ते दौड़ते मैश के पास आते हैं तभी लेमन मैश के पास आती है उसे एक किस्सी देने के लिए लेकिन मैश क्रीम पफ खाने लग जाता है ताकि उसे लेमन की किस्सी ना लेनी पड़े और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं और रियो हेडमास्टर को बताता है कि मैश ने उस मॉन्स्टर को हरा दिया है और ये सुनकर हेडमास्टर एक चैन की सांस लेते हैं और उन्हें मैश पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डॉट और केल्टो मिलकर उस बंदे को पकड़ लेते हैं जो कि उस पूरे के पूरे मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा होता है लेकिन तभी ऑर्डर वहां पर आ जाता है और उस बंदे का तक चूमर बना देता है और बोलता है केल्टो मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा मैश की साइड ले रहे हो लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं मैं कभी भी उस बंदे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा लेकिन तभी केल्टो उसे कहते हैं अरे नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है मैश की फिजिकल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एक टाइम आएगा जब तुम्हें भी इस बात को मानना ही होगा और अब इनोसेंट जीरो वाली न्यूज पूरे के पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है और मैजिक ऑफ यूरम में सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट कर दी जाती है और इस तरफ हम मैश को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ बीच पर आया होता है और बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं मैश आजा वाटर मेलन के साथ खेलते हैं और तभी वो एक वाटर मेलन निकालता है जिसके नीचे एक ऑक्टोपस का पांव होता है और तभी वो ऑक्टोपस मैश के ऊपर जाकर चिपक जाता है और उसका जो पैर था वो मैश के गले में जाकर लगता है और डॉट बोलता है ये क्या हो रहा है भाई मैश बनने वाले क्या शेट लेकिन तभी मैश एकदम से अपने सिर को पटकता है और उस वाटर मेलन के टुकड़े कर देता है। अब डॉट और मैश एक दूसरे के साथ पानी में जाकर खेलने लग जाते हैं और लेमन फिन और लेंस बहुत ज्यादा टेंशन में थे मैश को लेकर और तभी हेडमास्टर भी वहां पर आ जाता है और हेडमास्टर एकदम मस्त बैठा होता है और एकदम मस्त नारियल पानी पी रहा होता है और हेडमास्टर उन सभी को बोलता है मैश तब तक चैन से नहीं बैठ सकता जब तक वो इनोसेंट जीरो को नहीं हरा देता और अब इनोसेंट जीरो के पास मेरी मैजिकल पावर भी है और उसके अटैक्स बहुत ताकतवर हो चुके हैं और अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो ये वर्ल्ड खत्म होने वाला है। मैंने कभी नहीं सोचा था ये इनोसेंट जीरो इतना ज्यादा पावरफुल निकलेगा अब सिर्फ मैश ही उसे रोक सकता है और तभी मैश पीछे से आता है और अपने डोले शोले दिखाकर उन्हें बोलता है तुम चिंता मत करो मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ मैं उसको हरा डालूंगा और लेमन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन ये फिन मैश को लेकर अभी भी बहुत ज्यादा चिंता में होता है और हेडमास्टर भी उसका एटीट्यूड देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें पूरी उम्मीद होती है कि मैश इनोसेंट जीरो को हरा डालेगा लेकिन तभी लेंस मैश को बताता है कि उनके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं और अगर ये इसमें फेल हो गया तो उसे अकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा और ये सुनकर मैश के पसीने छूटने लग जाते हैं क्योंकि उसे पढ़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिल्कुल मेरी तरह और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लेमन मैश का एक मॉक टेस्ट लेती है ताकि वो मैश की एग्जाम प्रिपरेशन को चेक कर पाए लेकिन मैश हर एक पेपर में फेल हो जाता है और उसके सभी दोस्तों से कहते हैं भाई मैश ऐसी बात नहीं बनने वाली पढ़ ले भाई पढ़ ले फेल हो जाएगा चल कोई नहीं हम पढ़ाएंगे तेरे को टेंशन मत ले और मैश अपना सिर पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा टेंशन में जाता है और वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो मैश को एक एक कर पढ़ाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट्स को और लेंस स्टार्ट करता है मैथ से पर मैश के सर से ऊपर
से जा रहा होता है सब कुछ, उसका दिमाग गर्म होकर फट जाता है, वो कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा होता और मैश इन चीजों को सहन नहीं कर पा रहा होता और उसके दिमाग का घोंसला बन जाता है और बिल्डिंग तोड़कर वहां से भाग जाता है और उसके सभी दोस्त ये देखकर शॉक रह जाते हैं और फिन मैश को ढूंढने के लिए भाग जाता है। लेकिन उसे मैश कहीं पर भी नहीं दिखता और ढूंढते ढूंढते फिन जंगल में पहुंच जाता है और तभी वो देखता है कि मैश ने अपने आप को नीचे जमीन में गाड़ रखा होता है गले तक। ये देखकर फिन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मैश इसे कहता है, बे मैश पागल हो गया तू, ये कर रहा है? और मैश उसे बोलता है, सॉरी फिन, लगता है मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना। लेकिन फिन मैश को बहुत ज्यादा समझाता है और उसे कहता है, तुमने कहा था ना मैश, तुम हमारे साथ पढ़ोगे और हमारे साथ ग्रेजुएट होगे, तुम ये कर सकते हो यार, तुमसे हो जाएगा। और मैश उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा मोटिवेट होता है और फिन से कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो फिन। और तभी मैश जमीन को तोड़ते हुए बाहर निकलता है और कहता है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। और मैश फिर से वापस जाता है और उन सभी से माफी मांगता है उसके पहले वाले बिहेवियर के लिए और पढ़ाई करने में लग जाता है। मैश बहुत ज्यादा स्टडी करता है, वो पूरा टाइम पढ़ता रहता है और साथ में क्रीम पफ्स खाता रहता है और फाइनली एग्जाम का दिन आ जाता है और एग्जाम में लिखते लिखते मैश की हवा टाइट हो जाती है लेकिन एटलीस्ट वो पेपर में कुछ तो लिखता है। और अब एग्जाम होने के बाद मैश के सभी दोस्त उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं, अरे भाई चिंता मत करो मैश, तुम हो जाओगे पास। और फाइनली रिजल्ट अनाउंस होता है और मैश को वो टीचर बुलाती है अपने पास और जैसे ही मैश उस टीचर के पास जाता है तो वो टीचर उसे बोलती है, तुम बहुत ही गंदे स्टूडेंट थे, मैं सच बोलूं तुम्हारा एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं और पढ़ाई में भी तुम बहुत ज्यादा पुअर हो, लेकिन इस बार ये साफ साफ दिख रहा है कि तुमने मेहनत की है बच्चे। और उसकी टीचर मैश को उसका आंसर शीट देती है और हम देखते हैं कि मैश हर एक एग्जाम में पास हो चुका है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, उसकी टीचर भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मैश बोलता है, ये एग्जाम तो बहुत ईजी था। और ये सुनकर उसके सारे के सारे दोस्त उसे लाते मारने लग जाते हैं क्योंकि इन्होंने तो मैश को पढ़ाया होता है वरना मैश की बस की थोड़ी थी। और तभी टॉम दौड़ते दौड़ते वहां पर आता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उन सभी को बताता है कि जितने भी सिविलियंस थे वो सभी लोग उस न्यूज़पेपर को पढ़कर बाहर आ चुके हैं। और कैंपस के बाहर हम लोग देखते हैं कि जितने भी लोकल लोग थे वहां के वो मैश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं और बोल रहे होते हैं कि कोई बंदा जिसके पास कोई मैजिक ही नहीं है वो डिवाइन विजनरी कैसे बन सकता है, ये चीज नहीं हो सकती। और मैश के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और लेमन बाहर जाती है और उन सभी को शांत होने के लिए कहती है और उन सभी को बोलती है कि किसी बंदे का वर्थ उसकी मैजिक यूजिंग कैपेबिलिटी से डिसाइड नहीं होता और हम सभी को मैश को सपोर्ट करना चाहिए, वो अपने दम पर यहां पर आया है। और तभी सभी लोग उसे कहते हैं, ए तू कौन है, चुप हो जा तू, तू तो आउटसाइडर है, हमें मत सिखा चल। और तभी लेमन बोलती है, मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं मैश की होने वाली वाइफ हूं। और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मैश भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, ये कब हुआ? और लेमन बोलती है, हां अरे वाइफ नहीं हूं, मतलब होने वाली फ्यूचर में। और ये सुनकर पब्लिक और ज्यादा भड़क जाती है। लेकिन तभी डॉट वहां पर आता है और मैश का एक वकील बनकर आता है वहां पे और पब्लिक को समझाने की कोशिश करता है, देखो भाई समझ जाओ सबके सब, मैश में टैलेंट है ठीक है ना। और तभी ऑडियंस में से एक बंदा पत्थर उठाता है और सीधा लेमन के ऊपर फेंक कर मारता है और वो पत्थर जाकर सीधा लेमन की आंखों में जाकर लगता है, लेमन को बहुत ज्यादा चोट आ जाती है और मैश एकदम से बाहर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लैंस उसे रोक लेता है और लेमन बोलती है, अगर आपको सच में मैश को पनिश करना है तो उसके साथ साथ आपको मुझे भी पनिश करना होगा, तुम्हें मुझे भी सजा देनी होगी। और बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसी वक्त को सोचती है जब वो पहली बार मैश से मिली थी और उसने उसकी लाइफ बचाई थी। लेकिन उसी भीड़ में एक बंदा था जो कि मैश को पकड़ने के पर्पस से वहां पर आया था और सोच रहा था कि अगर वो मैश को पकड़ लेता है तो पब्लिक में उसका बहुत ज्यादा नाम हो जाएगा, इसलिए वो भीड़ को भड़काता है और कहता है, गाइस इस लड़की को बिल्कुल नहीं छोड़ना, इस पे कोई भी रहम कहानी की जरूरत नहीं। और सभी लोग लेमन के ऊपर पत्थर से वार करने लग जाते हैं। लेकिन तभी मैश वहां पर आता है और मैश हर एक पत्थर को पकड़ लेता है और लेमन की जान बचा लेता है और मैश उन सभी के सामने आ जाता है। और तभी वो बंदा एक छड़ी निकालता है और प्रिजन वॉल नाम का एक अटैक यूज करने लगता है मैश के ऊपर और तभी आसमान से एक प्रिजन वॉल आकर मैश के ऊपर आकर गिरती है जो कि पूरी तरह से मैश को कवर कर लेती है। ये प्रिजन वॉल 15 सेंटीमीटर जितनी मोटी होती है लेकिन फिर भी मैश उसे आसानी से तोड़ देता है अपनी एक उंगली से ही और उस वॉल से बाहर आ जाता है। और मैश उस प्रिजन वॉल को उस बंदे के ऊपर फेंक कर मारता है और उसी को ही कैद कर देता है। और फिर मैश बोलता है, भले ही मुझे मैजिक यूज करना नहीं आता हो लेकिन मैं ये प्रूफ करके ही रहूंगा कि मैं ही बेस्ट हूं, मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। और तभी वहां पर हेडमास्टर आ जाते हैं और हेडमास्टर को देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शांत हो जाते हैं और हेडमास्टर उन सभी को बोलते हैं, मैं तुम सभी से माफी चाहता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग शांत हो जाएं, अभी मैश को डिवाइन विजनरी नहीं बनाया गया, अभी इसमें कुछ समय है, प्लीज आप थोड़ी सी पेशेंस रखिए। और हेडमास्टर मैश से कहते हैं, मैश तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हें ऐसा दोस्त मिला जो हमेशा हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। और मैश बोलता है, हेडमास्टर जी इस स्कूल ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं हर हाल में एक डिवाइन विजनरी बनकर ही रहूंगा ताकि मैं अपने फादर के साथ एक शांति भरी जिंदगी जी सकूं। और एंडिंग में मैश बोलता है, मेरे सामने जो भी आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इस सीरीज का फोर्थ पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और जैसे ही इसका तीसरा सीजन आएगा मैं उसे कवर कर दूंगा। और अगर आपको अगली वीडियो सोलो लेवलिंग एनिमे पर चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो ठीक है गाइस, और मिलते हैं अगली वीडियो में।